क्वालिटी एंड गवर्नेंस टॉपिक नंबर 1.1 सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। क्वालिटी एंड गवर्नेंस का जो ये पहला टॉपिक है, ये प्रीवियस ईयर पेपर में इससे कनेक्टेड क्वेश्चंस आ चुके हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं। प्रीलिम्स में 2011 में, मेंस में 2005, 18, 19, इवन 14 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस कंटेंट में जो नीचे आपके पास प्रेजेंट है, इसमें आपको ऐसा डेटा मिल जाएगा जो फ्यूचर में अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो उसके लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो ओबीसी हैं, हमारे अदर बैकवर्ड क्लासेस, उन ओबीसी में भी एक कैटेगराइजेशन करना, जैसे क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर, ये टॉपिक उसके बारे में है। यहाँ पर बहुत डिटेल में हम लोग सभी तरह की रिजर्वेशन क्लासेस के बारे में बात नहीं करेंगे, ये बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है कि ओबीसी में जो सब कैटेगराइजेशन है उसके रिगार्डिंग। तो रिसेंटली न्यूज़ में था, जस्टिस रोहिणी कमीशन को सेटअप किया गया था अर्लियर, उसका अभी एक्सटेंशन किया है। क्यों? ताकि हम ये एग्जामिन कर सकें कि ओबीसी के अंदर स्पेशली जो सेंट्रल लिस्ट है, ओबीसी की दो लिस्ट होती हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, तो सेंट्रल लिस्ट में किस तरीके से सब कैटेगराइजेशन हो, इसका बैकग्राउंड देखना है, ओबीसीज होते क्या हैं और जो कमीशन ने रिकमेंडेशन क्या क्या दिया है इन कैटेगरीज़ का उसके बारे में, और हमको ज़रूरत क्यों है कि हम इनको सब कैटेगराइज करें। फिर हम लोग बैकग्राउंड देखेंगे जो कि मंडल कमीशन है, आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने पॉलिटी की स्टार्टिंग कर दी है, जो पढ़ चुके हैं उनको पता होगा मंडल कमीशन के बारे में। फिर अगर हम ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या कुछ चैलेंजेस आएंगे, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस क्या है, उसके बाद रिलेटेड डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं 102nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो शुरुआत यहीं से की जाएगी कि ओबीसीज होते क्या है। पहले तो हम सबको पता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में, कुछ कास्ट बेस्ड जनरल वो कैटेगराइजेशन होता है। तो ओबीसी हम लोग उनके लिए यूज़ करते हैं जो एजुकेशनली और सोशली डिसएडवांटेज्ड क्लासेस हैं। बेसिकली एक तरीके का हेट्रोजीनियस ग्रुप है ये। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस का ध्यान रखना, जैसे आप बात करते हो जनरल कैटेगरी की, तो क्या जनरल कैटेगरी एक हेट्रोजीनियस ग्रुप है? हाँ है, क्योंकि जनरल कैटेगरी में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कास्ट भी आ जाती हैं। उसी तरीके से ओबीसी के अंदर भी ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर कास्ट होती हैं, जैसे एसटी हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया। शेड्यूल ट्राइब में आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं बहुत सारा हेट्रोजीनियस फैक्टर नहीं मिलेगा, वहाँ पर होमोजीनियस चीज़ें मिलेगी। होमो का मतलब होता है जो सिमिलर होते हैं, एक ही तरह के। हेट्रो का मतलब उसमें एक मिक्सचर होता है। तो सेंटर और स्टेट पर दो तरह की लिस्ट होती हैं, वहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट एक तरीके से डील करती है ओबीसीज के साथ। अगर आप सेंटर, जब भी आप अपना कोई कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जाते हो, जो भी आपके लोकल एरिया में जो सेक्रेटेरिएट वगैरह होते हैं वहाँ पर, तो अगर आप दोनों लेवल के बनाते हो तो जैसे आपको सेंटर लेवल पर एक ही टॉपिक, एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा कि आप ओबीसी हो, बस आपको ओबीसी बता दिया जाएगा। लेकिन अगर आप स्टेट लेवल का भी सर्टिफिकेट बनाते हो तो वहाँ पर ओबीसी नहीं होगा, वहाँ पर वो बैकवर्ड क्लास के बारे में बात करेंगे और उसमें बहुत सारी लंबी लिस्ट होती है जो आपके स्टेट ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया होता है। इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में जानेंगे। तो 2017 में जस्टिस जी रोहिणी का एक कमीशन बनाया गया था, 4 मेंबर का कमीशन था, ये बात याद रखने की है। और ये आर्टिकल 340 के अंडर आता है। आर्टिकल 340 किस चीज़ के बारे में बात करता है, वो कहता है कि क्या कुछ कंडीशंस हो सकती हैं एक कमीशन को अपॉइंटमेंट करने के लिए, बैकवर्ड क्लासेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अभी किस तरह के ये आर्टिकल वगैरह होते हैं, ये सब जो यूपीएससी हैंडी बुकलेट है उसमें मैंने बताया है। कुछ शॉर्टकट्स वगैरह भी हैं, निमोनिक्स भी हैं आर्टिकल्स वगैरह को याद करने के, और पूरी एक लिस्ट भी है सारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की। अगर वो आपको चाहिए तो आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन डाउनलोड दैट फ्रॉम देयर। मैंडेट क्या होता है कमीशन का, ये ऑब्वियसली बात है कि वो किस एक्सटेंट तक हम लोग उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हम लोग पहले नीड देख लेते हैं, ज़रूरत क्या पड़ी। कुछ जगह पर हमको पता चला कि जब अराउंड जो रोहिणी कमीशन था, उसने बताया था कि इंडिया में 2633, तकरीबन 2500 से बहुत थोड़ा सा ज़्यादा, सेंटर लिस्ट की ओबीसीज हैं, और इसमें से 1900 ऐसी कास्ट हैं जिनको एक प्रोपोर्शनल बेनिफिट नहीं मिला है। अभी जो 1900 है, इनमें से हाफ की अगर हम बात करते हैं, विच मेक्स इट अराउंड 950 के आसपास जो कास्ट हैं, उनको किसी भी तरीके का कोई भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला है अभी तक। और जो दूसरे हाफ हैं, अगर हम उनकी बात करें, तो उसमें से लेस देन 3% ही ऐसे हैं जिनको ओबीसी का कोटा वगैरह का बेनिफिट मिला है। जो कमीशन है, उन्होंने बताया था कि 25% जो भी बेनिफिट होते हैं ओबीसी के, वो सिर्फ 10% कास्ट को पहुँचते हैं। यानी कि आपने 100% जो भी प्रॉफिट देना होता है, मान लीजिए आप किसी कास्ट में 100 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 100 रुपये, उसमें से 25 रुपये ही पहुँच पाते हैं, वो 75 कहाँ जाते हैं किसी का पता नहीं है, और वो भी सिर्फ 10% लोगों को पहुँचते हैं 100 में से। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझाने की कोशिश की है। कमेटी के मुताबिक जो भी कम्युनिटीज़ होती हैं, और कुछ ऐसी भी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर कोई बेनिफिट पहुँचता ही नहीं है,
जैसे कलाईगर कम्युनिटी है ना, वो टिन के जो डब्बे वगैरह होते हैं उनकी पॉलिशिंग करते हैं, और सिकलीगार होते हैं, सरनिया होते, कम्युनिटीज़ होते हैं, ये जो चाकू छुरी होते हैं उनको शार्पन करने का काम करते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे दूसरे मार्जिनलाइज ग्रुप्स होते हैं, और ये जो जो भी बेनिफिट्स होते हैं जनरली कहाँ पर जाते हैं, ये ऐसे ग्रुप्स की तरफ जाते हैं जो इकोनॉमिकली ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं, उनके पास ही रिजर्वेशन के बेनिफिट्स ज़्यादा जाते हैं। ये सब रिसर्च के थ्रू पता चला था जो मंडल कमीशन था, इसलिए उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अभी एक टेंटेटिव, टेंटेटिव का मतलब ये नहीं कि फाइनल हो गया, एक तरीके से ड्राफ्ट मोड में है। उन्होंने जो कमीशन था उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया था कि ये जो 2633 सेंट्रल लिस्ट पर हैं इनका हम लोग सेंट्रल लेवल पर कैसे कैटेगराइजेशन करेंगे। तो उन्होंने फोर कैटेगरीज के बारे में बात की। उन्होंने आइडेंटिफाई किया था 1607, इनको टोटल को काउंट करोगे तो ये 2633 ही आएगा। तो उन्होंने कहा कि 1674 ऐसे कास्ट हैं जो किसी भी तरीके के कोटा से उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला है, ठीक है, तो लार्जली ये हैं जिनको कोई बेनिफिट नहीं मिला है। और उसके बाद कैटेगरी टू में उन्होंने 534 कास्ट को रखा, कैटेगरी थ्री में 328 को, कैटेगरी फोर में उन्होंने 97 कास्ट को रखा था, है ना, जो मोस्टली कंसिडर किया जा रहा है वो डोमिनेंट है ओबीसी के। कहाँ कहाँ कितना कितना रिजर्वेशन है, 2%, 6%, 9%, 10%, ये टेंटेटिव है। तो अगर ये फाइनल हो जाएगा तो शायद इसको आप मेंस के आंसर में लिख भी पाओगे, पर टेंटेटिव है तो आपको कोई पॉइंट नहीं है कि आप इसे लिख पाओगे। बैकग्राउंड ज़रा देखना ज़रूरी है। मंडल कमीशन के बारे में आपको सबको पता होगा, 1990s में जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, मोरारजी देसाई उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने अनाउंस किया था कि जो ओबीसीज़ होती हैं इनको 27% तक का हम लोग रिजर्वेशन देंगे, वो भी कहाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में और पब्लिक सेक्टर पीएसयूज़ में। और ये किसके अंडर आता है, आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में। आर्टिकल 16 आता है फंडामेंटल राइट्स वगैरह में। फंडामेंटल राइट्स वगैरह याद करें ना बहुत टफ होते हैं, ये चीज़ें निमोनिक से याद हो जाती हैं आसानी से, तो वो सब मैंने वो हैंडी बुकलेट में प्रोवाइड किया हुआ है, तो यू कैन डाउनलोड दैट। तो उन्होंने बताया था कि बहुत सारी ऐसी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं जिनको हमें किसी तरीके से रिजर्वेशन देना चाहिए ताकि हम उनका अपलिफ्टमेंट कर सकें। अब जो भी उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी वो बात थी 1992 की, 1900 में इन्होंने कमीशन को सेटअप किया गया था, और 1992 में 2 साल बाद इन्होंने पूरा सर्वे करके एनालिसिस करके रिपोर्ट बनाई थी। उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत लेट हुआ था, तो 2 साल लग गए थे सर्वे करने में, तो इसलिए 2 साल में ही इम्प्लीमेंटेशन हो पाया था। फिर जब एजुकेशन का कोटा की बात करते हैं वो और भी लेट आया था 2006 में, और वो आया था आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में। अब ये बात ध्यान रखना कि सिर्फ जो रिक्वायर्ड लोग हैं उन्हीं को मिले बेनिफिट, इसके लिए जो रिकमेंडेशन थे मंडल कमीशन के उन्होंने जो मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ थी उनको एक क्रीमी लेयर में रख दिया। अब क्रीमी लेयर का सीधा साधारण सा अर्थ होता है, आप केक कंज्यूम करते हो, केक में एक नीचे का जो पोर्शन होता है वो जो मेजर पोर्शन होता है उसमें ब्रेड होता है, अब जो टॉप पोर्शन होता है उसमें क्रीम होता है, और क्रीम अक्सर लोगों को पसंद आती है, विच इज़ जो मोस्ट फोकस वाला पार्ट होता है। ऐसे ही ओबीसीज़ की कैटेगराइजेशन में है, उन्होंने क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया बना दिया। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये इंदिरा साहनी केस में 1992 के जजमेंट में, और उन्होंने क्या कहा कि जो हाउस होल्ड होगा इसमें एनुअल इनकम जिनकी 8 लाख या फिर अबव होगी, उन्होंने इसको क्रीमी लेयर में रख दिया कि इसके ऊपर हमको ये अटेंशन देने कि इनको रिजर्वेशन नहीं देना है। ध्यान रखना क्रीमी लेयर को अटेंशन ज़्यादा मिल जाती है इसलिए उनको बेनिफिट नहीं देना है, हमको बेनिफिट देना है नॉन क्रीमी लेयर को, जो नीचे रह जाता है, जो केक का जो ब्रेड वाला पार्ट है जिसको अटेंशन नहीं मिल पाती है उसे हमें रिजर्वेशन देना है। फिर ये आइडिया सब कैटेगराइजेशन का तो 1955 की बात है, बहुत पहले की, आफ्टर इंडिपेंडेंस और आफ्टर हमारे पहले जनरल इलेक्शंस हो गए थे, उसके बाद में एक बैकवर्ड क्लास का कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने तब बात की थी कि हमको इनका कैटेगराइजेशन करना चाहिए, है ना। तो जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी 79, उसमें एक डिसेंट नोट था। डिसेंट का मतलब होता है अपना डिसएग्रीमेंट शो करना। तो वहाँ पर उस जो ग्रुप था उसमें एक एल आर नायक थे, उन्होंने प्रपोज़ किया था कि सब कैटेगराइजेशन जो है ना वो इंटरमीडिएट और डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लासेस का होना चाहिए। तो ये तो होगी पुरानी बात, इसका इतना कुछ मतलब इसकी इंपॉर्टेंस है डेफिनेटली, अगर आप आपका ऑप्शनल PSIR है तो आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अदरवाइज आपको जो रिसेंट में हो उसके बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए ताकि आप फिर एलिमिनेट भी आसानी से कर पाओगे। प्रीलिम्स में यही होता है, अगर आपको दो चीज़ें जाननी पास्ट में और प्रेजेंट में, फ्यूचर में अभी जानने की ज़रूरत नहीं, वो साइंस एंड टेक से रिलेट हो जाता है। प्रेजेंट में अगर आप बात करते हो तो अगर आपको प्रेजेंट का कंटेंट पता है तो आप एलिमिनेट करके ऑटोमेटिकली पास्ट वाले का आइडिया लगा सकते हो। तो 2015 में जो नेशनल कमीशन है बैकवर्ड क्लासेस का, उन्होंने प्रपोज़ किया कि हम तीन कैटेगरीज़ में इसको ओबीसीज़ को डिवाइड कर देते हैं। एक हम लोग बनाएंगे ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ए में हम लोग एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को रख देंगे,
रखना। और एक्सट्रीमली क्या होगा, सामाजिक तौर पर और शिक्षा के दौर में या फिर अर्थव्यवस्था के मामले में जिनको पिछड़ापन जताया जा रहा हो, जो पिछड़ेपन में जी रहे हों। मोर बैकवर्ड क्लासेज होंगी, उसमें कुछ वोकेशनल ग्रुप्स होंगे, है ना, जो अपने कुछ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस होते हैं। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन में जनरली ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेन कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के अंदर आप देखने को नहीं मिलेंगे। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के अंदर जनरली चीज़ें मैकेनाइज्ड हो जाती है, मशीनी तौर पर होती है, लेकिन जो ट्रेडिशनल बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस होते हैं जो हैंडवर्क के थ्रू किए जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं बैकवर्ड क्लासेस के तौर पर भी काउंट होते हैं। तो इनको ग्रुप बी में इन्होंने मोर बैकवर्ड को रख दिया, और ग्रुप सी में इन्होंने बैकवर्ड को रख दिया था, जो कंपैरेटिवली थोड़े से फॉरवर्ड हैं। तो NCBC के मुताबिक अभी 11 स्टेट्स हैं इंडिया में जिन्होंने सब कैटेगराइजेशन किया हुआ रिजर्वेशन का। अब ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए और ये सारे स्टेट्स के नाम आपको याद होने चाहिए, अगर आपका खुद का स्टेट भी इसमें है, स्टार्टिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटका, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, अगर आपका स्टेट भी यहाँ पर है तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट। अगर हम OBC का सब कैटेगराइजेशन करते हैं उसमें चैलेंजेस क्या आएंगे हमको, और उसको जानने से पहले हम लोगों को एक बार ये नेशनल कमीशन के बारे में बार बार बात हो रही है, ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस होता क्या है। स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का अर्थ होता है कि इसको एक एक्ट पास करके बनाया गया था। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती तो यानी कि इसका वर्णन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में होता। और वो एक्ट कौन सा था, वो 1993 का एक्ट था, NCBC एक्ट। और ये किसने पास किया होगा, डेफिनेट सी बात है नेशनल लेवल की चीज़ें तो पार्लियामेंट पास करेगा। तो 102nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके कारण इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया था एज पर आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 102nd कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या किया, हमने संविधान को ही अमेंड कर दिया ताकि हम NCBC को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना देते हैं। तो क्या करता है NCBC में, जो भी शिकायतें वगैरह दर्ज की जाती हैं बैकवर्ड क्लासेस की, उन सबको ऊपर काम करता है। रिजर्वेशन, इकोनॉमिक ग्रीवेंसेज होते हैं उनके अगेंस्ट, अगर कोई वायलेंस हो रहा होता है उन सबके बारे में देखना, उनके अगर राइट्स को, अगर इन चीज़ों के प्रति कोई डिप्रीवेशन होता है, उनकी कंप्लेंट्स वगैरह के ऊपर काम करना, ये NCBC का काम होता है। एक बार हम लोग 102nd अमेंडमेंट के बारे में देख लेते हैं। 102nd अमेंडमेंट में हम लोगों ने आर्टिकल 338B को और 342A को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया था। अच्छा, आपको पता होना चाहिए अमेरिका में अभी तक सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स ही हो पाए हैं, और इंडिया में अभी तक जो वैलिड है वो 104 हैं, वैसे जो प्रपोज्ड हैं वो 125 के आसपास तक है, लेकिन हम लोग अभी जो हो चुके हैं वो 104 है, वो आप याद रखना। अमेरिका में 27 ही अमेंडमेंट्स हो पाए हैं, और बहुत पहले का कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका का। वो ऐसा क्यों, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही रिजिड है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल है। ये हमारा फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है जब आप पॉलिटी पढ़ते हो वहाँ पर। तो 102nd अमेंडमेंट, और आपको पता होगा रिसेंटली 97th अमेंडमेंट को भी एनुअल कर दिया गया था, वो हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे भी अभी। 102nd अमेंडमेंट जो इंसर्ट किया गया था उसमें उन्होंने आर्टिकल 338B की बात की थी, जो किसके साथ डील करेगा, नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस के स्ट्रक्चर, ड्यूटी और पावर के साथ। यानी कि इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया कि भाई ऐसा एक बॉडी होनी चाहिए और ये सब होना चाहिए। फिर आर्टिकल 342A के बारे में भी, उसमें दो क्लॉजेज है बेसिकली, कि प्रेसिडेंट के पास पावर होगी, वो नोटिफाई करेंगे सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस कौन है, और पार्लियामेंट के पास पावर होगी, वो इसको ऑल्टर कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट इज़ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। जब आप पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो उसमें तीन चीज़ें आती हैं, प्रेसिडेंट, अपर हाउस राज्यसभा और लोअर हाउस लोकसभा। ये सब पॉलिटी का पार्ट है, मैं थोड़ा सा बस रिवाइज के तौर पर बताया जा रहा हूँ। अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, है ना। उन्होंने इस अमेंडमेंट को फ्रेम किया था, यानी कि उस मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस अमेंडमेंट को प्रपोज करने की। उन्होंने 342A में एक थर्ड क्लोज डाला था। उन्होंने क्या किया था, जो स्टेट्स होते हैं, जो हमारे देश में राज्य हैं, उनकी पावर को रिस्टोर कर दिया था कि वो भी OBCs को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने अपने स्टेट्स में। इससे पहले जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी वो फ्रीली डिसाइड कर पाती थी कास्ट कौन सी होगी वो OBC की लिस्ट में, ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं होता था। पर इन्होंने जब 102nd अमेंडमेंट आता है उसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास पावर आती है, लेकिन उसमें थर्ड क्लॉज को फिर ऐड किया जाता है। ये प्रोसेस बहुत लंबा है, तो आपको फाइनल याद रखना है बस, आपको इतना ज़रूरी नहीं कि हर एक बात याद रखोगे, आपको फाइनल चीज़ याद रखनी है। फाइनल बात ये है कि स्टेट्स क्या अपनी OBC की लिस्ट को बना सकते हैं, हाँ वो बना सकते हैं, दिस इज़ करेक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि फ्यूचर, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये बोला कि एक सिंगल से लिस्ट रखो OBC वगैरह के लिए, है ना, जिसको प्रेसिडेंट इशू करेंगे, रिकमेंडेशन होना चाहिए NCBC का। तो ये भी एक अलग पॉइंट है कि हेल्थ मिनिस्ट्री, सिंस कोविड पैंडमिक का टाइम चल रहा है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या किया था, 27% रिजर्वेशन दिया था OBC को, और 10% रिजर्वेशन दिया था जो इकोनॉमिकली
वीक सेक्शंस हैं उनको किस में, ऑल इंडिया कोटा स्कीम में, किस चीज़ के लिए, मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो ये स्टूडेंट स्पेसिफिक था, ये जॉब स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। ये अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के जो कोर्सेज़ हैं, ध्यान रखना ये जॉब स्पेसिफिक रिजर्वेशन नहीं है, ये एजुकेशन में एडमिशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन स्पेसिफिक रिजर्वेशन की बात की गई है। और ये जो ऑल इंडिया कोटा स्कीम है, इसकी 1986 में शुरुआत की गई थी, और ये डोमिसाइल फ्री था। डोमिसाइल फ्री का अर्थ ये होता है कि आप किसी भी रीजन से बिलोंग करते हों, ठीक है, आपको मेरिट के बेसिस के ऊपर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, इस बात पर नहीं कि आप इस स्टेट के थे तो आपको नहीं दिया जाएगा ऐसे ऐसे। तो पहले 2007 तक इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता था, फिर फर्दर इन्होंने 15% किया फलाना फलाना करके। आपको ये याद रखना, आपको ये याद रखना कि करंटली क्या है, ओबीसी को मिलता है 27% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिलता है 10%, किसमें, ऑल इंडिया कोटा स्कीम। अगर हम अब सब कैटेगराइजेशन करते हैं, सिंस जस्टिस रोहिणी का कमीशन जो था उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, तो उसमें चैलेंजेस क्या आएंगे, है ना, यानी कि क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो पॉलिटिकल सेंसिटिव इशू है, रिजर्वेशन हमेशा से ही एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू रहा है। आप लोगों को उस समय पता चला होगा कि हरियाणा में एक जाट आंदोलन चला था, उन्होंने डिमांड की थी कि उनको ओबीसी में इंक्लूड किया जाए। क्यों? क्योंकि ओबीसी में आप इंक्लूड करोगे तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, जॉब में, एजुकेशन में और काफ़ी जगह पर। तो इसलिए पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू होता है, कोई गवर्नमेंट इसके दम पर वोटिंग भी ली जाती है, मतलब आप वोट का दबाव डालते हो अपने कैंपेनिंग में कि हम आपको रिजर्वेशन देंगे आप हमें वोट दो। फिर कुछ ऐसे सेक्शंस भी होते हैं उनके ऊपर एजिटेशन भी हो जाता है उनमें क्रिएट, ठीक है। और अब इसमें प्रॉब्लम, एक तो ये प्रॉब्लम ही पॉलिटिकल सेंसिटिव है, दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि 1931 का सेंसस यूज़ किया जाता है, पॉपुलेशन जो फिगर्स थे ना कोटा के लिए, है ना। और जो बेसिकली जो रिसेंट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है 2011 की, ये ना काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। आप लोगों को पता होगा कि जो बिहार के सीएम हैं वो काफ़ी टाइम से प्राइम मिनिस्टर से मिलके और ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट, ये कास्ट बेस्ड सेंसस के बारे में बात कर रहे थे। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दैट इज़ 24 अगस्त को, तो आज की न्यूज़ थी उसमें ममता बनर्जी जो कि चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की, उन्होंने कहा था कि अगर देश के बाकी सब स्टेट्स और उनकी गवर्नमेंट की जो पार्टीज़ वगैरह होंगी अगर वो एग्री करते हैं तो हम लोग कास्ट बेस्ड सेंसस के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कास्ट बेस्ड सेंसस बहुत न्यूज़ में चल रहा है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना, 2011 वाला होता है, कब रिलीज़ होता है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, क्या कुछ होता है, डिटेल में पढ़ लेना। यहाँ पर है नहीं तो इस टॉपिक, ये टॉपिक दूसरा है इसलिए उसके बारे में बात कम कर पाएंगे, पर आपको ये डिटेल में पढ़ना, याद रखना, ये मैंने आपको बता दिया है। तो जब से इम्प्लीमेंटेशन हुआ था मंडल कमीशन की रिपोर्ट का, उसके बाद से 500 न्यू कास्ट हैं उनको भी सेंट्रल लिस्ट में ऐड किया गया था, है ना। और 1931 का जो डेटा था उसमें ये एडिशंस नहीं हो पाए थे क्योंकि उस टाइम पर इतनी कास्ट नहीं थी, सिंस मंडल कमीशन आया था उन्होंने और ज़्यादा सर्वे किया तो पता चला। प्लस में 1931 का जो सेंसस था ना उसमें जो प्रिंसली स्टेट्स थे, है ना, उनकी पॉपुलेशन थी नहीं क्योंकि उनको ब्रिटिश रूल ही नहीं करते थे। तो जो ब्रिटिश जिन एरिया को रूल करते थे उन्होंने उनका डेटा प्रिपेयर किया था, उनका डेटा हमारे पास है, तो उसमें लिमिटेशंस हैं। फिर कहीं ना कहीं हमारे पास इन्फॉर्मेशन की कमी है, ये तो एक ऐसा पॉइंट है, जनरल पॉइंट है, आप मेंस के आंसर राइटिंग में हमेशा मेंशन करोगे लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन वाली बात। तो स्टैटिस्टिक लेवल पर, है ना, नंबरों के तौर पर ये बहुत ही एक प्रॉब्लम है हमारे लिए कि और हर एक स्टेट में ना वेरिएशन भी होता है, किसी स्टेट में कितने कास्ट है, किसी स्टेट में कितने है, किसी स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, इकोनॉमिक स्टेटस अलग है, सोशल स्टेटस अलग है, तो ये डेटा को मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज भी हो जाता है यहाँ पर साथ साथ। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि ओबीसी के अंदर रिलेटिव बेनिफिट्स की बात की जाए, यानी कि जिनको रिक्वायरमेंट है उन पर फोकस किया जाए। उसके लिए हमारे पास डेटा होना बहुत ज़रूरी है और हमारे पास रिसेंट डेटा होना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्रीमी लेयर की जो सीलिंग है ना उसे हमें दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्यों, और ये किसने डिमांड की थी, ये NCVC ने ही डिमांड की थी, जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, उन्होंने कहा था कि ये जो आपने 8 लाख पर एनएम का, अच्छा वो ऐसा नहीं है कि 8 लाख पर एनएम ही फिक्स है, उसमें और भी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए अगर आपके जो पेरेंट्स हैं उसमें से कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है कोई, है ना, या फिर कोई ग्रेड ए पोस्ट पर है, ग्रेड बी पोस्ट पर भी होता है गवर्नमेंट जॉब में, या फिर अलग अलग कंडीशंस होती है उसमें, बिजनेस वगैरह में है, फलानी चीज़ में है, इस तरह की लैंड इतना है, इतनी प्रॉपर्टी है, तो उनको भी क्रीमी लेयर में पुट कर दिया जाता है। तो नॉन क्रीमी लेयर में पुट करने के लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं, पूरा डिटेल में होता है वो, जब आप बनवाते हो तो आपका सब वेरीफाई होता है, आपके जो लोकल जो म्यूनसिपैलिटी वाले जो होते हैं, आपके जो ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट वाले जो होते हैं वो सब वेरीफिकेशन के बाद करते हैं। तो यही कर सकते हैं, NCVC ने कहा कि उसको फर्दर रिवाइज़ करो ताकि क्या होगा कि नॉन क्रीमी में लोग थोड़े से कम हो जाएंगे, कम लोगों को ज़्यादा बेनिफिट दिया जा सकता, ज़्यादा लोग होंगे नॉन क्रीमी में भी तो गवर्नमेंट बेनिफिट देती रह जाएगी। अब इससे प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा जो जनरल कास्ट होती है उसको, कहीं ना कहीं उसमें भी ऐसे लोग होते हैं जो
जिनको ज़रूरत होती है बेनिफिट्स की, वो पीछे रह जाते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो रिजर्वेशन में होते हैं जिनको बेनिफिट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है वो चले जाते हैं। अब ये हमारी कंट्री का बहुत लंबे समय से चल रहा है, इस पर हम ये नहीं कह सकते कि आप बहुत एथिकल हो जाओ, मॉरल हो जाओ कि नहीं यार तू तो जनरल कास्ट का है ना, तू भाई ऐसे ही कर, या फिर तू OBC का है या तू SC ST का। नहीं, ये डेटा के बेस पर ही करना चाहिए, इसको और कोई ऑप्शन है नहीं। अगर आप इसमें, बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आप एथिक्स के मामले में अपनी अपॉर्चुनिटी भी लॉस कर सकते हो। तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सबका ओपिनियन होना चाहिए, ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। मेरी नज़र में ये चीज़ ना एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क के तौर पर हो तब जाके बेटर होगा, अदरवाइज़ कोई अपने पर्सनल चॉइस पर कि नहीं यार मैं तो उस फलानी कास्ट से बिलोंग करता था इसलिए मैंने रिजर्वेशन लिया, या फिर इसलिए मैंने ड्रॉप कर दिया कि मेरे को वो सीट वगैरह नहीं चाहिए। नहीं, ये गवर्नमेंट का रूल है, और इस चीज़ में अगर क्लासिफिकेशन प्रॉपर नहीं है तो इट हैज़ टू गो जस्ट लाइक दिस राइट नाउ। गवर्नमेंट को उस पर करना पड़ेगा काम, एक्सट्रीम लेवल का एनालिसिस होना चाहिए, बहुत डीप सर्वेज होने चाहिए, प्रॉपर हमारे पास डेटा होना चाहिए, हर स्टेट में कितना है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग हैं, किस तरीके से किसका कैसा सोशल स्टेटस है, उसके बाद उनको बेनिफिट के दिया जाए, फिर चीज़ों को ना सेग्रीगेट करना आसान हो जाएगा, फिर लोगों को पता चल जाएगा कि ठीक है इस तरह का डेटा प्रेजेंट है। सो इट्स ऑल अबाउट डेटा एक्चुअली, ओवरऑल बात ये है। ऑल इन वन UPSC हैंडी बुकलेट में आपको क्या कुछ कंटेंट मिलेगा, मैं इसका थोड़ा सा सैंपल आपको दिखा, एक आइडिया दे देता हूँ। 400 से ज़्यादा आपको मेंस के क्वेश्चनर मिलेंगे, ये जो माइंड मैप्स है ना ये 300 प्लस नहीं है, एक्चुअली 450 प्लस हो चुका है। आपको 450 से ज़्यादा माइंड मैप्स मिलेंगे प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, मैं एक बार दिखा दूंगा अभी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी। 200 के लिए कोर्ट्स वगैरह हैं, हिंदू के एडिटोरियल के लिंक्स वगैरह हैं, सब एक साथ एक प्लेस पर, मोर देन वन ईयर के, ये पास्ट वन ईयर से भी ज़्यादा का कंटेंट है। आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर, टॉपर्स का डेटा, 7 शेड्यूल वगैरह, फिर उसमें फिर फ्री कंटेंट भी है, आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स वगैरह हैं, ये सब मैं दिखा दूंगा आपको। और बाकी मेंस के क्वेश्चन पेपर हैं, टॉपिक वाइज भी हैं और ईयर वाइज भी, दोनों तरीके से आपको जैसे भी यूज़ करना हो। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स वगैरह, मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसी बहुत सारी फ्री चीज़ें हैं। इसके अलावा रिपीटेशन पाइपलाइन, रिविजन पाइपलाइन, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको एक एक करके कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। ऐसे माइंड में बताता हूँ मैं आपको, तो जनरली जो ऐसे राज्यसभा टेलीविजन का जो मेजर मेजर जो डिबेट्स होती हैं उनमें से वो कंटेंट, जो टॉपिक यूज़ किए जाते हैं, फिर वो मोस्टली जो इंस्टीट्यूट की मैगजीन्स होती हैं वो भी उन टॉपिक्स को कवर करते हैं, और जो सबसे हॉट टॉपिक्स रहते हैं न्यूज़ में उनके माइंड मैप्स हैं। आपके सामने नीचे काउंट भी दिखाई दे रहा होगा, काउंट को अगर आप करोगे तो ये अप्रैल के बाद मे भी हो चुका है इसमें ऐड, और जून मंथ का भी ऐड हो चुका है, तो एक्चुअली 500 से ऊपर क्रॉस कर चुका है। मैंने आपको वहाँ 450 बताया था, बट अगर आपके सामने आप इसे काउंट करोगे तो ये मोर देन 500 है। तो थोड़ा सा एस्टिमेट दे देता हूँ, रफ आईडी देता हूँ, जैसे सितंबर में मान लो नमामि गंगे का मिशन है, तो अबाउट है, स्टेटस है, उसका इंप्लीमेंटेशन, उसमें इशूज़ क्या होते हैं, वे फॉरवर्ड हो गया, कोई और रैंडम उठा लो, वैक्सीन हेजिटेंसी को लेकर क्या क्या चाहिए, वैक्सीन हेजिटेंसी के इंडिया में क्या स्टेटस है, की फाइंडिंग्स क्या हैं सर्वे के, काकतिया डायनेस्टी को लेकर उसका आर्किटेक्चर क्या था, सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या थी, ऐसी कोई भी चीज़, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को लेकर इंडिया में क्या स्टेटस है, गाइडलाइंस क्या हैं, इनिशिएटिव क्या है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, और एपिडेमिक्स डिजीज़ एक्ट को लेकर के की फीचर्स क्या, अमेंडमेंट्स क्या कुछ हुए थे उसमें, बैंकिंग रेगुलेशन को देख लें तो न्यूज़ में क्यों था, की फीचर्स क्या हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बिमस्टेक का हो गया जैसे, इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, बिमस्टेक क्या होता है, चैलेंजेस क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो ऐसे बहुत सारे होंगे, मैं आपको दिखाऊं रैंडमली। तो मान लो सोलर रूफ सिस्टम हो गया, उसमें क्या कुछ होता है, ग्रिड कनेक्शन सिस्टम, स्टेप्स वगैरह क्या चाहिए होते हैं, साउथ एशियन एनर्जी सिक्योरिटी हो गया, बिल्स हो गया, ई वेस्ट हो गया, ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी हो गया, केव पेंटिंग्स हो गया, बोर्डो पीस अकॉर्ड है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एंटार्क्टिक का ओजोन होल हो गया, हर तरह के सब्जेक्ट के GS 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे। एक्स्ट्रा माइंड मैप्स में दिखाऊं तो आधार के ऊपर रिपोर्ट है, और एग्रीकल्चर क्रेडिट को देख लो, एंशियंट इंडिया में कौन से पोर्ट्स थे, ये सब आपके काम के होते हैं, सब स्टैटिक डायनामिक सब मिक्स होता है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में याद करना हो माइंड मैप से, बायलेटरल नेटिंग क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, बिपिन चंद्रपाल के बारे में आपको पढ़ना होगा, कार्नेटिक म्यूज़िक में क्या कुछ था, इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह के बारे में क्विकली याद करना हो माइंड मैप से, एम्पावर्ड ग्रुप सेल्स क्या होते हैं, एम्प्लॉयमेंट का डेटा कितना सारा है ना जो GS 3 में काम आता है आपके, इसके अलावा फोक म्यूज़िक को देख लो, स्टैटिस्टिक में, स्टैटिक में हो गया हिस्ट्री वगैरह, गांधार स्कूल हो गया, गगनयान, साइंस एंड टेक, फॉरेन ट्रेवलर्स कौन से आए थे इंडिया में, अब ये देखो सामने आपके इंडिया अफगानिस्तान हो गया, उसके बाद इंडिया भूटान हो गया, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया मालदीव्स, इंडिया म्यांमार, इंडिया नेपाल, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, बहुत सारे हैं। ये देखो पूरा का पूरा इंडिया के जो पास्ट के रिसेशंस थे, 4-5 जो भी रिसेशंस रहे हैं, एम्ब्रॉयडरीज वगैरह को लेकर बहुत सारे माइंड मैप्स हैं, इतने ज़्यादा कि ओशन डीऑक्सीजनेशन क्या होता है, पोल्ट्री को लेकर PM किसान सम्मान निधि स्कीम की सारी डिटेल, सीड इंडस्ट्री हो गया, सी लेवल राइट, मल्टीपल टाइप के टॉपिक्स हैं, वॉर कौन से
टीचर्स के साथ, तो हर टॉपिक्स हैं, GS 1, 2, 3, 4 के क्या क्या फंक्शंस होते हैं पॉलिटी को लेकर के, उसके अलावा फसल बीमा योजना हो गया, बहुत सारी योजनाएं भी हैं जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, नेशनल पार्क्स के क्या क्या स्टेटस होता है, ऐसे ही नीचे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी मिलेगा W में, ये देखो रॉलेट एक्ट के बारे में, तो मिक्स में है कुछ चीज़ें, कुछ मंथ वाइज करंट अफेयर्स में भी हैं, जो भी जनरली राज्यसभा टेलीविजन हो गया, PIB हो गया आपका, और उसके अलावा PRS हो गया, गवर्नमेंट में कोई भी मेजर न्यूज़ आती है, हिंदू में आती है, इंडियन एक्सप्रेस में आती है, वो चीज़ें यहाँ पर है। तो ये माइंड मैप्स मैंने आपको दिखा दिए, एक सैम्पल मैं आपको निमोनिक्स का दिखा देता हूँ। निमोनिक्स आपको क्या हेल्प करते हैं कि चीज़ें जल्दी से याद करने में हेल्प करते हैं, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट्स, कीवर्ड्स, रेट्स हो गया, शेड्यूल्स हो गए, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिवर डैम प्रोजेक्ट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थर्मल पावर प्लांट, इन सब के निमोनिक्स हैं यहाँ पर, रैंडम भी हैं बहुत सारे। मान लो जो कंट्रीज है, रेड सी कंट्रीज, ब्लैक सी कंट्रीज, 5th 5-year plan, मेजर बैटल्स, मेन बायोम्स, लेयर ऑफ एटमॉस्फियर, तो ये सब निमोनिक्स हैं यहाँ पर, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, हर एक का तरीका पूरा पूरा एक्सप्लेन किया हुआ। और अगर जैसे ये देखना चाहो तो मान लो साम रिसाइड्स पोलैंड करके है, स्पीच असेंबली एसोसिएशन, बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें होंगी मिलेंगी, आर्टिकल में याद करना, फंडामेंटल राइट्स में, सेशंस पार्लियामेंट के तो BMW से होता है, बजट, मानसून, विंटर, उसके बाद शेड्यूल को याद करने के लिए टीयर्स ऑफ ऑल्ड PM हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारे तो एक बार दिखा भी नहीं सकता, कुछ में क्विक नोट्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताने के लिए, जैसे USA के लिए क्या कुछ हम लोगों ने वहाँ से लिया था सोर्स में, UK से क्या कुछ लिया था, एंड मल्टीपल तरह की इन्फॉर्मेशन। 400 से ज़्यादा कीवर्ड्स हैं आंसर राइटिंग के। अब आपके सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो मान लीजिए लैब टू लैंड करके हमको यूज़ करना होता है, एफॉरेस्टेशन, स्टैंडर्ड फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस हो गया, इसके अलावा जैसे गुड गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस हो गया, स्ट्रिंग 3S फॉर इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के लिए क्या होता है स्पीड, सिंप्लिटी, सिंप्लिसिटी, सर्विस, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, मैंने बहुत जगह पर बताया भी हुआ है इनके बारे में। स्वच्छ भारत भी चाहिए, स्वस्थ भारत भी चाहिए, सुंदर भारत भी चाहिए, सिर्फ स्वच्छ भारत से बात नहीं बनेगी। EPI का मतलब एवरी पर्सन इज़ इम्पॉर्टेंट, ये नया VIP होता है, तो ऐसे करके 400 से ज़्यादा कीवर्ड्स हैं आपके लिए। 5F का मतलब होता है फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल, फाइन केमिकल्स, मोर देन 400 ही आपके मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। फिर मेंस के क्वेश्चनर भी हैं, काइंड ऑफ ए टेस्ट सीरीज़ है आपकी मेंस की, ये सारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच करके कि क्या लैंग्वेज यूज़ करता है UPSC, और इसमें सारे कीवर्ड्स के जो टर्मिनोलॉजी साथ साथ इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके साथ इसकी आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट भी है, जब आप अपनी आंसर राइटिंग करोगे तो यहाँ पर आपके पास चेकलिस्ट भी मिल जाती है आपको, कि अगर आपको कुछ भी चेक करना हो, कितने मार्क्स का आपने सॉल्व किया, डेली आप अपना इसमें मेंशन कर सकते हो, आपने पैरा स्पेसिंग किया, डायग्राम साफ थे, लेबल थे या नहीं थे, फैक्ट यूज़ किए, डेफिनेशन यूज़ की, सेकंड शेड्यूल, 7th शेड्यूल से कुछ यूज़ किया, मैप बनाए नहीं बनाए, बुलेट पॉइंट थे, ये अपना खुद आप बना सकते हो डेली, और अपने आप का परफॉर्मेंस दे सकते हो, आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाए, अपने आप को मार्क्स दे सकते हो, आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मेंशन किया क्या कंक्लूजन में, है ना, बॉडी में कोई पॉइंट तो रिपीट नहीं किया, ये आप खुद कर सकते हो, तो आपको एक अच्छा सा कंटेंट मिल जाएगा यहाँ पर बना बनाया। इसके अलावा हिंदू के जो एडिटोरियल के लिंक्स हैं, ये तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आपका न्यूज़पेपर का कोई अल्टरनेट है, बेसिकली आपके पास ऑलमोस्ट एक ईयर का कंटेंट एक इंडेक्स फॉर्म में मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंने 3 कैटेगरी इंपॉर्टेंट रख दी है, एनवायरनमेंट और साइंस में अगर कोई न्यूज़ में था तो आपको क्या होगा कि बहुत जल्दी ली आप एक मंथ का, एक देखो सामने जैसे ये जनवरी का है 2020 का, ठीक है, ये आपको हर 10-15 दिन में अपडेटेड कंटेंट मिलता रहेगा, तो मान लो आपके सामने एनवायरनमेंट और साइंस है, अब आपको दिख रहा है कि एक NGT की न्यूज़ थी, साइंस में 2 गगनयान की थी, ये आपका 1 जनवरी डन, आप देख सकते हो कि आपको NGT के इस वाले टॉपिक के बारे में पता है, ठीक है, आपको ये रीड नहीं करना, आपको ये टॉपिक नहीं पता था दो, मान लो साइंस एंड टेक वाले, आपको इन दो टॉपिक को यहीं पर क्लिक करके पढ़ सकते हो, तो ऐसे कम आधे घंटे के अंदर मैं पूरा एक मंथ कंप्लीट कर सकता हूँ, स्पेशली साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट का। एडिटोरियल में क्या होगा, सारे नहीं पढ़ने आपको मोस्टली, तो अगर आप न्यूज़पेपर डेली फॉलो कर रहे हो और आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो आपको मालूम होगा, बट देखो चेक करो, मान लो रोड टू रेडिकलाइजेशन आपको नहीं मालूम, तो ठीक है इस टॉपिक को मैंने क्लिक करके पढ़ लिया, सारे नहीं पढ़ने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये है कि आपके जो मिस हो गया था वो पढ़ लेना, साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट की भी चेक करो, तो मेरे सिलेबस में हो चुका है, ये मंथली मैगजीन में हो गया, ये बुक से पढ़ ली, ये टॉपिक रह गया मेरा, ये मैंने जैसे विशाखापट्टनम का जूलॉजिकल पार्क जो था उसमें एनिमल्स को अडॉप्ट करने की बात की जा रही है, अब आपने मान लो कहीं नहीं पढ़ा हो तो आप इस लिंक को ओपन करके पढ़ सकते हो, तो ये मोर देन 1 ईयर का है आपके पास, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2020 से लेकर, और जब भी आप इसको डाउनलोड करोगे तब उसके आसपास मिल जाएगा और आपको इसका अपडेट भी मिलता रहेगा। डेली प्रोग्रेस ट्रैकर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है, इसमें क्या होगा, आपके सामने टास्क है, आपको क्या करना है उसमें लिख लो, मान लीजिए टास्क आपके पास पॉलिटी का था, मैं एक रफ एस्टिमेट एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी जब आप डाउनलोड करोगे बुकलेट को तो इसमें आपको एक सैम्पल वीडियो मिलेगी कि कैसे इसको यूज़ करना है। फिर व्हाट टू डू में मान लो पॉलिटी में आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, तो टारगेट अपन लिख लो 1 वीक लिख लो, जैसे ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको,
अब टोटल अपने मार्क्स रखो 10, तो डे वन में आपने कितना काम किया, मान लीजिए आपने पूरा कर लिया, तो खुद को आप 10 दे सकते हो, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई काम था ऐसे ही हिस्ट्री का, तो आपने काम हिस्ट्री वाला आधा किया, तो अपने आपको 5 दे लो, तो उससे क्या होगा, आपकी डेली डे वाइज परसेंटेज यहाँ पर सेट होती चली जाएगी, उससे आपका एक ग्राफ यहाँ पर ऐसे बनता चला जाएगा। और ये वाले भी ग्राफ आपको ऐसे, ये दो तरह के ग्राफ आपको मिलेंगे, आपको 5 दिन का एवरेज भी मिल जाएगा, ये 5 डेज़ को आप एक्सटेंड भी कर सकते हो चाहो तो अपने अकॉर्डिंगली। और ये वाला जो डेटा, इसमें नीचे भी आप अपनी लाइंस एडिशनली अपने आप एडिट कर सकते हो, ये आपको एडिटेबल फाइल मिलेगी। अब नीचे मैंने सैंपल दिखाया है, ए बी टास्क था सीधा, इसमें स्टडी करना था, इसमें रिवाइज, इसमें नोट्स, एक वीक। मान लो आपको इसमें पहले दिन इतना था, दूसरे दिन इतना, तो इस तरह से नीचे आपका डेली का परसेंटेज आ जाएगा, आपको पता रहेगा कि आपने 100% में से खुद को कितना परफॉर्मेंस दिया है, आपका वीक 5 डेज़ का एवरेज भी बनेगा। तो अभी मान लो 5 दिन में आपने ये काम किए, ये मिस कर दिए, तो 5 दिन में आपका सिर्फ 17% आपने परफॉर्मेंस दिए, और आपका ऐसे ग्राफ नीचे की तरफ आइडिया लगा रहेगा कि ठीक है, 4-5 दिन में मेरा फुल परफॉर्मेंस था, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस पहले दिन ठीक थी, फिर दूसरे दिन कम हो गई, फिर तीसरे दिन फिर बढ़ गई है। तो ये अपने आप को ट्रैक करने के लिए बहुत यूज़फुल होता है, स्पेशली जब बहुत ज़्यादा डेटा होता है हमारे पास पढ़ने का, तो ये ट्रैकर्स बहुत काम आते हैं। आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। रिपीटेशन पाइपलाइन, यहाँ पे मैं एक हल्का सा आइडिया दे दूंगा, बाकी जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको इसका एक डेमो वीडियो मिल जाएगा कैसे यूज़ करना है। इसमें है क्या, डे वाइज है, आपके पास जब रिवीजन का टाइम होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज कर जाती हैं, कौन सा चीज़ कितनी बार रिवाइज करूँ ना करूँ। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एक ये रिपीटेशन की पाइपलाइन दे दी है। आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको बस कंट्रोल एफ से ये टॉपिक ए को फाइंड करके रिप्लेस करना है अपने टॉपिक से, यानी कि मान लो टॉपिक ए को आप रिप्लेस कर दोगे अगर पॉलिटी से, तो जहाँ जहाँ टॉपिक ए है वहाँ पर पॉलिटी रिप्लेस हो जाएगा। तो यानी कि सेकंड डे जब आप उठोगे तो अपनी शीट को चेक करो, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्लीप के बाद मॉर्निंग में आपको टॉपिक ए रिवाइज करना था, ठीक है, फिर दोपहर में आपको टॉपिक बी करना था, टॉपिक अभी आपको रिप्लेस करना होगा कंट्रोल एफ से, ठीक है, तो आप कंट्रोल एफ से रिप्लेस कर दो, जहाँ जहाँ टॉपिक बी होगा वो ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएगा। तो फोर्थ डे भी आप देखोगे कि आपको टॉपिक सी नया पढ़ना है और टॉपिक ए आपको रिवाइज़ करना था, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक मैंने पहले 2 दिन रिवाइज़ किया था, मुझे यार थर्ड डे फिर रिवाइज़ करना है। इसका डिटेल में एक जो सैंपल होगा वो आप डाउनलोड करने पर देखोगे, आपको वीडियो साथ में मिल जाएगी। फिर ये टॉपर्स का डेटा होता है, इसमें मैंने बहुत सारे कंटेंट दे दिए, बहुत सारे ग्राफ बना के दिए, ये आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं नीचे, इसमें इंडिविजुअल ग्राफ्स भी अलग अलग चीज़ों के, और ये कितने लोगों का सिलेक्शन होता है ये आपको देखना ज़रूरी है, जिसको अच्छी प्लानिंग करनी होती है वो डेटा का यूज़ करता है। फिर UPSC की एनुअल रिपोर्ट से भी कुछ कंटेंट है यहाँ पर, कितने लोग इंटरव्यू होते हैं किस तरह के कोर्स से, ताकि लोग अपने मन के वहम को निकाल सकें। तो ये ज़रूरी है कि सिविल सर्विसेज के मेन में कितने कितने कौन से ईयर से क्या कुछ होता है, कितनों का सिलेक्शन होता है, कौन से तरह के ऑप्शनल सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, सब डेटा है यहाँ पर आपके सामने, आंखों के सामने। तो जैसे मान लो एग्जांपल है बोडो लैंग्वेज का था, 100% सिलेक्शन होता है, एक इंसान ने ही सब्जेक्ट को ऑप्ट किया था और एक ही का सिलेक्शन भी हो गया था, है ना। हिस्ट्री को कितने लोग सेलेक्ट करते हैं, 1074 ने किया था, 59 का सिलेक्शन हुआ, 5.5 सिलेक्शन रेट है। तो आप अपने अपने ऑप्शन का सिलेक्शन रेट भी देख सकते हो। एंड इसके अलावा भी, तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मान लो जो लोग बोलते हैं कि क्यों इतना ऑप्शनल के ऊपर इतना फोकस क्यों किया जाना चाहिए मेंस में सिलेक्शन के लिए, आपको दिख जाएगा देखो इस ग्राफ से, यह है एस ए जी एस 1, 2, 3, 4, ये उन टॉपर्स का डेटा है, ईरा, टीना दाबी, नंदिनी, अनुदीप, कनिष्क एंड प्रदीप। तो देखोगे आप एस ए के अंदर सबका ग्राफ ऊपर है, बाकी जी एस 1, 2, 3, 4 में सबका ग्राफ नीचे है, कुछ ऊपर नीचे वेरी भी कर रहा है ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर आप देखोगे कि ऑप्शनल में इनके नंबर कहीं ना कहीं ऊपर ही जा रहे हैं। अगर एक पर्सन की, दैट इज़ दिस वन, तो प्रदीप सिंह के अगर ऑप्शन जी एस 4 में मार्क्स ज़्यादा थे, लेकिन इनके ऑप्शन में 2 सब्जेक्ट्स में नीचे एक मार्क्स थे। ये ग्राफ आपको अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करने में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, ये टॉपिक वाइज हैं, 2020 तक के सारे मेंस के हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1999 से लेकर, ये सबके सब टॉपिक वाइज है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, उसके अलावा फिर बाद में मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा लेंदी है यहाँ पर, ये वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, फिर इसी तरीके से आपके सारे के सारे, अरे एक और पेज था ना यहाँ पर, हाँ ये रहा, ये सारे के सारे पेपर ही कंप्लीट ईयर वाइज है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1999 से लेकर 2020 तक पूरा डिटेल में ईयर के सारे पेपर। और ये कुछ कोर्ट्स वगैरह, सॉरी कोर्ट्स वाला कहाँ गया, ये रहा। अच्छा, ये कोर्ट्स वगैरह मैंने अलग अलग तरीके से प्रोवाइड की हुई हैं, टाइप्स में भी और ऑथर के अकॉर्डिंगली। तो कोर्ट्स तो आपको जनरली वैसे मिल भी जाते हैं, पर मैंने यहाँ पे क्या किया है ना, मैंने इनको बहुत स्मॉल कोर्ट्स को, जितना छोटा कोर्ट हो सकता है ना उसका छोटा मेंशन करने की कोशिश की है, वो भी बहुत पॉपुलर लोगों की, चर्चिल हो गया, किंग ऑस्कर हो गया, इमैनुअल कांट हो गया, जो बाइडन की भी कोर्ट है और एच टोबे की भी कोर्ट है। तो अलग अलग टॉपिक है, इकॉनमी हो गया, विजडम ट्रूथ हो गया, अब देखो ओपरा विनफ्री, जेन ऑस्टन, ये सब पॉपुलर लोग हैं, ठीक है, ऑस्कर विल्डे, मार्क ट्वेन, सोक्रेटिस, इनके छोटे छोटे कोर्ट्स, ताकि वो आपको आसानी हो याद
करने में, इस बात पर ज़्यादा फोकस किया था। अब कुछ है भी लेंथी, अब महात्मा गांधी की ये वाला था ही लेंथी, लेकिन महात्मा गांधी का एनवायरनमेंट स्पेसिफिक था, एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं तो यूज़ होता ही होता है, तो इसको मिस नहीं कर, है ना, पॉवर्टी में भी यूज़ हो सकता है और गर्ल्स में भी, तो इस तरीके से। तो और नीचे ऑथर वाइज भी इनको अरेंज किया हुआ है, महात्मा गांधी की जो भी पॉपुलर थी एक जगह पर, अम्बेडकर जी की, अरिस्टोटल की थी, इस तरीके से अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक ही चीज़ में मिलेंगी, एक ही पूरे ऑल इन वन हैंडी बुकलेट में मिलेंगी। उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन वगैरह भी है, और भी बहुत सारे कंटेंट है जो कुछ मैंने अभी सैम्पल में दिखाया भी नहीं है आपको, है ना, आर्टिकल्स वगैरह हैं, न जाने और क्या क्या है, मेरे को याद भी नहीं है पूरा पूरा, हॉट टॉपिक 7 शेड्यूल को पूरा सॉर्ट आउट करके बता रखा है। तो ये सब चीज़ें आपको डाउनलोड करने को मिलेंगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप इस बुकलेट को डाउनलोड कैसे कर सकते हो, तो जो वीडियो आप देख रहे हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आप देखोगे वहाँ पर आपको डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। डाउनलोड का लिंक मिलते ही अभी जो सामने स्क्रीन पर आपको विंडो दिखाई दे रही है ये ओपन हो जाएगी। स्क्रीन में आप जाओगे तो आपको यहाँ पर ये परचेज के कंटेंट मिलेंगे। एक बार ध्यान से सुन लेना, जो ये ऑल इन वन UPSC हैंडी बुकलेट आपको दिख रहा है सामने रेड कलर में, इसका प्राइस है 399, लेकिन अगर आप टॉप पे देखोगे 50% का आपको कोड मिल रहा है, UPSC50 यूज़ करोगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा इस पर। बाकी अगर किसी को ऑल ओवर कंटेंट यूज़ ना करना हो तो वो जैसे इंडिविजुअल कंटेंट भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसे पिंक में आपको निमोनिक्स मिल रहा है और सिर्फ माइंड मैप चाहिए हो तो ब्लू में है, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह हैं, टॉपर्स का रेट है, हिस्ट्री टाइमलाइन है, हिंदू रिटेल का कलेक्शन वगैरह है, मेंस क्वेश्चन अलग से। अगर किसी को अलग से कंटेंट चाहिए तो उनके लिए अलग से भी अवेलेबल है। एक बात और ध्यान रखना, अगर आप इंडिविजुअल कंटेंट परचेज़ करते हो तो उसमें आपका ये डाउनलोड, ये जो डिस्काउंट कोड है ये काम नहीं करेगा। डिस्काउंट कोड सिर्फ और सिर्फ ऑल इन वन UPSC हैंडी बुकलेट पर नेल दिख रहा है, सिर्फ इसी प्रोडक्ट पर आपको 50% का डिस्काउंट कोड मिलेगा, और आपको 3 मंथ्स के अपडेट भी मिलेंगे इसमें, बाकी सब में अपडेट भी आपको नहीं मिलेगा। अपडेट का ऐसा सीन है, मोस्टली कंटेंट आपका अपडेटेड होता ही है, अगर तो कोई नया अपडेट आता है तो वो आपको वाया ईमेल मिल जाएगा। ये PDF कंटेंट है, आपके ईमेल पर ही PDF जाएगा और अपडेट भी आपको ईमेल पर ही मिलता रहेगा। द मोमेंट आप इसे परचेज़ करते हो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी अपडेट की इन्फॉर्मेशन होती है वो टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही आपको कन्वे की जाती है कि अपडेट का ईमेल आपको जा चुका है। क्वालिटी का टॉपिक नंबर 1.2 है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल। ये एक्ट तो एक्चुअली 2015 वाला है, बट इसको अभी 2021 में अमेंड किया गया था। जुवेनाइल कौन होता है? एनीवन हु इज़ लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज उसे जुवेनाइल बोलते हैं। कहीं उन लोगों को लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो उनकी केयर और प्रोटेक्शन के लिए हमने इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। इस एक्ट के कारण जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी लॉ है, डेलिंक्वेंसी का मतलब बेसिकली जो माइनर क्राइम से होता है, स्पेशली ऐसा कुछ क्राइम जो यंग लोगों के द्वारा किया जाता है, उसको प्लस में जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000 वाला है उसे रिप्लेस किया गया था। ये एक्ट हम लोगों ने क्यों इंट्रोड्यूस किया था 2015 में? तो UN का जो कन्वेंशन था ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, उसमें हेग कन्वेंशन है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन को लेकर, उसमें अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए हमने इसे किया था। इस एक्ट में बहुत सारी इनएडिक्वेसीज हैं, कह सकते हैं कि कुछ कमियाँ हैं। तो 2018-19 में एक NCPCR की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसी के बेसिस पर इसमें चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। हमें इन चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी एक्ट में अगर कोई चेंजेस आते हैं वो प्रीलिम्स में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। जैसे आपको पता होगा RTI और आधार जैसे जो एक्ट हैं, इनमें जब भी कोई चेंजेस आते हैं वो हर बार पूछे जाते हैं, और भी बहुत सारे मेजर एक्ट्स होते हैं। तो जो चिल्ड्रन वाला एक्ट है ये वैसे तो सोशल इशूज़ में आता है ये, लेकिन हम इसको पॉलिटी के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसमें पार्लियामेंट का एनरोलमेंट है और एक्ट्स वगैरह हैं इसलिए। तो 2015 के एक्ट में अडॉप्शन को लेकर क्या था, उन्होंने कहा था कि जो भी अडॉप्शन का ऑर्डर होगा वो एक सिविल कोर्ट से दिया जाएगा और उसमें फाइनल ऑर्डर होगा वो। लेकिन यहाँ पर इस न्यू एक्ट में बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं DM जो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, प्लस में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स यानी कि DM और ADM के पास ये अडॉप्शन के ऑर्डर देने की पावर दे दी गई है। रीज़न ये था कि ये लोग थोड़ा सा स्पीडी डिस्पोजल कर सकते हैं। इनका काम क्या होगा, उनको कोऑर्डिनेट करना, मॉनिटर करना, सुपरवाइज करना, और जो भी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन के यूनिट्स हैं उन पर क्वार्टरली रिव्यू करना। ये अडॉप्शन को लेकर चेंज किया गया। तो ध्यान रहे, पहले सिविल कोर्ट था, अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर दे दी गई है। अपील अगर करनी हो तो पहले जो भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा जो ऑर्डर दिया जाता था उसमें कोई अपील का प्रोविज़न नहीं था। इस बिल, ये जो न्यू बिल है, इसने प्रोविज़न हटा दिया है। आप एक डिविजनल कमिश्नर के सामने विद इन 30 डेज ऑफ सच ऑर्डर आप अपील कर सकते हो। तो आपको इतना याद रखना है, पहले अपील नहीं थी, अभी अपील की जा सकती है।
सीरियस ऑफेंसेस को लेकर कुछ कैटेगरीज थी, उसमें ईयर वाइज बताया गया था। तो हीनियस ऑफेंस उसे बोलते थे जिसमें मिनिमम पनिशमेंट होती थी 7 ईयर्स तक की। सीरियस ऑफेंस उसे बोलते थे जहां पर 3 to 7 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट यानी कि सजा होती थी। और पेटी ऑफेंस उसे बोलते थे जिसमें 3 से कम साल तक की सजा होती थी। अभी जो चेंजेस किए गए वहाँ पर हम लोगों ने सीरियस ऑफेंस में कुछ चेंजेस किए हैं। उसमें मिनिमम इम्प्रिजनमेंट का टर्म हम लोगों ने 3 से 7 दिया है, मैक्सिमम हम लोगों ने उसे मोर देन 7 का दिया है। तो बेसिकली क्यों था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन आए थे शिल्पा मित्तल केस में, उस रिकमेंडेशन को लेकर हम लोगों ने सीरियस ऑफेंस में कुछ हल्का सा माइनर चेंज किया है। डेजिग्नेटेड कोर्ट की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा अगर ऑफेंस किया जाता है बच्चों के द्वारा जो पनिशेबल है, जिसमें 7 साल से ऊपर की सजा है, उसको चिल्ड्रंस कोर्ट में ट्राई किया जाएगा। उसके अलावा यानी कि जिसमें 7 साल से ऊपर की ना हो, उसके अलावा कोई भी अगर ऑफेंस होता था उसको ट्राई किया जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में। अभी जो हम लोगों ने कर दिया है अमेंडमेंट, उसमें हमने किया कि कोई भी ऑफेंस हो लेकिन उसमें अगर चिल्ड्रन इन्वॉल्व है, कोई जुवेनाइल इन्वॉल्व है, उसमें सारे ही ऑफेंसेस को हम चिल्ड्रंस कोर्ट ही डील करेगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का रोल यहाँ पर हटा दिया गया है। अगर ऑफेंसेस हो रहे अगेंस्ट द चिल्ड्रन, यानी क्योंकि आपने कोई ऐसा अपराध किया हो जिसमें आपको जो सज़ा है वो 3 से 7 साल के बीच में है, तो वो कॉग्निजेबल होगी। कॉग्निजेबल का अर्थ होता है जहाँ पर आप किसी को भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हो और नॉन बेलेबल भी होगा। अभी ये जो ऑफेंस थे, इन्होंने इस कॉग्निजेबल को नॉन कॉग्निजेबल कर दिया, यानी कि आपको अरेस्ट के लिए वारंट चाहिए होगा। चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी में क्या चेंजेस किए गए हैं, पहले जो स्टेट्स थे वो एक या फिर एक से ज़्यादा चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटीज़ को हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेटअप करते थे, और उसके कुछ क्राइटेरिया वगैरह थे, यानी कि उसमें जो लोग इन्रॉल्ड होंगे उनका कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए। देखो कमेटी में जो बॉडीज़ होती हैं उसमें आप डिफरेंट एमिनेंट पीपल को ऐड करते हो, जिसका हेल्थ में कोई बैकग्राउंड हो, एजुकेशन में, या फिर एटलीस्ट 7 ईयर्स तक चिल्ड्रन वेलफेयर में काम किया हो, या फिर उनकी चाइल्ड साइकोलॉजी में डिग्री हो, साइकियाट्री में हो, लॉ में, सोशल वर्क में। अभी उन्होंने क्या कर दिया है कि कुछ एडिशनल क्राइटेरिया लगा दिए हैं, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर्स होंगे इनके लिए कुछ उन्होंने एडिशनल क्राइटेरिया लगा दिए। पहला तो कि आपको पास कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए ह्यूमन राइट्स के वायोलेशन का या फिर चाइल्ड राइट्स के वायोलेशन का। प्लस में आपका मॉरल टर्पिट्यूड, बेसिकली वही कि आपने कुछ अनएथिकल काम ना किया हो, इस चीज़ का आपके ऊपर कोई अपराध नहीं होना चाहिए, आपको कोई सजा वजा नहीं मिलनी चाहिए, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस से या फिर स्टेट सर्विस से कभी निकाला ना गया हो, ठीक है, आप कभी भी किसी तरह के चाइल्ड अब्यूज़ में या फिर चाइल्ड लेबर के किसी भी ऐसे एम्प्लॉयमेंट वगैरह में इनरोल्ड नहीं हो, आपने ऐसा कोई इमोरल एक्ट नहीं किया हो, और आप चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जो होता है डिस्ट्रिक्ट में उसके मैनेजमेंट के पार्ट होने चाहिए कहीं ना कहीं। तो बेसिकली इन्होंने यही किया कि एक्चुअली बहुत सही चीज़ की है। पहले होता क्या था ना कि कुछ लोग जो अपने डिफरेंट इमोरल एक्ट के अंदर प्रेजेंट होते थे ना, उन लोगों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में दे रहे थे ये सोच करके कि इनको परमानेंट रिमूव नहीं करना पड़ेगा। अब स्टेट गवर्नमेंट्स में ऐसा होता था कि उनका अपना कोई मेंबर वगैरह जो होता है गवर्नमेंट का, वो कुछ गलत काम कर देता था, तो पब्लिक का जो रोल होता था, पब्लिक की आवाज़ के कारण वो क्या करते थे, इन लोगों को इस तरह की चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ के मेंबर बना देते थे कि ताकि कहीं ना कहीं तो एनरोल रहेंगे, गवर्नमेंट का पार्ट रहेंगे। पर अब उन्होंने थोड़ी सी ये जब जो क्राइटेरियाज़ को इंक्रीज कर दिया, तो उनके पास एक अच्छा पॉइंट मिल गया कि बेसिकली किसी का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। सो इट्स मोर अबाउट कि वो थोड़े से एथिकल बिहेवियर का होना चाहिए, एथिकल बैकग्राउंड होना चाहिए। अब इस नए बिल को इंट्रोड्यूस करने के फ़ायदे क्या होंगे, पहली बात तो अडॉप्ट करने की, जो भी केसेस अडॉप्ट किए जाते थे कोर्ट्स के द्वारा उसमें अब डिले नहीं होगा। अगर हम जो डेटा की बात करें, डेटा बड़ा सही है, 2015 से लेकर और 2020 तक अराउंड 19,000 चिल्ड्रन को अडॉप्ट किया गया था, जिसमें से पर मंथ का अडॉप्शन 320 पर मंथ था। और वहीं पर बात करें जुलाई 2018 की, तो उसमें 629 अडॉप्शन के केसेस पेंडिंग हैं कोर्ट में। तो ये जो अडॉप्शन के जो केसेस हैं ना, ये सारे के सारे नॉन एडवर्सेरियल हैं नेचर में। बेसिकली कहने का अर्थ ये है कि जो भी वो काम वगैरह किया जाएगा ना, नॉन एडवर्सरियल का अर्थ यही होता है कि जब आप काम करोगे उसमें आप कोऑपरेट करोगे एक दूसरे के साथ, ताकि बेस्ट सॉल्यूशन पर आप पहुंच सकते हो। फिर चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन है उसे एनहेंस कर दिया गया है ना, उनको अडल्ट जस्टिस सिस्टम से थोड़ा सा दूर रखा गया है। इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा स्मूथ किया गया, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स मॉनिटरिंग करेंगे बहुत सारी एजेंसीज़ का अंडर दिस जस्टिस जुवेनाइल एक्ट, और प्लस में जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है NLSA,
उन्होंने नोट किया था कि 35 जो हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं टोटल, उसमें से सिर्फ 17 के पास ही बेसिक स्ट्रक्चर है, ऐसी बॉडीज़ हैं जो जस्टिस जनरल एक्ट के लिए काम करती हैं। तो इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एनरोल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा काम आसान हो जाएगा, उसमें स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। अब कंसर्न क्या होगा, देखो सबसे पहले कंसर्न तो ये है कि जो चाइल्ड वेलफेयर का जो डिपार्टमेंट है ना, उसकी जिम्मेदारी अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आ जाएगी। अब इन लोगों के पास ऑलरेडी पहले ही बहुत सारा बर्डन होता है और एक नई चीज़ दे दी गई, तो उसमें डिले होंगे एक्चुअली, हमने बात तो की डिले नहीं होंगे लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं। फिर इनएडिक्वेट कॉम्पिटेंसी, यानी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं इनको हर एक एक्ट के बारे में डीप नॉलेज नहीं होती है, ये एडमिन करते हैं, मैनेज करते हैं। तो दूसरी कुछ कंट्रीज़ हैं, यूके, जर्मनी, फ्रांस वगैरह, उन सब ने क्या हुआ है कि उनके जो भी अडॉप्शन के ऑर्डर्स होते हैं वो कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटर की बात की है, अब एडमिनिस्ट्रेटर को इतनी नॉलेज नहीं होती है, लेकिन कोर्ट में क्या होता है कि उनको हर एक एक्ट के बारे में डिटेल नॉलेज होती है। तो ये लोग ट्रेंड नहीं होते हैं ऐसे चिल्ड्रन स्पेसिफिक केसेस से डील करने के लिए। फिर कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है, जब आप क्रिमिनल रिड्रेसल पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव को दे रहे हो शिकायत का जो निवारण के अंदर, अब डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन है, ये एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिर से बीच में आ रहा है। सेपरेशन ऑफ पावर्स को लेकर के मेंस में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट से, और इवन प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें इश्यूज क्या कुछ हैं, कि जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना उनके पास बेसिक सर्विसेज नहीं होती। बेसिक सर्विस का अर्थ होता है खाने पीने की जगह, रहने की, बेडिंग वगैरह, जो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स होती हैं। सिर्फ 32% जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं अक्रॉस द कंट्री ये रजिस्टर्ड हैं। 32% इज़ अ वेरी लो नंबर, और इनकी इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी बहुत कम है, इनके पास कोई अपने फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। अब देखो फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का ये जो कीवर्ड है ना, ये कीवर्ड आपको याद रखना है, ये कीवर्ड जनरली आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा मेंस के आंसर राइटिंग में, कि इस तरह का कोई चीज़ होंगे ना कोई इंस्टीट्यूशंस में क्या इश्यूज होते हैं, फाइनेंस के इश्यूज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के। और एक कीवर्ड की भी ना लिस्ट मैंने अराउंड 400 से ज़्यादा कीवर्ड्स आप लोगों को यूपीएससी के हैंड बुकलेट में प्रोवाइड किए हैं, जो आपकी मेंस की आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लॉ के साथ भी बहुत सारी चीज़ें कन्फ्लिक्ट करती रहती हैं, 15% के आसपास इंक्रीमेंट देखने को मिला है चिल्ड्रंस का, और केसेस बहुत सारे पेंडिंग है हमारे 2009 से लेकर और 2019 तक, ये जो 10 साल का गैप था इसमें तकरीबन 43% थे 2009 में और 51% केसेस हो गए हैं हमारे 2019 में। तो केसेस में जो पेंडिंग केस की बात की जा रही है, 2009 में 43% केसेस पेंडिंग थे और 2019 में 51% केसेस पेंडिंग हैं। मैं ये कहूँगा कि आप इस तरह के जो ग्राफ्स होते हैं ना, ये छोटे छोटे, इसमें से एक चीज़ आप नोट कर लेना, ये आप इसको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये 100% 50% ये तो आसानी से याद हो जाएगा, आप 2009 का बेशक से ना करो, आप ये एक याद कर लेना बस, दैट्स इट। इसमें ये 2009 का है, ये 2019 का है, 16 से 18 ईयर वाला 65% 75% ये अरेस्ट का है, इतने परसेंट बच्चों को जो केसेस आते हैं उनको अरेस्ट किया जाता है। और ये NCRB का डेटा है, NCRB पता होगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है 2009 से 19 का। तो ये इस तरह का जब ग्राफ बन जाता है ना, उसके दो बेनिफिट होते हैं, एक तो आपके पास स्पेस थोड़ा सा इजीली कवर हो जाता है, और प्लस में थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है, ये प्रेजेंटेबल दिखता है। क्योंकि पता है क्यों, गवर्नमेंट की जो अपनी जब रिकमेंड, जैसे उसने ऊपर बात की थी ना NCPCR की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन आई थी, हमने प्रीवियस टॉपिक में बात की थी कि नेशनल वो जस्टिस रोहिणी कमीशन ने रिकमेंडेशन दिए थे। देखो रिकमेंडेशन के टाइम में क्या हो रहा होता है ना, किसी ऑफिस में बैठकर वो लोग मीटिंग कर रहे होते हैं, है ना, डिस्कशन करते हैं, वहाँ पर वो लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, एक्चुअली उन प्रेजेंटेशंस में भी ना इसी तरह के ग्राफ वगैरह बनाकर प्रेजेंट किए जाते हैं गवर्नमेंट को, अपने लीडर को, बॉसेस को। और ये कॉर्पोरेट में भी होता है, जो लोग कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो आप लोग, आपको पता है आप लोगों ने स्कूल टाइम में प्रेजेंटेशंस में ये सब चीज़ें बनाई है, ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है और ये क्लैरिटी के साथ आपको आंसर देता है। यू कैन सी द डिफरेंस कि अच्छा एक चीज़ है वो 100% से कितना डिस्टेंस पर गैप है, डायरेक्टली 65% 75% लिखने से बेटर होता है कि आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करो, इसलिए चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो कंक्लूजन हम यही कर सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो हम वे फॉरवर्ड में लिखेंगे ही। फाइनेंस को लेकर कंप्लायंस, यानी कि उस चीज़ को कितना फॉलो किया जा रहा है, प्रोसीजर कैसे हैं, सारे के सारे स्मूथ हैं या नहीं है। ऑफिशियल्स को थोड़ा सा सेंसिटाइज भी होना पड़ेगा, यानी सेंसिटाइज क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि चिल्ड्रन के इशूज़ हैं, उनके अपने कुछ कंसर्न जो सेफ्टीज होते हैं, जैसे विमेन के केसेस को लेकर के हर बार बोला जाता है कि जुडिशरी के अंदर विमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए, ताकि उनको वो थोड़ी सी सेंसिटिव होते हैं। फिर नेटवर्किंग कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत है, एक्सटर्नल एजेंसीज भी होती हैं, उसमें हम लोग NGOs वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं, जो इनको चीज़ों को एनकरेज करे, स्टूडेंट्स वगैरह को, इवन स्कूल्स के अंदर ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं, उनके बच्चों को पहले इन केसेस के बारे में बताया जाए, है ना, ऐसे एक्ट्स के बारे में बताया जाए। ये चीज़ हम करते नहीं है, आप लोगों ने कभी स्कूल के अंदर जस्टिस जुवेनाइल एक्ट जैसी चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ा होगा, तो ये चीज़ें स्कूल में भी इंट्रोड्यूस की जा सकती है। अब ये नया पॉइंट है,
स्कूल्स वाला, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया, आप इसे याद रखना। ये आप लिखोगे तो शायद आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि ये हर कोई नहीं लिखेगा। तो दिस वॉज द टॉपिक। ये कुछ अमेंडमेंट में चेंजेस किए गए थे। ये चेंजेस ना आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, और पूरे के पूरे मेंस के एक्ट में आपको यही सब लिखना पड़ेगा कि इस तरह का जो बिल है उसमें क्या कुछ बेनिफिट्स होते हैं, क्या कुछ इश्यूज हैं, अगर मेंस में क्वेश्चन बनता है तो। इसमें प्रीवियस ईयर के ऊपर मेंशन नहीं किया था क्योंकि कहीं ऐसा कुछ खास क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि पूछा नहीं जाएगा। जो चीज़ बिल्कुल नहीं पूछी गई उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं पूछे जाने के। टॉपिक नंबर 1.3 टॉक्स अबाउट इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट। तो रिवर डिस्प्यूट को लेकर मेंस में 2010 एंड 2004 में पहले क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन पिछले एक दो साल में दोबारा से मुद्दा सामने आया है। तो एक बार देख लेते हैं अभी क्या अपडेट है, और चांसेस हैं कि ये फिर से मेंस में पूछा जाएगा। प्रीलिम्स में ना रिवर के डिस्प्यूट के बारे में नहीं पूछते हैं, प्रीलिम्स में रिवर्स को बेसिकली ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट में पूछते हैं, कौन सी रिवर कहाँ से फ्लो करती है, किस स्टेट में कौन सी फ्लो कर रही है, किस माउंटेन के पास है, या फिर किसकी ट्रिब्यूटरी क्या है। तो प्रीलिम्स में ये ध्यान रखना, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से रिवर्स के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन मेंस में जनरली रिवर का डिस्प्यूट क्या है, जैसे इंडिया चाइना के बीच पूछ सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान का पूछा गया है पहले भी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, उस तरीके से। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है दोबारा से रिवर ये जो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट, यानी कि दो राज्यों के बीच में नदी को लेकर के जो भी विवाद है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने नोटिफाई किया था कि जो गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड है प्लस में जो कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड है, ये दोनों के दोनों आएंगे आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के अंदर। तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। पहले एक हल्का सा आइडिया ले लो कि मेजर बेसिकली स्टेट्स में ये तो मैप आपके काम आएगा ही आएगा, आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट में कहाँ कहाँ पर किस किस रिवर को लेकर इश्यूज चल रहे हैं। जैसे हम कृष्णा की बात करते हैं तो कृष्णा जो है उसमें महाराष्ट्र इन्वॉल्व है, आंध्र प्रदेश इन्वॉल्व है, कर्नाटक इन्वॉल्व, क्योंकि कृष्णा रिवर यहाँ से फ्लो करती है। आप देखो कि महाराष्ट्र से ओरिजिन हो रहा है कर्नाटक से होते हुए, और ये आंध्र प्रदेश से जाकर आगे बे ऑफ बंगाल में जा रही है। फिर हम गोदावरी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर ऊपर देखो महाराष्ट्र में ये अरेबियन सी के रीजन के पास में वेस्टर्न घाट से इसका ओरिजिन हो रहा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में एंटर करती है, बेसिकली ऊपर तेलंगाना में भी है, एंड देन कर्नाटका का भी इसमें पार्ट ऐड होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आगे कृष्णा से मिल जाती है, और ऊपर से एमपी का भी कुछ पार्ट इन्वॉल्व होता है। वो इसलिए क्योंकि रिवर बेसिन होते हैं, रिवर की डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज होती हैं। वहीं पर कावेरी हो गया, उसमें कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी है ना, इस तरीके से आपको इन रिवर्स के बारे में मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कृष्णा और गोदावरी के बारे में। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको ये पता होगा कि 2014 में जो तेलंगाना एक नया स्टेट बनाया गया था फ्रॉम बाइफरकेटिंग आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, श्रीसलम राइट बैंक कैनाल और पावर स्टेशन है ना, उसके बाद तेलुगु गंगा पे SRBC है, और हंडिर नेवा सुजाला सरवंती HNSS है, यहाँ पर जुराला है, प्रोजेक्ट है जुराला पावर स्टेशन है, बीमा है, और नेत्रम पाडू है। ये कई कई तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, आपको सबके नाम याद नहीं रखने, एक हल्का सा रीड कर लेना एक बारी के लिए, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं करना है। तो जैसे ये आपको पता होना चाहिए कि नागार्जुन सागर का जो राइट कैनाल हेड रेगुलेटर है वो आंध्र में है, लेकिन वहीं पर नागार्जुन सागर का जो लेफ्ट बैंक कैनाल और पावर स्टेशन है वो है तेलंगाना में। अभी कॉमन नेम है, ये अलग अलग जगह पर है, इसलिए इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो मैप देख लिया है और स्मूथ ऑपरेशंस का आइडिया लग गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड है और जो कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड है, ये सब ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं। ऑटोनोमस बॉडीज़ का मतलब क्या होता है कि ऑटोनोमस यानी कि उनके ऊपर किसी दूसरे की कोई पावर नहीं चलती है, कहीं ना कहीं इनके पास अपनी खुद के एग्जीक्यूशन पावर ज़्यादा होती हैं। और ये कब बनाए गए थे, जब आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना को बाइफरकेट कर दिया गया था उसके बाद। तो 2014 में जब दोनों स्टेट्स ने एग्री किया था कि वो 66:34 के रेशियो में, ठीक है, ये एलोकेशन किसने किया था, कृष्णा वाटर जो डिस्प्यूट का जो ट्रिब्यूनल था ना, उन्होंने बोला था कि एक टेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर आप 66:34 के रेशियो में जो डिवीजन होगा उसको किया जाएगा। 1969 में बेसिकली ये कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को सेटअप किया गया था, और किसके अंडर किया गया था, ये किया गया था इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट। ये एक्ट बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि इंटर स्टेट्स के अंदर जो भी रिवर के डिस्प्यूट्स होते हैं उसका एक्ट बहुत पुराना है, 1956 का एक्ट है। तो इसको इतना ध्यान में रखना कि एक्ट बहुत पुराना है, 1956 के अराउंड का है। 1956 के अराउंड हमारे पास स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी आया था, आप लोगों को पता होगा कि हमारे कुछ कैटेगरीज हुआ करती थी स्टेट्स की, ABC है ना, उस तरह की, उन सब में हमने स्टेट्स को डिवाइड करना स्टार्ट किया था। तो ये आपको ईयर्स का ऐसे आइडिया होना चाहिए, और ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में आप पॉलिटी में पढ़ोगे। तो
पॉइंट क्या है कि जो वाटर है ना श्रीसलम रिजर्वेयर का, जो कि मेन स्टोरेज है पूरे रिवर वाटर का दोनों स्टेट्स के बीच, ये एक मेजर डिस्प्यूट का पॉइंट है। आपको इतना ही जानना है बस, इससे ज़्यादा आपको ये नहीं जानना कि किस रिवर से कितना परसेंटेज पानी कहाँ पे जा रहा है। ये तो सिर्फ एक बैकग्राउंड के बारे में था कि ये दोनों जो बोर्ड हैं ये ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, और कृष्णा जो अच्छा जो वाटर का जो कॉन्सेप्ट होता है ना रिवर डिस्प्यूट्स का, ये ट्रिब्यूनल के अंडर आता है। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, जैसे हमारे कोर्ट्स होते हैं ना, तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनको ट्रिब्यूनल्स हैंडल करते हैं। ट्रिब्यूनल यानी कि एक एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की बॉडी बना देते हैं ताकि कोर्ट्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर कम हो जाए। तो रिवर वाले जो इश्यूज़ है ना, इसमें हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि यहाँ पर कोर्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यहाँ पर ट्रिब्यूनल्स का डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होता है। अच्छा, बाइंडिंग होता है नहीं है, फाइनल होता है नहीं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ पर ट्रिब्यूनल का रोल होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के क्या कुछ प्रोविजंस हैं स्टेट रिवर के वाटर डिस्प्यूट को लेकर, तो आप सब लोगों ने सेवन्थ शेड्यूल के बारे में सुना ही होगा, है ना। अच्छा, सेवन शेड्यूल की भी मैंने एक ईजी लिस्ट प्रिपेयर करके आप लोगों को हैंडी बुकलेट में साथ में प्रोवाइड की हुई है ताकि आपको सब्जेक्ट्स याद करने में आसानी हो। तो इस सेवन शेड्यूल की जो 17th एंट्री है ना स्टेट लिस्ट की, उसमें बताया गया कि तीन लिस्ट है यहाँ पर, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। तो यूनियन के अंदर वो सारे सब्जेक्ट जैसे डिफेंस हो गया मान लीजिए, और एटॉमिक एनर्जी हो गया, तो ये यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके साथ डील करेगी, रेलवेज हो गया है ना। अब स्टेट हो गया, स्टेट के अंदर कुछ इश्यूज होंगे है ना, जैसे हेल्थ हो गया हमारा स्टेट का इशू है। तो उसी तरीके से उन्होंने कहा कि वाटर में वाटर सप्लाई, इरीगेशन, कैनाल, ड्रेनेज, एम्बैंकमेंट, ये सब स्टेट के अंडर आएगा। फिर कुछ होते हैं कंकरेंट के इशूज़। कंकरेंट बेसिकली वो लिस्ट होती है जिसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट जहाँ पर दोनों गवर्नमेंट काम करेंगी है ना, स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर काम कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। तो एंट्री नंबर 17 आपको याद रखना पड़ेगा, वाटर का जो है स्टेट की लिस्ट में आता है। और यूनियन की लिस्ट में एंट्री नंबर 56 पर है, उसमें कि इंटर स्टेट के रिवर और रिवर वैलीज को कैसे रेगुलेट करना है। ध्यान रखना दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। बेसिक वाटर सप्लाई, इरीगेशन वगैरह ये सब आएंगी स्टेट लिस्ट में, लेकिन जो रिवर डिस्प्यूट्स वगैरह इंटर स्टेट वगैरह की चीज़ें होंगी यूनियन के पास जाता है। अब हम आर्टिकल 262 के बारे में देख लेते हैं कि इंटर स्टेट रिवर्स का कोई भी अगर डिस्प्यूट कंप्लेन होता है, ये सब आर्टिकल 262 के अंदर पावर होती है। इसका अर्थ क्या होता है, पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, ठीक है, लेकिन कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई दूसरा कोर्ट के पास कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता इस तरह के डिस्प्यूट या कंप्लेन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। रिवर डिस्प्यूट के कॉन्सेप्ट में सुप्रीम कोर्ट या फिर दूसरे कोर्ट्स का कोई ऐसे इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, पार्लियामेंट लॉ बनाता है ऐसे डिस्प्यूट्स वगैरह को लेकर। तो अब इन इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स को लेकर इश्यूज़ क्या चल रहे हैं। पहली बात तो कि बहुत सारे लिटिगेशन यानी कि जो भी आप फाइलिंग करते हो केस वगैरह को लेकर, ये बहुत पुराने हैं, इनमें बहुत डिले होते रहते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है ना। तो जैसे कि आप गोदावरी कृष्णा की बात करें तो ये अराउंड 1956 के आसपास से है, और ये ट्रिब्यूनल के पास ही मैटर गया था 1969 में है ना, तकरीबन 14 ईयर्स के बाद ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया था। तो वाटर का डेटा अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, तो ये बहुत एक मेजर इशू कि डिले होते हैं इन रेजोल्यूशन में। प्रोसीजर बहुत ही कॉम्प्लेक्स और ओपेक होते हैं क्योंकि स्टेक होल्डर्स बहुत सारे होते हैं, एक गवर्नमेंट है, दूसरी गवर्नमेंट है, वहाँ के रीजनल लोकल्स हैं, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, रिवर डिस्प्यूट्स वगैरह को सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्यों आती है, जैसे क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होती रहती है। अब मान लीजिए आपको यूपी और एमपी के बीच में बहुत सारे रिवर्स का कनेक्शन होता है। अब यूपी और एमपी में दोनों में बीजेपी गवर्नमेंट है, अब ये दोनों गवर्नमेंट मिलकर के चलो कर लेंगे, ठीक है भाई हम दोनों बीजेपी गवर्नमेंट है, दोनों स्टेट्स का वेलफेयर चाहेंगे, कर लेंगे। कल को मान लो यूपी में या फिर एमपी में से कोई भी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, मान लीजिए यूपी में कोई समाजवादी पार्टी आ जाती है या फिर एमपी में कहते हैं कांग्रेस आ गई या फिर एमपी में बीजेपी रहती है, तो गवर्नमेंट दोबारा से डिले, वो उनकी बातों में कंसेंसस नहीं होगा, सहमति नहीं होगी, तो फिर से डिले आ जाएगा। ये बहुत जायज सी बात है। तो एफिशिएंट फंक्शनिंग नहीं हो पाती है, नॉन कंप्लायंस के होता है। देखो हमारा का जो स्ट्रक्चर है ना वो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, और कहीं ना कहीं हम कॉलोनियल लीगेसी को फॉलो करते आ रहे हैं। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, एक सेंटर है उसमें बहुत सारे स्टेट्स वगैरह भी होते हैं, तो हर एक स्टेट्स के अपने अपने कुछ चॉइसेस भी होते हैं, उनके पास कुछ अपनी अलग से इंडिविजुअल पावर्स भी होती हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रिब्यूनल के जो अवार्ड्स होते हैं ना, ट्रिब्यूनल के अवार्ड का मतलब कोई इनाम नहीं होता है, बेसिकली उनका जो स्टेटमेंट होता है, फाइनल जो वर्डिंग्स होती हैं उनको कहीं कभी कभी रिजेक्ट भी कर दिया जाता है, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर वो बोलते हैं कि तो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या रोल है उनको पता भी नहीं, ऐसा फलाने चीज़ें होती हैं। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, ये एक मुद्दा मैंने आपको बता दिया, दो स्टेट में गवर्नमेंट वगैरह चेंज होती है तो कहीं ना कहीं आपको पता रहेगा कि पॉलिटिकल इश्यूज अराइज होते हैं, ठीक है। तो जैसे कावेरी डिस्प्यूट की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर एथनिक आइडेंटिटी को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा उठ गया था तमिलियंस के बीच में और जो कनेडियंस थे, कन्नड जो रीजन के लोग थे उनके बीच में, ये कुछ इश्यूज रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम भी रहा है, कोई इंस्टीट्यूशनल मॉडल नहीं है हमारे पास इन सब कोऑर्डिनेशन के लिए ना, और जैसे ट्रिब्यूनल के अवार्ड्स उनका इंप्लीमेंट किया जाए इसको लेकर हमने कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया हुआ। फिर लैक ऑफ ग्रीवेंसेस रिड्रेसल, ग्रीवेंसेस का मतलब शिकायत, रिड्रेसल का मतलब उनका निवारण करना। तो
किस तरीके से हम लोगों ने कोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, हमको इसमें ये पता चलता है कि ट्रिब्यूनल्स वगैरह के जो अवार्ड्स होते हैं उनको लेकर अगर कोई शिकायत होती तो उसको लेकर हम कहाँ जाएंगे। क्योंकि कोर्ट के पास अगर मान लीजिए लास्ट में चले भी जाते हैं कि भाई ट्रिब्यूनल्स ही गलत काम कर रहे हैं, तो एनीवे वो कोर्ट को बहुत टाइम लगेगा, पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, पार्लियामेंट से डील करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। इतने में गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, इतने में वो इशू बदल जाएगा, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम चलती रहती हैं। तो क्या कुछ स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि ये जो इश्यूज़ हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, इनको कम से कम किया जाए? तो हम लोगों ने 1956 में रिवर बोर्ड्स एक्ट लेके आए थे, हम लोगों ने वहाँ पर रिवर बोर्ड्स बनाए थे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए थे और कुछ स्टेट्स थे उनके कुछ कंसर्न था, उनकी रिक्वेस्ट पर बनाए गए थे। फिर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का एक्ट तो 1956 की हम लोगों ने बात करी गई थी। इस एक्ट के अंडर हम लोग क्या करते हैं, ट्रिब्यूनल सेटअप करते हैं। अब ये देखो, जो डिसीजन होता है ट्रिब्यूनल का वो फाइनल और बाइंडिंग होता है, ये तो बात सही है, हमने इस एक्ट के अंडर बता दिया। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा यहाँ पर, कभी कभी नॉन कम्प्लायंस हो जाता है, कभी कभी ट्रिब्यूनल के अवार्ड्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उस कारण क्या हो जाएगा, उस कारण डिले हो जाएगा। वो बोलेंगे कि ट्रिब्यूनल का अवार्ड तो बाइंडिंग था क्योंकि गवर्नमेंट ने वो एक्ट पास किया हुआ है, लेकिन वो बोलेंगे हम तो नहीं मानेंगे, कर लो क्या करोगे। इसे चाइना को लेकर के है, अभी चाइना ने जो यूएन क्लॉज का जो एक्ट है ना, उसके अकॉर्डिंगली जो सी के बाद आपकी लिमिट होती है, उसमें चाइना ने कहीं ना कहीं फिलीपींस की टेरिटरी में एंटर करने की कोशिश की, वियतनाम लाओस की। वो यूएन क्लॉज के एक्ट के मुताबिक चाइना को नहीं करना चाहिए, चाइना ने बोल दिया हम तो करेंगे, आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसा होता है, कुछ जिद्दी लोग होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो ये जो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट का एक्ट था 1956 का, इसमें अमेंडमेंट भी किया गया था 2019 में। उसमें अमेंडमेंट में कहीं ना कहीं उस फ्रेमवर्क को, उस आर्किटेक्चर को थोड़ा सा मजबूत किया गया था, रोबस्ट किया गया था, कुछ छोटी मोटी जो कमियां थी उन्हें निकाला गया था। अब एक रिवर बेसिन मैनेजमेंट का बिल भी है। रिवर बेसिन का अर्थ क्या होता है, जैसे आप मैप में देखोगे, बेसिन आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, बट फिर एक आइडिया देता हूँ। मान लीजिए गंगा रिवर यहाँ से फ्लो करती है, गंगोत्री से लेकर के और सीधा वेस्ट बंगाल से फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाती है। इसका बेसिन का अर्थ ये नहीं कि ये एग्जैक्ट रूट होगा, ये किस किस रीजन में कहाँ कहाँ पर ये अपना वाटर सप्लाई करती है, बहुत बड़ा रीजन बन जाता है जो गंगा रिवर का बेसिन बनता है। ठीक है, तो बेसिन बेसिकली थोड़ा सा ज़्यादा एरिया होता है जहाँ पर उसका वाटर का प्रेजेंस फाइंड हम लोगों को मिल सकता है। ये ज्योग्राफी में आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको आइडिया लग जाना चाहिए। फिर एक नेशनल वाटर इन्फॉर्मेटिक सेंटर भी है, ये हमारा जो नेशनल हाइड्रोलॉजी का प्रोजेक्ट था ना उसके अंडर आया था। इसमें हम लोग वाटर के रिसोर्स का डेटा बहुत तरीके से मेंटेन करते हैं। फिर एक वेब एप्लीकेशन भी, इसका नाम है रिस, वाटर रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इसमें सारा अनक्लासिफाइड डेटा, अनक्लासिफाइड करना है कि वो डेटा जो आप प्रेजेंट कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के इस डेटा को प्रेजेंट करते हैं। ये हम लोग पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं, वाटर रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक प्रीवियस मैगजीन में आया था पहले ये। तो ये गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए थे और इनको हम इंश्योर कैसे कर सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे एवेन्यूज़ होने चाहिए जो मीडिएट करें और मिटिगेट करें। मीडिएट का मतलब कोई बिचौला बन जाए ना, दो इश्यूज़ है, ए साइड ए है, बी है, दोनों के बीच में कोई मीडिएटर आ जाए तो दोनों की सुलह करवा दे, फिर मिटिगेट करें ताकि हम कोई भी डिस्प्यूट हो उसकी मिटिगेशन यानी कि उसकी गंभीरता जो है उसको कम करने की कोशिश करें। हमारा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बड़ा रोबस्ट होना चाहिए, हमने किया तो था 2019 में अमेंडमेंट किया था, बट स्टिल वी नीड कि हम लोगों के साथ थोड़ा कंसल्ट करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के साथ और ज़्यादा कंसल्टेशन होना चाहिए, और ज़्यादा बातचीत होनी चाहिए ताकि हम लोग एक फाइनल कंसेंसस पर, एक सहमति पर पहुँच सकें। जो भी हमारी अप्रोच हो, हमें उसमें सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करना है तो हमें उसमें प्रिजर्व करना पड़ेगा, हमें वाटर के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करनी पड़ेगी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, अगेन कीवर्ड्स के बारे में है, इस तरह के सारे कीवर्ड्स ना वो हैंडी बुकलेट में गिवन है 400 से ज़्यादा आंसर राइटिंग के लिए, तो उन्हें कर लेना, उनसे मार्क्स इंप्रूव होंगे आपके। सोशल जस्टिस को हमें इंप्लीमेंट करना होगा डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन के लिए, जो भी हमारा विवाद वगैरह चल रहा है उसको सुलह करने के लिए, और हमें उनकी जो यूनिक नीड्स होती है ना, यूनिक नीड्स किसकी होंगी बेसिकली, तो जो भी सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, तो रिवर बेसिन की अथॉरिटी होती है, उनको ये पता करना पड़ेगा किस एरिया की यूनिक नीड क्या है। मान लीजिए एक एरिया ऐसा है कि उसमें ऑलरेडी, अब जैसे हम महाराष्ट्र की बात करें, और मल्टीपल रिवर्स जा रही है ना, तो हो सकता है कि कल को दूसरा कोई स्टेट है, अगर मैं अभी एग्जैक्टली बात नहीं कर रहा, मैं एक रफ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एक हाइपोथेटिकल, मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है कि आंध्र प्रदेश में कोई और रिवर है ही नहीं और महाराष्ट्र से एक रिवर जा रही है जो आंध्र प्रदेश में जा रही है, बाकी महाराष्ट्र में दूसरी रिवर से दूसरे स्टेट्स में जा रही है। अब आंध्र प्रदेश की यूनिक नीड क्या होगी कि वो एक रिवर जो आंध्र प्रदेश में जा रही है उसमें आंध्र प्रदेश को ज़्यादा पानी दिया जाना चाहिए, राइट? बट ऐसा सिचुएशन किसी भी स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हो। तो और भी बहुत सारी यूनिक नीड्स हो सकती हैं, वहाँ पर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स कैसे किए गए हैं, वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है, वहाँ की एग्रीकल्चर की नीड क्या है, वहाँ पर हॉर्टिकल्चर कैसा चल रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के करना चाहिए। वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कितना है,
पब्लिक के नोटिस में लाने की ज़रूरत है कि जब भी कोई डेवलपमेंट हो रही होती है उस तरह के डिस्प्यूट में, उसमें रुकावटें क्या आ रही है, डिस्प्यूट्स में हैं क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, ये सब इश्यूज़ हमको पब्लिक के नोटिस में लाने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक लॉस कितना हो रहा है, पब्लिक का थोड़ा सा आउटरीच देखने को मिलेगा तो गवर्नमेंट भी उस चीज़ को सेंसिटिव तरीके से हैंडल करेगी। तो ये था इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट के बारे में। मैप इज़ इम्पॉर्टेंट, इसे याद रख लेना किस किस स्टेट के बीच में कहाँ कहाँ, अपने स्टेट के बारे में तो ज़रूर याद रखना जो भी आपका स्टेट है, अदरवाइज सबका आइडिया आपको ज़रूर होना चाहिए। टॉपिक नंबर 1.4 थोड़ा सा छोटा सा और ईजी सा है, एक थोड़ा अपडेट हुआ था। तो मैंने फर्स्ट टॉपिक में आपको बताया भी था कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को एनुल कर दिया गया था। एनुल करने का अर्थ होता है ऑफिशियली आप किसी चीज़ को इनवैलिड कर दो, आप वो अब वैलिड नहीं है, उसे रिकॉग्नाइज आप नहीं करते। तो एक 3-judge bench सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और जो पार्ट 9B है हमारे संविधान का, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को गवर्न करता है, उसे उन्होंने इनवैलिड कर दिया, एनुल कर दिया है। तो ये सारा जानेंगे क्यों किया गया है, कैसे किया गया है, इसका रीज़न क्या था। तो पहले ये देखते हैं कोऑपरेटिव्स क्या हैं। ये आप लोगों ने DPSPs में पढ़ा होगा, डेफिनेट सी बात है। कोऑपरेटिव्स हमारे एक स्टेट का सब्जेक्ट है, अभी हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में बात की थी ना 7th schedule के बारे में, तो स्टेट का सब्जेक्ट है कोऑपरेटिव्स। हालांकि जो 97th अमेंडमेंट का एक्ट था, इसे पार्लियामेंट ने पास किया था विदाउट गेटिंग रेटिफिकेशन फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि राज्यों से रेटिफिकेशन लिए बिना अगर पास किया, तो इसलिए उसके ऊपर बहुत समय से काम चल रहा था और अभी उसे इनवैलिड कर दिया गया है। कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि पार्ट 9B जो है वो ऑपरेटिव है, अगर तभी जब वो मल्टी स्टेट को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कंसर्न करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये स्टेट लेजिस्लेचर के एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स के अंडर आते हैं। अभी कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, देखो जहाँ पर भी को की बात आती है ना, सीओ, जैसे को एजुकेशन की बात करते हैं वहाँ पर, मतलब कोएड की हम बात करते हैं, तो मेल एंड फीमेल दोनों एक साथ पढ़ाई करेंगे। जब हम कोऑपरेटिव्स की बात करेंगे तो ये वॉलेंट्री एसोसिएशंस होता है। वॉलेंट्री यानी कि आप अपनी इच्छा से करते हो, आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होता है। तो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी कुछ कॉमन नीड्स होती हैं, वो अपने कॉमन इकोनॉमिक गोल्स और इंटरेस्ट को पाने के लिए कुछ कोऑपरेटिव्स क्रिएट कर लेते हैं, कुछ एसोसिएशंस बना लेते हैं, जैसे कि इंडियन कॉफ़ी हाउस हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन हो गया, ये सब अपने अपने कुछ इकोनॉमिक गोल्स को कंप्लीट करने के लिए इन्होंने एक एसोसिएशन को क्रिएट कर लिया था, है ना। अब इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी आ जाएंगी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ भी आ जाएंगी, कोऑपरेटिव बैंक्स भी आ जाएंगे। ये एग्जाम्पल से आप शायद समझ गए होंगे, ठीक है। इनका मेन एम यही होता है कि अपने आपस में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करके ये लोग इन चीज़ों में अपने गोल्स को पूरा करेंगे। तो इस कोऑपरेटिव कल्चर को रिसेंटली प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कुछ किया था, आप सबने न्यूज़ में देखा होता, एक नई मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को बनाया गया था ताकि कोऑपरेटिव मूवमेंट को इंडिया में स्ट्रीमलाइन किया जा सके। अभी आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान में रखना, ये थोड़ा पॉलिटिकल पॉइंट है, लेकिन देखो गवर्नमेंट की तरफ से नई मिनिस्ट्री का आना, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के उस अमेंडमेंट को रद्द कर देना, इन चीज़ों का कहीं कुछ कनेक्शन होता है। तो बैकग्राउंड में आपको जानने के लिए आपको थोड़ा पॉलिटिकल न्यूज़ से अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से कोऑपरेटिव्स में अपडेट उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में 2020 में एक अमेंडमेंट किया था। वहाँ पर क्या था कि RBI को पावर दे दी थी कि कोई भी कोऑपरेटिव बैंक्स होता है उसमें अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, तो अगर उसको मर्जर करना हो, उसमें एक्विजिशन करना हो, तो RBI उसके बोर्ड को सुपरसीड कर सकता है। ये एक पॉइंट है, ये पूरी लाइन ही आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है तभी, और उसमें मर्जर या एक्विजिशन करना, तब RBI उनके बैंक्स के बोर्ड को सुपरसीड कर सकता है। कोऑपरेटिव बैंक्स की बात की जा रही है। 97th अमेंडमेंट में क्या किया गया था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के इफेक्टिव मैनेजमेंट की बात की गई थी। इन्होंने अमेंड किया था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी को, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी है क्या, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यूनियन और एसोसिएशंस को सर्टेन रेस्ट्रिक्शन से फ्रीडम मिलती है, ठीक है। आर्टिकल 43B क्या है, वो कहता है कि जो स्टेट हैं वो प्रमोट करेंगे इनका वॉलेंट्री फॉर्मेशन, इनकी फंक्शनिंग और इनकी मैनेजमेंट। पार्ट 9B जो हमने ऐड किया था उसमें क्या था, उसमें कुछ टर्म्स बताए गए थे कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को रन किया जाएगा, ठीक है। इवन उसमें ये भी था कि किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे, उनका टेन्योर कितना रहेगा, और उनमें क्या कुछ एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट है। तो ये सब था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट।
टॉपिक नंबर 1.5 एक ड्राफ्ट है सिनेमेटोग्राफ के, बेसिकली एक अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट का ड्राफ्ट है, अभी अमेंडमेंट हुआ नहीं है। ड्राफ्ट का अर्थ यही होता है कि जैसे आप अपना ईमेल जब यूज़ करते हो तो उसमें आप कोई ईमेल को जब कंपोज करते हो, तो अगर आप कंपोज करेंगे तो सेंड नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट में सेव हो जाता है, यानी कि दैट थिंग कैन बी फर्दर चेंज्ड, अभी उसको अपडेट किया जा सकता है। तो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने सिनेमेटोग्राफ के बिल के अमेंडमेंट का ड्राफ्ट, ध्यान रखना बिल ऑलरेडी है हमारे पास, 1952 का एक्ट है हमारे पास ऑलरेडी, उसमें कुछ अमेंडमेंट करने के लिए उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया और उसमें पब्लिक का ओपिनियन मांगा है। तो इसको जानने के लिए हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा, सेंसरशिप क्या होती है और वो रेलिवेंट क्यों है, प्लस में सेंट्रल बोर्ड जो फिल्म सर्टिफिकेशन का है वो क्या है। तो यहाँ पर मेरा एक सवाल भी होगा आप लोगों से, सिंस बॉलीवुड मूवीज सब देखते रहते हो, राइट नाउ ये सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन जो है इसका हेड कौन है? हिंट दे देता हूँ, एक बॉलीवुड बेसिकली उस इंडस्ट्री से ही बिलोंग करता है, द पर्सन इज बिलोंग्स, तो उसका हेड कौन है इसका मुझे आंसर बताइएगा। CBFC का हेड अभी राइट नाउ कौन है? तो हेडक्वार्टर मुंबई में है और अलग से फिर 9 रीजनल ऑफिसेज भी हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी का अर्थ होता है यानी कि इसको एक पार्लियामेंट का एक्ट पास करके बनाया गया था। एक्ट कौन सा था? वही सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 का। किसी भी पब्लिक एग्जीबिशन, फिल्म का जो पब्लिक एग्जीबिशन होता है उसकी सैंक्शनिंग करनी होती है, वो काम होता है इस सेल्फ CBFC का, प्लस में कुछ मॉडिफिकेशन करना होता है सैंक्शन से पहले, है ना, या फिर कभी कभी कुछ पब्लिक एग्जीबिशन के लिए उनको सैंक्शन लगाना होता है, रिफ्यूज़ कर देते हैं, ये सब काम होते हैं इनके। सेंसरशिप की डेफिनेशन क्या होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप ऑफिशियली किसी भी चीज़ को प्रोहिबिट कर देते हो, किसी भी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर देते हो, जैसे कोई फिल्म हो गया, कोई बुक हो गई, कोई टेलीविज़न का शो हो गया। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो मॉरल ऑर्डर को डिस्टर्ब करेगा, सोसाइटियल या पॉलिटिकल ऑर्डर को डिस्टर्ब करेगा। इस प्रोहिबिशन को, इस रेस्ट्रिक्शन को हम सेंसरशिप बोलते हैं। तो सेंसरशिप लगाने के लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी भी हो सकती है, कोई लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है, या फिर कोई बहुत ही पावरफुल प्राइवेट ग्रुप भी हो सकता है। तो अभी करंट जो एक्ट है उसमें क्या कुछ चेंजेस प्रपोज किए गए हैं? जो हमारा 1952 का एक्ट है ना, उसमें CBFC का बेसिकली जो भी मूवी वगैरह होती है ना उसमें एक प्रायर एग्जामिनेशन होता है, उसी को हम सेंसर बोर्ड बोलते हैं। उसका काम क्या होता है? वो सर्टिफिकेट देगा कैटेगरीज वाइज, है ना, अनरेस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन है, या फिर ये आप लोगों ने देखा होगा ना वो UA करके सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो काम होता है सेंसर बोर्ड का। ठीक है, तो समय के साथ बदलाव आ रहा है इसलिए उन्होंने कुछ चेंजेस किए थे। प्रोविजन क्या है कैटेगराइजेशन की अगर हम बात करें तो प्रपोज चेंजेस है, ध्यान रखना ये चेंजेस अभी हुए नहीं है, ये प्रपोज किया जा रहा है कि ऐसा हम करना चाहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो कैटेगरीज हैं फिल्म्स की, उन्होंने उनको सेक्शन 4 क्लोज 1 के अंडर, तो उन्होंने कैटेगरीज में जो एग्जिस्टिंग कैटेगरीज थी वो थी U and UA, यानी कि अनरिस्ट्रिक्टेड, और इसमें पेरेंटल गाइडेंस चाहिए होती है फॉर चिल्ड्रन अंडर 12। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 कैटेगरीज की बात की है। ठीक है, 7+ की, 13+ की और 16+ की, उन्होंने ये बात की है। फिर वैलिडिटी, सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी कब तक रहेगी, पहले क्या होता था कि वैलिडिटी थी सिर्फ 10 साल के लिए, अब उन्होंने कहा कि इसको लॉन्गेस्ट, इसको लास्टिंग फॉरएवर कर दो, हमेशा के लिए हो जाना चाहिए। इसके अलावा रिविजनल पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन 6(1) क्लोज 1 जो है, जिसको हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था, उसको अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि इसको री एग्जामिन किया जाए, है ना। तो इसमें होता क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है ना, रिविजनल पावर्स होती है उनके पास, बेसिकली अपील करने की जो पावर्स होती हैं कि किस तरीके से गाइडेंस देना है, सर्टिफाई करना है फिल्म्स को, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करने की बात की जा रही है। फिल्म पायरेसी को लेकर, फिल्म पायरेसी आप सब समझते होंगे, जैसे कोई ओरिजिनल मूवी आती है, मान लीजिए नेटफ्लिक्स पर कोई मूवी आई है, कोई लोग उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसको ऑनलाइन वेबसाइट्स पर सेल कर रहे हैं, पायरेसी होता है। तो फिल्म इंडस्ट्री के कंटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस भी ना हो, कुछ बेसिकली उन्होंने सेक्शन 66A किया है, उसमें आप अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग को प्रोहिबिट किया गया है। सेक्शन 7(1)A की बात की गई है, उसमें पेनल्टीज यानी कि सज़ा मिलेगी अगर आप इस सेक्शन 6A को वॉयलेट करते हो। तो 2016 में श्याम बेनेगल कमेटी को बनाया गया था, उन्होंने ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी कि दूसरी कंट्रीज़ में सिनेमेटोग्राफी को लेकर के क्या कुछ तरीके के प्रोविजन्स हैं उनको ध्यान में रखकर ये बात की थी। तो उन्होंने कहा था कि जो राइट्स होने चाहिए ना वो सारे के सारे ओनर के होने चाहिए, बेसिकली जो CBFCs हैं उनको सिर्फ सर्टिफिकेशन देना चाहिए। आप लोगों को ध्यान होगा, आई थिंक उनका नाम क्या था, पहलाज नीलानी नाम था शायद उनका, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। पहले हो क्या रहा था कि वो लोग कोई भी मूवीज़ आ रही थी ना उन पर सेंसर बोर्ड क्या कर रहा था कि
चेंजेस रिकमेंड कर रहा था, ये चीज़ हटा दो, वो चीज़ हटा दो, फलाना कर दो, उसको लेकर के गवर्नमेंट ने फिर एक कमेटी बनाई, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री से बहुत सारा अप्रोर था। स्पेशली जब ये मूवी आई थी ना, ये गैंग्स ऑफ वासेपुर वाली, उसमें बहुत सारे एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। कुछ मूवीज़ आई थी उसमें सेक्सुअल कंटेंट को बहुत हाई तरीके से शो किया गया था, तो पब्लिक का आउटरेज था कि ये चीज़ें जो है हमारे इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करती, इनको बंद किया जाना चाहिए। तो बॉलीवुड की तरफ से ये डिमांड थी कि सेंसर बोर्ड का काम किसी भी कंटेंट को रिमूव करना या ऐड करना नहीं होता, सेंसर बोर्ड का काम है कि जैसा कंटेंट है उसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट दे देना उसको। दोनों बातों में फ़र्क है। तो इसी को लेकर फिर गवर्नमेंट, बहुत सारा समय तक की बातें चल रही थी सेंसर बोर्ड को लेकर, हर मूवी में सेंसर बोर्ड जो है कंटेंट को कट कर रहे हैं। तो इसलिए एक श्याम बेनेगल कमेटी थी, उन्होंने कहा था कि कंप्लीट राइट्स जो है वो ऑनर के होने चाहिए, CBFCs को सिर्फ सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है, कोई मॉडिफिकेशन या सजेशन देने की ज़रूरत नहीं है ना, उनको अपनी डिसाइडिंग कैटेगरी को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ें जैसे कि आप कैटेगरी जो बता दोगे ना, UA वाली, 7+ वगैरह वाली, ये सब है, तो वो एक इन्फॉर्म्ड व्यूइंग डिसीजन होगा, यानी कि जो यूज़र होगा वो उसकी एक उसको इन्फॉर्म कर देंगे भाई ये हमारे डिस्क्रिप्शंस हैं, आपको इसे कैसे फॉलो करना है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। और जो एप्लीकेशन लगाने वाला होगा उसको स्टेट करना होगा खुद पहले, तो जैसे मान लीजिए कोई मूवी वाला है, कोई मूवी का डायरेक्टर, जैसे कि सुभाष गई है कोई, ठीक है, मूवी के डायरेक्टर, मुझे इनका नाम क्यों आता है एकदम से, आई डोंट नो, भाई वो अपनी मूवी लेके जाएं सेंसर बोर्ड के पास कि मेरी ये मूवी है, तो पहले खुद वो अपनी तरफ से कैटेगरी बना के लेके जाएं कि मैं इस मूवी को इस कैटेगरी में रखना चाहता हूं। अगर सेंसर बोर्ड सेटिस्फाई हो जाता तो उसको उसी कैटेगरी में रखेंगे, अगर सेंसर बोर्ड को लगता है कि नहीं इस कैटेगरी को चेंज करने की ज़रूरत है तो वो चेंज करेंगे। अभी जो अमेंडमेंट किया जा रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होंगी, है ना। सबसे पहला तो है कि गवर्नमेंट के पास जो रिविजनल पावर्स होंगी ना सेंट्रल गवर्नमेंट पास, उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। रिविजनल पावर जनरली अपील करने की पावर होती है, वो कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमको इतना बड़ा प्रोसीजर क्यों दिया जा रहा है, ये सारे के सारे जो फिल्म फ्रेटर्निटी वाले हैं ना उनकी है। फिर ऑब्वियसली बात है तो कि जो नए प्रोविजंस हैं जिनको रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा कैटेगरीज वगैरह को, है ना, उसमें कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर लिमिटेशन होगी, ठीक है। अब जब सेंसरशिप बढ़ जाएगी, ठीक है, जब रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाएगा, प्रोहिबिशन बढ़ जाएगा, तो उनकी जो क्रिएटिविटी होती है उसके ऊपर कहीं ना कहीं रुकावट पड़ेगी ही, और क्रिएटिविटी पर रुकावट पड़ेगी तो उसका इकोनॉमिक लॉस भी होने वाला ही है, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि जो भी प्रपोज चेंजेस हैं ना, ये सारे के सारे जो रिकमेंडेशन थी मुदगल कमेटी की, श्याम बेनेगल कमेटी की, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। अगर आप देखो तो हम लोगों ने जो इसमें रिकमेंडेशन की बात की थी, श्याम बेनेगल कमेटी ने क्या कुछ रिकमेंड किया था, प्लस में इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या प्रपोज किया था, हर एक चीज़ आपस में सिंक्रोनाइज नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो प्रपोजल दिया गया है वो कमेटी के रिकमेंडेशन से भी थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा है। फिर वो कहना चाह रहे हैं कि ऑलरेडी हमारे पास कुछ प्रोविजन्स हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोविजन्स हैं, जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी कि वो सर्टिफिकेट को सस्पेंड कर दे, रिवोक कर दे, है ना, प्लस में अब उसको रिव्यू करने के लिए भी उनके पास पावर थी Section 5F में, तो उन चीज़ों का डुप्लीकेशन किया जा रहा है। तो ये जो इफेक्टिव रेगुलेशन हो, इसके लिए हम लोग कर क्या सकते हैं। सबसे पहली चीज़ थी, हम लोगों ने देखो IT एक्ट में भी कुछ पढ़ा था पहले भी, है ना, OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर के जो हमारा एक्ट आया था पहले, हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, उसमें था कि पहले तो सेल्फ रेगुलेशन खुद ही कर दो, है ना, और दोनों लेवल पर होना चाहिए, इन हाउस भी और इंडस्ट्री वाइड। इन हाउस का मतलब होता है जैसे अभी एग्जांपल था ना, सुभाष गई कोई अपनी मूवी बनाते हैं, ठीक है, या फिर जो वो है मिस्टर धवन है कोई, या फिर इम्तियाज़ अली कोई अपनी खुद की मूवी बना रहे हैं, खुद रेगुलेट करें, है ना, वो इन हाउस अपना रेगुलेशन करें, अपने प्रोडक्शन हाउस में खुद रेगुलेट करें। सेकंड होता है इंडस्ट्री वाइड, पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री की कमेटी बननी चाहिए, आपस में मिलकर बनाएं, और वो रेगुलेट करें कि हम इस तरह के कंटेंट को हम ऐसे दिखाएंगे, इसको ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। फिर कंटेंट की वार्निंग्स को, यूजेज को इंक्रीज़ कर दीजिए, यानी कि आप हर एक जो कंटेंट होगा उसके ऊपर आप कैटेगरीज दिखाओ, तो उससे क्या होगा कि यूज़र बहुत इन्फॉर्म हो जाएगा, जो व्यूअर होगा वो इन्फॉर्म हो जाएगा, वो खुद अपने आप किस तरह का कंटेंट उसे चूज़ करना है उसके पास अपना राइट होगा, वो खुद चूज़ करेगा, ठीक है। प्रोफेशनल एजुकेशन जो है वो मीडिया में थोड़े से प्रमोट करने की ज़रूरत है, ताकि एक्सटर्नल एप्लीकेशन की ज़रूरत ना पड़े। ये तो एथिक्स वाली बात है, एथिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए प्राइवेसी वगैरह को लेकर, ना, डिग्निटी को लेकर। फिर जो स्टेट की सेंसरिंग पावर है ना, उसको थोड़ा लिमिट करने की ज़रूरत है, ठीक है। इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो रेगुलेटरी बॉडीज़ को अपने आप लेने चाहिए, ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर चल रही है, कि जनरली कोई भी रेगुलेटिंग बॉडी होगी उसके ऊपर पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, लेकिन हमें उनकी इंडिपेंडेंसी मेंटेन करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। फिर ऐसे कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स लो, और जो नॉन प्यूनिटिव स्टेप्स हों जो हेट स्पीच को भी एड्रेस करें, ठीक है। डाइवर्सिटी को प्रमोट करना है तो हमें सेंसरशिप के ऊपर भी थोड़ा सा सोच समझ के कदम उठाने पड़ेंगे, कि जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी को हमें, जितनी ज़्यादा सेंसरशिप होगी उतनी ही डाइवर्सिटी कम एक्सपेंड होगी, ठीक है। कोई भी ऐसी फॉल्स स्टेटमेंट्स होती हैं, लिबेलियस स्टेटमेंट यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट्स होती हैं ना, कोई भी ऐसी इंसेंडियन यानी कि भड़कली कोई इन्फॉर्मेशन होती है, उन सबको हमें उनके ऊपर रोक लगाने की ज़रूरत है। और प्रोएक्टिव डिसीजन का अर्थ ये होता है कि कोई भी चीज़ हो, है ना, कोई भी इंसिडेंट हो, उससे होने से पहले ही हमें उस पर काम कर लेना चाहिए।
और नॉन पिनेटिव का मतलब कि यानी कि बेसिकली उसमें कुछ ऐसा कंटेंट ना हो कि आपने प्रोएक्टिव स्टेप्स लिया और फिर भी आपको उसको पनिश करने की ज़रूरत है। तो यानी कि समय से पहले तैयारी करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये था हमारा ड्राफ्ट है, अभी इसके बारे में ड्राफ्ट अमेंडमेंट का भी ड्राफ्ट है, इस पर सवाल नहीं उठेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट आपको पता होना चाहिए कि अपडेट हुआ है। टॉपिक नंबर 1.6 पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉक्स अबाउट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। प्रीलिम्स में इससे पहले 2013-18-19 में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक जॉइंट कम्युनिकेशन दिया था, बेसिकली एक स्टेटमेंट दिया सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कि ये जो एक्ट है ना 2006 वाला, इसका एक्सपेडिशियस इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। एक्सपेडिशियस का मतलब होता है फास्ट एंड एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ये बहुत पुराना एक्ट है लेकिन अभी हर जगह पर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ये एक्ट है क्या, फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब्स FDST एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर। ड्वेलर का मतलब होता है जो वहाँ पर रिजाइड करता है, जो वहाँ पर रहता है। तो फॉरेस्ट में रहने वाली जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, देखो सारे जो ट्राइब्स होते हैं ना वो सब फॉरेस्ट में नहीं रहते हैं, कुछ जो नॉर्मल पॉपुलेशन होती है लोकल पॉपुलेशन के साथ भी रहते हैं, कुछ रहते हैं जो फॉरेस्ट में भी रहते हैं। तो ये एक्ट था उन फॉरेस्ट में रहने वाले शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, प्लस में दूसरे कोई ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनके लिए। बेसिकली क्या है, उनको लैंड की ऑनरशिप दिलाने के लिए, क्योंकि वो जंगल में जहाँ रहते हैं वहाँ पर वो कुछ लैंड के ऊपर अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, लेकिन उसमें एक लिमिट है कि मैक्सिमम 4 हेक्टेयर्स तक का लैंड राइट ही उनको मिलेगा, उनको कोई नया लैंड नहीं दिया जाएगा, सिर्फ वही लैंड जिसको वो पहले से कल्टीवेट कर रहे थे उसके राइट्स, उसके हक उनको दिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस MFP, जैसे कि टिम्बर लकड़ी हो गया, वो बैम्बू वगैरह हो गया है ना, ट्रीज से ग्लू निकलता है वो हो गया, उनके लीव्स हो गए, तेंदू लीव्स टाइप की चीज़ें, ये फॉरेस्ट का माइनर प्रोड्यूस होता है, इनको ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फिशिंग कर सकते हैं ताकि इनका इकोनॉमिक लाइवलीहुड मेंटेन रहे। इन सब की रिगार्डिंग ये एक्ट है। प्लस में अगर कोई प्रोजेक्ट होता है वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए, तो और इनको उस एरिया से रिहैबिलिटेट करना होता है, रीसेटलमेंट करना होता है, तो इनका राइट्स क्या होता है, उन सब की रिगार्डिंग ये एक्ट बनाया हुआ है। तो इनको कंपेंसेट, एक एक्ट ये भी आप ध्यान रखना, 2013 का एक एक्ट है राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, यानी कि अगर इनसे कोई ज़मीन ली जाएगी वो ट्रांसपेरेंट मैनर में ली जाए, इनको रिहैबिलिटेट किया जाए और इनको कंपेंसेशन, इनको प्रॉपर मुआवजा दिया जाना चाहिए उस चीज़ के लिए। इसके अलावा कम्युनिटी के द्वारा फॉरेस्ट के रिसोर्स को मैनेज करना, प्रोटेक्ट करने के राइट्स भी होते हैं। प्लस में बहुत सारी ऐसी फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ होती हैं जिनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के और ट्रेडिशनल नॉलेज के राइट्स भी होते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस को फॉरेस्ट वगैरह में इनिशिएट करने के लिए वहाँ की जो नियर बाय ग्राम सभा होती है, नियर बाय से मेरा मतलब बेसिकली उन्हीं की जो ग्राम सभा होती है वो इस प्रोसेस को इनिशिएट करेगी इनके राइट्स को लेकर। जेनेसिस की बात करें तो यानी कि शुरुआत इस एक्ट की कहाँ से होती है, देखो हमारे पास सबसे पहले जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था वो 1927 में आया था ब्रिटिशर्स के टाइम में, क्योंकि वो अपनी इकोनॉमिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो फॉरेस्ट था उसके लैंड का एविक्शन करते थे। इसके बाद हम लोगों ने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में फॉरेस्ट और फॉरेस्ट में रहने वाली कम्युनिटीज़ के रिलेशनशिप को बेसिकली रिकॉग्नाइज किया था। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं, जैसे कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स, बेसिकली जो भी फॉरेस्ट लैंड होता है ना उनके ट्रेडिशनल या कस्टमरी बाउंड्रीज़ के, इनको ना एक एक लाइन टू लाइन पढ़ लेना, ये डेफिनेशंस है ना, बहुत सारे प्रीलिम्स के पॉइंट्स जो होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, और ये टॉपिक आपको पता है कि प्रीलिम्स में पहले कई बार पूछा भी गया है। तो कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ भी होते हैं, जैसे सेंचुरीज़ हो गए, नेशनल पार्क्स वगैरह हो गए है ना, ये सब कम्युनिटी के फॉरेस्ट रिसोर्स में आते हैं, यानी कि वो एरिया जहाँ पर वो पूरी कम्युनिटी उसके रिसोर्स को यूज़ करती है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मैंने आपको बता दिया था, केन, टुसर, कोकोन, हनी, वैक्स, तेंदू, केंदू पत्ते, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सब वो यूज़ करते हैं। फिर फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब, वो रहने वाले जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं वहाँ पर कम्युनिटीज़, अदर ट्रेडिशनल, इनके अलावा उनकी कंडीशन क्या थी कि उन कोई दूसरी जो होगी ना 13 दिसंबर 2005 से पहले उनकी 3 जनरेशन्स उस जगह पर रह रही हो, उन्हें OTFD में काउंट किया जाएगा। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, यानी कि आपको नेशनल पार्क पता है, सेंचुरीज पता है, तो इनको वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, ताकि इसमें किसी भी तरीके का ऐसा डेवलपमेंटल प्रोसेस ना हो जो हमारी एनवायरनमेंट को हार्म करेगा। और उसके अंदर भी इन जो प्रोविजंस हैं वो इस तरीके से कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट वहाँ पर जो लोकली अपॉइंटेड एक्सपर्ट्स होते हैं उनके साथ कंसल्ट करने के बाद ही उनको एक हैबिटेट में या फिर एक नेशनल पार्क में नोटिफाई करेंगे। फॉरेस्ट के विलेजेस भी होते हैं उन्हीं प्रोसेस के अंदर, तो वो हम इनकी हेल्प भी करते हैं इनके रिजर्वेशन प्रोसेस में।
अब इस एक्ट के इफेक्ट, इसको इम्प्लीमेंट करने में इफेक्टिव वो इश्यूज़ क्या हैं? पहले तो पॉलिटिकल विल बहुत कम है, राजनीतिक पहल नहीं हो पाती है, क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रॉब्लम होता है। अभी कोई बिजनेस वाला आएगा, वो गवर्नमेंट के पास आके बोलेगा मुझे बिजनेस करना है, मुझे इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट का इतना लैंड चाहिए। गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं, क्या कहते हैं, ये तो हमारा कंजर्वेशन ज़रूरत है, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने की ज़रूरत है, फॉरेस्ट के एरिया में आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। बिजनेसमैन क्या बोलेगा, मैं आपकी पार्टी को फंड दूंगा, आप ये लैंड पास करा दो। तो कहीं ना कहीं उनको अपने कमर्शियल गेन्स देखने होते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी देखना होता है। सिस्टमेटिक इश्यूज हैं, है ना, ये जो बहुत सारे स्टेट के लॉज हैं वो चेंज होते रहते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेकर, तो ट्राइबल में रिवेन्यू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। बहुत सारे ऐसे लॉज होते हैं जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी करते हैं। फिर कम्युनिटी के जो फॉरेस्ट रिसोर्स राइट हैं, इनमें रिकॉग्निशन की बहुत सारी कमी है। अराउंड 200 मिलियन फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा काउंट है, 200 मिलियन के आसपास हमारे पास फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, वो 1,77,000 के आसपास विलेजेस में रहते हैं। इंडिया में आई थिंक अराउंड 6.5 लाख, कुछ ऐसा एवरेज एक रफ आइडिया है, 6.5 लाख के आसपास टोटल विलेजेस हैं। आप एग्जैक्ट काउंट कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो उसमें से अराउंड 1.7 लाख विलेजेस ऐसे होते हैं जिनको फॉरेस्ट राइट से बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन अभी तक सिर्फ 3-5% कम्युनिटीज़ को ही बेनिफिट मिला है। फिर इम्प्लीमेंटेशन में बैरियर्स तो आएंगे, इनके बहुत सारे क्लेम ऐसे होते हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, बहुत सारे क्लेम्स हैं जो अभी तक पेंडिंग चल रहे होते हैं। उसके बाद सिंस ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, वहाँ पर इतना एजुकेशन नहीं है, वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट नहीं है, तो इनको अपने राइट्स के रिगार्डिंग इनकी अवेयरनेस ही नहीं, इनको पता ही नहीं है। और बहुत सारी ऐसी ग्राम सभा होती हैं उनमें इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी नहीं है कि अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो फुलफ़िल कर सके। तो और क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ट्राइब और ट्राइबल एरिया के इंप्रूवमेंट के लिए? एक वन धन योजना है, वन यानी कि फॉरेस्ट, धन यानी कि जो मनी होता है। तो जो ट्राइबल गैदरर्स वगैरह होते हैं, आर्टिजन्स होते हैं, उनकी लाइवलीहुड को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस सेंट्रिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट निकाला था। फिर बहुत सारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी दिया गया था। MSP का फ़ायदा क्या होता है, गवर्नमेंट एक लिमिट सेट कर देती है। मान लीजिए आपके बैम्बू था, जो बांस होता है बैम्बू, गवर्नमेंट मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहा कि इसका जो एक स्टिक होगा, यानी कि मान लो 100 kg का, गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि 2,000 rupees होंगे, ये MSP है। तो यानी कि कोई भी इसको 2,000 से कम में तो नहीं बेच सकता, तो उससे इनका इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। फिर ये जो पीसा एक्ट होगा, आपको पता होगा 1986 का पीसा एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पंचायत का एक्सटेंशन होता है शेड्यूल्ड एरियाज़ में, तो यानी कि उनको मैंडेटरी कंसल्टेशन करना पड़ता है अगर लैंड को एक्वायर करना है, रीसेटल करना है, रिहेबिलिटेट करना है। तो फिर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स भी, अब एकलव्य कौन था ये आपको महाभारत में पता होना चाहिए, द्रोणाचार्य एकलव्य अर्जुन की कहानी। तो एकलव्य को लेकर के, यानी कि वो भी ट्राइब से बिलोंग करता था, इसलिए हम लोगों ने एक मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए ताकि क्वालिटी एजुकेशन मिल सके शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को। अब एक्ट के बारे में तो देख लिया, वे हेड क्या हो सकता है? देखो, हमें सिर्फ ये चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं कि ये वहाँ के रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटीज़ को वेलफेयर के लिए एक्ट बनाया गया है, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए भी ये एक्ट है। और कहीं ना कहीं हमारी जो ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए उन एजेंसीज की, वो प्रॉपर होनी चाहिए। हमारे पास पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरियाज़ के मैप और डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि उनके ऊपर जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ वो हम डिटेल में बनाएंगे, और कोई क्लेम लगाए तो उसका वेरिफिकेशन ईजी हो जाए। कम्युनिटीज़ को आपस में मिलकर रहने की ज़रूरत है, उनके एक बहुत ही कॉन्शियस और इन्फॉर्म्ड कलेक्टिव एक्शंस होने चाहिए। हमको ज़रूरत है कि हम बाकी NGO साइंटिस्ट वगैरह का, एक्सटर्नल एजेंसीज की हेल्प लें ताकि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। इन्फॉर्मेशन कैंपेन बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत है ट्राइबल में, और बाकी बहुत सारे इवन ऑफिशियल्स जो होते हैं उनको हर चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है। मनरेगा को हम लोग एक ट्विन बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। पहली बात तो मनरेगा को अगर हम वहाँ इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेट सी बात है वहाँ पे जो 100 days का जो आपको एक अनस्किल्ड वर्क मिलता है काम करने का, गारंटी मिलती है, तो उसमें आपको आपका लाइवलीहुड मेंटेन होगा, इकोनॉमिक मेंटेनेंस होगा। सेकंड चीज़, आप उनको मनरेगा वाले जो वर्कर्स होते हैं आप उनको फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, तो दोनों काम हो जाएंगे, इनकम भी और कंजर्वेशन भी। हमको दूसरे जो स्टेट्स हैं उन सब के एक्सपीरियंस से सीखने की ज़रूरत है। जैसे एग्जांपल, अभी एग्जांपल मैंने हाईलाइट किया, आपको याद रख लेना। तो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर उन्होंने कुछ कलेक्टिव एक्शन लिया था ग्रास रूट लेवल पर, और जिसके कारण बहुत सारी मास मूवमेंट चली थी, सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स बनाए गए थे। ये चीज़ हम लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट में दूसरे स्टेट्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये फॉरेस्ट राइट के बारे में था, बेसिक चीज़ें हैं, प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जेनेसिस याद करना ज़रूरी नहीं है। इस एक्ट में किस किस को राइट्स दिए जाते हैं, ये डेफिनेशन वाला पार्ट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये डेफिनेशन से आप प्रीलिम्स में ऑप्शंस का एलिमिनेट कर सकते हो, और बाकी इसमें इश्यूज क्या हैं, कितना क्या कुछ चल रहा है, ये तो आपके मेंस का कंटेंट है। ऑल इन वन UPSC हैंडी बुकलेट में आपको क्या कुछ कंटेंट मिलेगा, मैं इसका थोड़ा सा सैंपल आपको दिखा।
एक आइडिया दे देता हूँ, 400 से ज़्यादा आपको मेंस के क्वेश्चनर मिलेंगे। ये जो माइंड मैप्स है ना, ये 300 प्लस नहीं है, एक्चुअली 450 प्लस हो चुका है। आपको 450 से ज़्यादा माइंड मैप्स मिलेंगे प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। मैं एक बार दिखा दूंगा अभी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी। 200 के लिए कोर्ट्स वगैरह हैं, हिंदू कैटेगोरियल के लिंक्स वगैरह हैं, सब एक साथ एक प्लेस पर, मोर देन वन ईयर के, ये पास्ट वन ईयर से भी ज़्यादा का कंटेंट है। आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर, टॉपर्स का रेटा, सेवन शेड्यूल वगैरह, फिर उसमें फिर फ्री कंटेंट भी है, आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स वगैरह हैं, ये सब मैं दिखा दूंगा आपको। और बाकी मेंस के क्वेश्चन पेपर हैं, टॉपिक वाइज भी हैं और ईयर वाइज भी, दोनों तरीके से आपको जैसे भी यूज़ करना हो। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स वगैरह, मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसी बहुत सारी फ्री चीज़ें हैं। इसके अलावा रिपीटेशन पाइपलाइन, रिविजन पाइपलाइन, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको एक एक करके कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, ऐसे माइंड में बताता हूँ मैं आपको। तो जनरली जो ऐसे राज्यसभा टेलीविजन का जो मेजर मेजर जो डिबेट्स होती हैं, उनमें से वो कंटेंट, जो टॉपिक यूज़ किए जाते हैं, फिर वो मोस्टली जो इंस्टीट्यूट की मैगजीन्स होती हैं वो भी उन टॉपिक्स को कवर करते हैं। और जो सबसे हॉट टॉपिक्स रहते हैं न्यूज़ में, उनके माइंड मैप्स हैं। आपके सामने नीचे काउंट भी दिखाई दे रहा होगा, काउंट को अगर आप करोगे तो ये अप्रैल के बाद मे भी हो चुका है इसमें ऐड, और जून मंथ का भी ऐड हो चुका है। तो एक्चुअली 500 से ऊपर क्रॉस कर चुका है, मैंने आपको वहाँ 450 बताया था, बट अगर आपके सामने आप इसे काउंट करोगे तो ये मोर देन 500 है। तो थोड़ा सा एस्टिमेट दे देता हूँ, रफ आईडिया देता हूँ। जैसे सितंबर में मान लो नमामि गंगे का मिशन है, तो अबाउट है, स्टेटस है उसका, इंप्लीमेंटेशन, उसमें इशूज़ क्या होते हैं, वे फॉरवर्ड हो गया, कोई और रैंडम उठा लो, वैक्सीन हेजिटेंसी को लेकर क्या क्या चाहिए, वैक्सीन हेजिटेंसी के इंडिया में क्या स्टेटस है, की फाइंडिंग्स क्या हैं सर्वे के, काकतिया डायनेस्टी को लेकर उसका आर्किटेक्चर क्या था, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या थी, ऐसी कोई भी चीज़, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को लेकर इंडिया में क्या स्टेटस है, गाइडलाइंस क्या है, इनिशिएटिव क्या है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, और एपिडेमिक्स डिजीज़ एक्ट को लेकर के की फीचर्स क्या, अमेंडमेंट्स क्या कुछ हुए थे उसमें, बैंकिंग रेगुलेशन को देख लें तो न्यूज़ में क्यों था, की फीचर्स क्या हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। बिमस्टेक का हो गया, जैसे इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, बिमस्टेक क्या होता है, चैलेंजेस क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो ऐसे बहुत सारे होंगे। मैं आपको दिखाऊँ रैंडमली, तो मान लो सोलर रूफ सिस्टम हो गया, उसमें क्या कुछ होता है, ग्रिड कनेक्शन सिस्टम, स्टेप्स वगैरह क्या चाहिए होते हैं, साउथ एशियन एनर्जी सिक्योरिटी हो गया, बिल्स हो गया, ई वेस्ट हो गया, ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी हो गया, केव पेंटिंग्स हो गया, बोर्ड ऑफ पीस अकॉर्ड है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एंटार्क्टिक का ओजोन होल हो गया, हर तरह के सब्जेक्ट के जीएस 1 2 3 4 5 6 सारे। एक्स्ट्रा माइंड मैप्स में दिखाऊं तो आधार के ऊपर रिपोर्ट है, और एग्रीकल्चर क्रेडिट को देख लो, एंशियंट इंडिया में कौन से पोर्ट्स थे, ये सब आपके काम के होते हैं, सब स्टैटिक डायनामिक सब मिक्स होता है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में याद करना हो माइंड मैप से, बायलेटरल नेटिंग क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, विपिन चंद्रपाल के बारे में आपको पढ़ना होगा, कार्नेटिक म्यूज़िक में क्या कुछ था, इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह के बारे में क्विकली याद करना हो माइंड मैप से, एम्पावर्ड ग्रुप सेल्स क्या होते हैं, एम्प्लॉयमेंट का डेटा कितना सारा है ना, जो GS3 में काम आता है आपके, इसके अलावा फोक म्यूज़िक को देख लो, स्टैटिस्टिक में, स्टैटिक में हो गया हिस्ट्री वगैरह, गांधार स्कूल हो गया, गगनयान, साइंस एंड टेक, फॉरेन ट्रेवलर्स कौन से आए थे इंडिया में, अब ये देखो सामने आपके इंडिया अफगानिस्तान हो गया, उसके बाद इंडिया भूटान हो गया, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया मालदीव्स, इंडिया म्यांमार, इंडिया नेपाल, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, बहुत सारे हैं। ये देखो पूरा का पूरा इंडिया के जो पास्ट के रिसेशंस थे, 4-5 जो भी रिसेशंस रहे हैं, एम्ब्रॉयडरीज वगैरह को लेकर के बहुत सारे माइंड मैप्स हैं, इतने ज़्यादा कि ओशन डीऑक्सीजनेशन क्या होता है, पोल्ट्री को लेकर पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की सारी डिटेल, सीर इंडस्ट्री हो गया, सी लेवल राइज, मल्टीपल टाइप के टॉपिक्स हैं, वॉर कौन से ब्रिटिशर्स के साथ, तो हर टॉपिक्स हैं, GS 1 2 3 4 के क्या क्या फंक्शंस होते हैं पॉलिटी को लेकर के है, उसके अलावा फसल बीमा योजना हो गया, बहुत सारी योजनाएं भी हैं जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, नेशनल पार्क्स के क्या क्या स्टेटस होता है, ऐसे ही नीचे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी मिलेगा W में, ये देखो रॉलेट एक्ट के बारे में, तो मिक्स में है कुछ चीज़ें, कुछ मंथ वाइज करंट अफेयर्स में भी हैं, जो भी जनरली राज्यसभा टेलीविजन हो गया, PIB हो गया आपका, और उसके अलावा PRS हो गया, गवर्नमेंट में कोई भी मेजर न्यूज़ आती है, हिंदू में आती है, इंडियन एक्सप्रेस में आती है, वो चीज़ें यहाँ पर है। तो ये माइंड मैप्स मैंने आपको दिखा दिए, एक सैम्पल मैं आपको निमोनिक्स का दिखा देता हूँ। निमोनिक्स आपको क्या हेल्प करते हैं कि चीज़ें जल्दी से याद करने में हेल्प करते हैं, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट्स, कीवर्ड्स, रेट्स हो गया, शेड्यूल्स हो गए, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिवर डैम प्रोजेक्ट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थर्मल पावर प्लांट, इन सब के निमोनिक्स हैं यहाँ पर, रैंडम भी हैं बहुत सारे। मान लो जो कंट्रीज है, रेड सी कंट्रीज, ब्लैक सी कंट्रीज, 5th 5-year plan, मेजर बैटल्स, मेन बायोम्स, लेयर ऑफ एटमॉस्फियर, तो ये सब निमोनिक्स हैं यहाँ पर, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, हर एक का तरीका पूरा पूरा एक्सप्लेन किया हुआ। और अगर जैसे ये देखना चाहो तो मान लो साम रिसाइड्स पोलैंड करके है, स्पीच असेंबली एसोसिएशन, बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें होंगी मिलेंगी, आर्टिकल में याद करना, फंडामेंटल राइट्स में, सेशंस पार्लियामेंट के, तो BMW से होता है, बजट, मानसून, विंटर,
उसके बाद शेड्यूल को याद करने के लिए टीयर्स ऑफ ऑल्ड पीएम हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारे तो एक बार दिखा भी नहीं सकता। कुछ में क्विक नोट्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताने के लिए, जैसे यूएसए के लिए क्या कुछ हम लोगों ने वहाँ से लिया था सोर्स में, यूके से क्या कुछ लिया था, एंड मल्टीपल तरह की इन्फॉर्मेशन। 400 से ज़्यादा कीवर्ड्स हैं आंसर राइटिंग के। अब आपके सामने अगर मैं आपको दिखाऊं, तो मान लीजिए लैब टू लैंड करके हमको यूज़ करना होता है, एफॉरेस्टेशन, स्टैंडर्ड फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस हो गया, इसके अलावा जैसे गुड गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस हो गया, स्ट्रिंग 3S फॉर इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के लिए क्या होता है, स्पीड, सिंप्लिटी, सिंप्लिसिटी, सर्विस, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, मैंने बहुत जगह पर बताया भी हुआ इनके बारे में। स्वच्छ भारत भी चाहिए, स्वस्थ भारत भी चाहिए, सुंदर भारत भी चाहिए, सिर्फ स्वच्छ भारत से बात नहीं बनेगी। EPI का मतलब एवरी पर्सन इज़ इम्पॉर्टेंट, ये नया VIP होता है। तो ऐसे करके 400 से ज़्यादा कीवर्ड्स हैं आपके लिए। 5F का मतलब होता है फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल, फाइन केमिकल्स, मोर देन 400 ही आपके मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। फिर मेंस के क्वेश्चनर भी हैं, काइंड ऑफ ए टेस्ट सीरीज़ है आपकी मेंस की, ये सारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच करके कि क्या लैंग्वेज यूज़ करता है UPSC, और इसमें सारे कीवर्ड्स के जो टर्मिनोलॉजी साथ साथ इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके साथ इसकी आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट भी है, जब आप अपनी आंसर राइटिंग करोगे तो यहाँ पर आपके पास चेकलिस्ट भी मिल जाती है आपको, कि अगर आपको कुछ भी चेक करना हो, कितने मार्क्स का आपने सॉल्व किया, डेली आप अपना इसमें मेंशन कर सकते हो, आपने पैरा स्पेसिंग किया, डायग्राम साफ थे, लेबल थे या नहीं थे, फैक्ट यूज़ किए, डेफिनेशन यूज़ की, कौन सेकंड शेड्यूल, सेवन शेड्यूल से कुछ यूज़ किया, मैप बनाए नहीं बनाए, बुलेट पॉइंट थे, ये अपना खुद आप बना सकते हैं डेली, और अपने आप का परफॉर्मेंस दे सकते हो, आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाए, अपने आप को मार्क्स दे सकते हो। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मेंशन किया क्या कंक्लूजन में, है ना, बॉडी में कोई पॉइंट तो रिपीट नहीं किया, ये आप खुद कर सकते हो, तो आपको एक अच्छा सा कंटेंट मिल जाएगा यहाँ पर बना बनाया। इसके अलावा हिंदू के जो एडिटोरियल के लिंक्स हैं, ये तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आपका न्यूज़पेपर का कोई अल्टरनेट है, बेसिकली आपके पास ऑलमोस्ट एक ईयर का कंटेंट एक इंडेक्स फॉर्म में मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंने तीन कैटेगरी इंपॉर्टेंट रख दी है, एनवायरनमेंट और साइंस में अगर कोई न्यूज़ में था तो आपको क्या होगा कि बहुत जल्दी ली, आप एक मंथ का एक देखो सामने, जैसे ये जनवरी का है 2020 का, ठीक है, ये आपको हर 10-15 दिन में अपडेटेड कंटेंट मिलता रहेगा। तो मान लो आपके सामने एनवायरनमेंट और साइंस है, अब आपको दिख रहा है कि एक NGT की न्यूज़ थी, साइंस में 2 गगनयान की थी, ये आपका 1 जनवरी डन, आप देख सकते हो कि आपको NGT के इस वाले टॉपिक के बारे में पता है, ठीक है, आपको ये रीड नहीं करना, आपको ये टॉपिक नहीं पता था 2, मान लो साइंस एंड टेक वाले, आपको इन 2 टॉपिक को यहीं पर क्लिक करके पढ़ सकते हो। तो ऐसे कम आधे घंटे के अंदर मैं पूरा एक मंथ कंप्लीट कर सकता हूँ, स्पेशली साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट का। एडिटोरियल में क्या होगा, सारे नहीं पढ़ने आपको मोस्टली, तो अगर आप न्यूज़पेपर डेली फॉलो कर रहे हो और आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो आपको मालूम होगा, बट देखो चेक करो, मान लो रोड टू रेडिकलाइजेशन आपको नहीं मालूम, तो ठीक है इस टॉपिक को मैंने क्लिक करके पढ़ लिया, सारे नहीं पढ़ने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये है कि आपकी जो मिस हो गया था वो पढ़ लेना। साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट की भी चेक करो, ये तो मेरे सिलेबस में हो चुका है, ये मंथली मैगजीन में हो गया, ये बुक से पढ़ ली, ये टॉपिक रह गया मेरा, ये मैंने जैसे विशाखापट्टनम का जूलॉजिकल पार्क जो था उसमें एनिमल्स को अडॉप्ट करने की बात की जा रही है, अब आपने मान लो कहीं नहीं पढ़ा हो तो आप इस लिंक को ओपन करके पढ़ सकते हो। तो ये मोर देन 1 ईयर का है आपके पास, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2020 से लेकर, और जब भी आप इसको डाउनलोड करोगे तब उसके आसपास मिल जाएगा, और आपको इसका अपडेट भी मिलता रहेगा। डेली प्रोग्रेस ट्रैकर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है, इसमें क्या होगा, आपके सामने टास्क है, आपको क्या करना है उसमें लिख लो। मान लीजिए टास्क आपके पास पॉलिटी का था, मैं एक रफ एस्टिमेट एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी जब आप डाउनलोड करोगे बुकलेट को तो इसमें आपको एक सैम्पल वीडियो मिलेगी कि कैसे इसको यूज़ करना है। फिर व्हाट टू डू में मान लो पॉलिटी में आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, तो टारगेट अपन लिख लो 1 वीक लिख लो, जैसे ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। अब टोटल अपने मार्क्स रखो 10, तो डे 1 में आपने कितना काम किया, मान लीजिए आपने पूरा कर लिया तो खुद को आप 10 दे सकते हो, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई काम था ऐसे ही हिस्ट्री का, तो आपने काम हिस्ट्री वाला आधा किया तो अपने आपको 5 दे लो, तो उससे क्या होगा आपकी डेली डे वाइज परसेंटेज यहाँ पर सेट होती चली जाएगी, उससे आपका एक ग्राफ यहाँ पर ऐसे बनता चला जाएगा, और ये वाले भी ग्राफ आपको ऐसे, ये 2 तरह के ग्राफ आपको मिलेंगे, आपको 5 दिन का एवरेज भी मिल जाएगा, ये 5 डेज़ को आप एक्सटेंड भी कर सकते हो चाहो तो अपने अकॉर्डिंगली, और ये वाला जो डेटा है इसमें नीचे भी आप अपनी लाइन्स एडिशनली अपने आप एडिट कर सकते हो, ये आपको एडिटेबल फाइल मिलेगी। अब नीचे मैंने सैंपल दिखाया है, AB टास्क था सीधा, इसमें स्टडी करना था, इसमें रिवाइज, इसमें नोट्स, एक वीक, मान लो आपको इसमें पहले दिन इतना था, दूसरे दिन इतना था, तो इस तरह से नीचे आपका डेली का परसेंटेज आ जाएगा, आपको पता रहेगा कि आपने 100% में से खुद को कितना परफॉर्मेंस दिया है, आपका वीक 5 डेज़ का एवरेज भी बनेगा। तो अभी मान लो 5 दिन में आपने ये काम किए, ये मिस कर दिए, तो 5 दिन में आपका सिर्फ 17% आपने परफॉर्मेंस दिए, और आपका ऐसे ग्राफ नीचे की तरफ आइडिया लगा रहेगा कि ठीक है 4-5 दिन में मेरा फुल परफॉर्मेंस था, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस पहले दिन ठीक थी, फिर दूसरे दिन कम हो गई, फिर तीसरे दिन फिर बढ़ गई है। तो ये अपने आप को ट्रैक करने के लिए बहुत यूज़फुल होता है, स्पेशली जब बहुत ज़्यादा डेटा होता है हमारे पास पढ़ने का, तो ये ट्रैकर्स बहुत काम आते हैं।
आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट में आपको दिखाई चुका हूँ। रेपिटेशन पाइपलाइन, यहाँ पे मैं एक हल्का सा आइडिया दे दूंगा, बाकी जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको इसका एक डेमो वीडियो मिल जाएगा कैसे यूज़ करना है। इसमें है क्या, डे वाइज है। आपके पास जब रिवीजन का टाइम होता है ना तो बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज कर जाती हैं, कौन सी चीज़ कितनी बार रिवाइज करूँ ना करूँ। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एक ये रेपिटेशन की पाइपलाइन दे दी है। आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको बस कंट्रोल एफ से ये टॉपिक ए को फाइंड करके रिप्लेस करना है अपने टॉपिक से। यानी कि मान लो टॉपिक ए को आप रिप्लेस कर दोगे अगर पॉलिटी से, तो जहाँ जहाँ टॉपिक ए है वहाँ पर पॉलिटी रिप्लेस हो जाएगा। तो यानी कि सेकंड डे जब आप उठोगे तो अपनी शीट को चेक करो, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्लीप के बाद मॉर्निंग में आपको टॉपिक ए रिवाइज करना था, ठीक है। फिर दोपहर में आपको टॉपिक बी करना था, टॉपिक अभी आपको रिप्लेस करना होगा कंट्रोल एफ से, ठीक है। तो आप कंट्रोल एफ से रिप्लेस कर दो, जहाँ जहाँ टॉपिक बी होगा वो ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएगा। तो फोर्थ डे भी आप देखोगे कि आपको टॉपिक सी नया पढ़ना है और टॉपिक ए आपको रिवाइज़ करना था, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक मैंने पहले दो दिन रिवाइज़ किया था, मुझे थर्ड डे फिर रिवाइज़ करना है। इसका डिटेल में एक जो सैंपल होगा वो आप डाउनलोड करने पे देखोगे, आपको वीडियो साथ में मिल जाएगी। फिर ये टॉपर्स का डेटा होता है, इसमें मैंने बहुत सारे कंटेंट दे दिए हैं, बहुत सारे ग्राफ बना के दिए हैं, ये आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं नीचे, इसमें इंडिविजुअल ग्राफ्स भी हैं अलग अलग चीज़ों के, और ये कितने लोगों का सिलेक्शन होता है ये आपको देखना ज़रूरी है, जिसको अच्छी प्लानिंग करनी होती है वो डेटा का यूज़ करता है। फिर UPSC की एनुअल रिपोर्ट से भी कुछ कंटेंट है, यहाँ पर कितने लोग इंटरव्यू होते हैं किस तरह के कोर्स से, ताकि लोग अपने मन के वहम को निकाल सकें। तो ये ज़रूरी है कि सिविल सर्विसेज के मेन में कितने कितने कौन से ईयर से क्या कुछ होता है, कितनों का सिलेक्शन होता है, कौन से तरह के ऑप्शनल सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, सब डेटा है यहाँ पर आपके सामने, आंखों के सामने। तो जैसे मान लो एग्जांपल है बोडो लैंग्वेज का था, 100% सिलेक्शन होता है, एक इंसान ने ही सब्जेक्ट को ऑप्ट किया था और एक ही का सिलेक्शन भी हो गया था, है ना। हिस्ट्री को कितने लोग सेलेक्ट करते हैं, 1074 ने किया था, 59 का सिलेक्शन हुआ, 5.5 सिलेक्शन रेट है। तो आप अपने अपने ऑप्शन का सिलेक्शन रेट भी देख सकते हो। एंड इसके अलावा भी, तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मान लो जो लोग बोलते हैं कि क्यों इतना ऑप्शनल के ऊपर इतना फोकस क्यों किया जाना चाहिए मेंस में सिलेक्शन के लिए, आपको दिख जाएगा देखो इस ग्राफ से, यह है एस ए जी एस 1, 2, 3, 4, ये उन टॉपर्स का डेटा है, ईरा, टीना दाबी, नंदिनी, अनुदीप, कनिष्क एंड प्रदीप। तो देखोगे आप एस ए के अंदर सबका ग्राफ ऊपर है, बाकी जी एस 1, 2, 3, 4 में सबका ग्राफ नीचे है। कुछ ऊपर नीचे वेरी भी कर रहा है ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर आप देखोगे कि ऑप्शनल में इनके नंबर कहीं ना कहीं ऊपर ही जा रहे हैं। अगर एक पर्सन की, दैट इज़ दिस वन, तो प्रदीप सिंह के अगर ऑप्शन GS 4 में मार्क्स ज़्यादा थे, लेकिन तो इनके ऑप्शन में दो सब्जेक्ट्स में नीचे एक मार्क्स थे। ये ग्राफ आपको अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करने में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, ये टॉपिक वाइज हैं, 2020 तक के सारे मेंस के हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1999 से लेकर, ये सबके सब टॉपिक वाइज है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, उसके अलावा फिर बाद में मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा लेंदी है यहाँ पर, ये वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। फिर इसी तरीके से आपके सारे के सारे, अरे एक और पेज था ना यहाँ पर, हाँ ये रहा, ये सारे के सारे पेपर ही कंप्लीट ईयर वाइज है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1999 से लेकर 2020 तक पूरा डिटेल में ईयर के सारे पेपर। और ये कुछ कोर्ट्स वगैरह, सॉरी कोर्ट्स वाला कहाँ गया, ये रहा। अच्छा, ये कोर्ट्स वगैरह मैंने अलग अलग तरीके से प्रोवाइड की हुई हैं, टाइप्स में भी और ऑथर के अकॉर्डिंगली। तो कोर्ट्स तो आपको जनरली वैसे मिल भी जाते हैं, पर मैंने यहाँ पे क्या किया है ना, मैंने इनको बहुत स्मॉल कोर्ट्स को, जितना छोटा कोर्ट हो सकता है ना उसका छोटा मेंशन करने की कोशिश की है, वो भी बहुत पॉपुलर लोगों की। चर्चिल हो गया, किंग ऑस्कर हो गया, इमैनुअल कांट हो गया, जो बाइडन की भी कोर्ट है, और एच टोबे की भी कोर्ट है। तो अलग अलग टॉपिक है, इकॉनमी हो गया, विजडम ट्रूथ हो गया, अब देखो ओपरा विनफ्री, जेन ऑस्टन, ये सब पॉपुलर लोग हैं, ठीक है, ऑस्कर विल्डे, मार्क ट्वेन, सोक्रेटिस, इनके छोटे छोटे कोर्ट्स, ताकि वो आपको आसानी हो याद करने में, इस बात पर ज़्यादा फोकस किया था। अब कुछ है भी लेंदी, अब महात्मा गांधी की ये वाला था ही लेंदी, लेकिन महात्मा गांधी का एनवायरनमेंट स्पेसिफिक था, एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं तो यूज़ होता ही होता है, तो इसको मिस नहीं, है ना, पॉवर्टी में भी यूज़ हो सकता है और गर्ल्स में भी, तो इस तरीके से। तो और नीचे ऑथर वाइज भी इनको अरेंज किया हुआ है, महात्मा गांधी की जो भी पॉपुलर थी एक जगह पर, अम्बेडकर जी की, अरिस्टोटल की थी, इस तरीके से अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक ही चीज़ में मिलेंगी, एक ही पूरे ऑल इन वन हैंडी बुकलेट में मिलेंगी। उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन वगैरह भी है, और भी बहुत सारे कंटेंट है जो कुछ मैंने अभी सैंपल में दिखाया भी नहीं है आपको, है ना, आर्टिकल्स वगैरह हैं, न जाने और क्या क्या है, मेरे को याद भी नहीं है पूरा हॉट टॉपिक 7 शेड्यूल को पूरा सॉर्ट आउट करके बता रखा है। तो ये सब चीज़ें आपको डाउनलोड करने को मिलेंगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप इस बुकलेट को डाउनलोड कैसे कर सकते हो, तो जो वीडियो आप देख रहे हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आप देखोगे वहाँ पर आपको डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। डाउनलोड का लिंक मिलते ही अभी जो सामने स्क्रीन पर आपको विंडो दिखाई दे रही है ये ओपन हो जाएगी। स्क्रीन में आप जाओगे तो आपको यहाँ पर ही परचेज के कंटेंट मिलेंगे। एक बार ध्यान से सुन लेना, जो ये ऑल इन वन UPSC हैंडी बुकलेट आपको दिख रहा है सामने रेड कलर में, इसका प्राइस है 399, लेकिन अगर आप टॉप पे देखोगे 50% का आपको कोड मिल रहा है UPSC 50 यूज़ करोगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा इस पर।
बाकी अगर किसी को ऑल ओवर कंटेंट यूज़ ना करना हो तो वो जैसे इंडिविजुअल कंटेंट भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसे पिंक में आपको निमोनिक्स मिल रहा है और सिर्फ माइंड मैप चाहिए हो तो ब्लू में है, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह हैं, टॉपर्स का डेटा है, हिस्ट्री टाइमलाइन है, हिंदू रिटेल का कलेक्शन वगैरह है, मेंस क्वेश्चन अलग से। अगर किसी को अलग से कंटेंट चाहिए तो उनके लिए अलग से भी अवेलेबल है। एक बात और ध्यान रखना, अगर आप इंडिविजुअल कंटेंट परचेज़ करते हो तो उसमें आपका ये डाउनलोड, ये जो डिस्काउंट कोड है, ये काम नहीं करेगा। डिस्काउंट कोड सिर्फ और सिर्फ ऑल इन वन यूपीएससी हैंडी बुकलेट पर मेल दिख रहा है, सिर्फ इसी प्रोडक्ट पर आपको 50% का डिस्काउंट कोड मिलेगा और आपको 3 मंथ्स के अपडेट भी मिलेंगे इसमें, बाकी सब में अपडेट भी आपको नहीं मिलेगा। अपडेट का ऐसा सीन है, मोस्टली कंटेंट आपको अपडेटेड होता ही है, अगर तो कोई नया अपडेट आता है तो वो आपको वाया ईमेल मिल जाएगा। ये पीडीएफ कंटेंट है, आपके ईमेल पर ही पीडीएफ जाएगा और अपडेट भी आपको ईमेल पर ही मिलता रहेगा। द मोमेंट आप इसे परचेज़ करते हो, मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी अपडेट की इन्फॉर्मेशन होती है वो टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही आपको कन्वे की जाती है कि अपडेट का ईमेल आपको जा चुका है। टॉपिक नंबर 2.1, इंटरनेशनल रिलेशंस। रिसेंटली जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के, जिनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला, उन्होंने 5 पिलर्स बताए थे इंडियन डिप्लोमेसी के, किसके लिए? फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड द ग्लोबल गुड। आपको पता होना चाहिए करंटली फॉरेन सेक्रेटरी कौन है। इनसे पहले जो थे उनका नाम था विजय केशव गोखले, ही वॉज़ द फॉरेन सेक्रेटरी टिल जनवरी 2020 तक थे वो। अच्छा, विजय केशव गोखले जी जो पहले थे, उनकी बड़ी पॉपुलर बुक है आजकल, उसके बारे में काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है, क्योंकि एक समय पर वो चाइना के लिए इंडियन एम्बेसडर टू चाइना भी थे। तो चाइना किस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को प्लान करता है, उस पर उन्होंने बहुत ही अच्छी बुक लिखी है, और जो लोग इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हो दे मस्ट रीड दैट बुक, ताकि एटलीस्ट आपको इंटरव्यू में हेल्प मिले। पर उसका अर्थ ये नहीं है कि आप सिर्फ उसी बुक को पढ़कर अपना इंटरव्यू प्रिपेयर करेंगे, अगर आपके पास फुर्सत हो तभी उस बुक को पढ़िएगा। न्यूज़ में और कुछ क्या था कि जो 5 पिलर्स थे वो क्या क्या हैं उनके बारे में, नॉन अलाइनमेंट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या है, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन सेल्फ रिलायंस, फिर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होता क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है और चैलेंजेस क्या हैं एंड वे फॉरवर्ड। तो 5 पिलर्स आपको ये याद हो जाने चाहिए। अगेन इट्स लाइक जो आपके कीवर्ड्स होंगे, हाँ, जो आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स हैं, 400 के आसपास तो मैंने भी आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं हैंडी बुकलेट में, बट कुछ यहाँ पर भी हैं। जैसे मल्टीपोलर फोकस, मल्टीपोलर का फोकस क्या, जैसे आप बाईपोलर फोकस की बात करते हो अगर, तो बाईपोलर की बात कर लो, यूनिपोलर की बात करो, तो बाईपोलर में क्या हो जाएगा, आप मान लीजिए इंडिया बांग्लादेश की बात कर रहे हो या फिर आप इंडिया जापान की बात कर रहे हो, तो आप 2 कंट्रीज़ पे फोकस करने की बात कर रहे हो। इंडिया का मल्टीपोलर रहा है, हमने नेबरहुड की भी बात की, हमने एक्ट ईस्ट की भी बात की, हमने थिंक वेस्ट के बारे में बात की, प्लस हमारे 5 पिलर में से 2nd पिलर है डिप्लोमेसी एक इंटरनेशनल फोर्स मल्टीप्लायर है गवर्नमेंट के लिए। तो इंडियन डिप्लोमेसी को सिर्फ अपने डोमेस्टिक पार्टनर्स के साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनके साथ आने वाले इंटरनेशनल इंटरेस्ट क्या हैं उन पर भी काम करना पड़ेगा, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी हमें उनको भी एक्सप्लॉयट करने की ज़रूरत है। वी हैव अ फोर्स फॉर द ग्लोबल गुड, वसुधैव कुटुंबकम इन एक्शन। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है ना, इसमें आपको बहुत सारा कंटेंट अपने एथिक्स के रिगार्डिंग में मिल जाएगा, ठीक है, जो आपका GS4 का पेपर होता है ना उसके रिगार्डिंग यहाँ से बहुत सा कंटेंट मिलेगा। तो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है वन वर्ल्ड फैमिली, ये सारा विश्व एक परिवार है, ये हम लोग हमेशा अपनी डिप्लोमेसी में आगे लेके चलते हैं। वैक्सीन डिप्लोमेसी के ऊपर हम लोगों ने पहले एक आर्टिकल पढ़ा था विजन की मैगजीन में। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी का आपको पता है क्या हुआ था इंडिया में, जब फर्स्ट वेव के बाद हमने जो हम लोगों ने जो कोविशील्ड की वैक्सीन बनाई थी, हम लोगों ने दूसरी कंट्रीज़ को भी पास की थी, फिर हमारे यहाँ पर कमी रह गई थी, तो हम लोगों ने उसकी थोड़ी सी जो एक्सपोर्ट की लिमिट थी उसको बंद कर दिया था। तो बेसिकली हम लोगों ने जहाँ ज़रूरत थी उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस लिया, और जहाँ रिक्वायरमेंट थी हमने उसमें डिप्लोमेसी के थ्रू हमने अपना सपोर्ट प्रोवाइड किया था। फ्यूचरिस्टिक आउटलुक भी है, किस तरीके से हम लोगों को जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वर्ल्ड की उनके सॉल्यूशंस पे कैसे काम करना है, एंड इंडिया इन थॉट। तो महाभारत है उसमें भगवत गीता है, और कौटिल्य यानी कि जो चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर उनका जो अर्थशास्त्र है, ये कुछ हमारे थॉट इन्फ्लुएंसिंग वो हैं एस्पेक्ट्स हैं, यहाँ से हम अपनी डिप्लोमेसी के थॉट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। और इसमें हम लोगों के पास जो मेजर चीज़ें आती हैं इसी में इंडिया इन थॉट में, वो आता है ट्रेडिशन ऑफ द मिडिल पाथ। मिडिल पाथ का कॉन्सेप्ट किसने बताया था, वैसे तो हमेशा से रहा था लेकिन गौतम बुद्ध ने इसके ऊपर बहुत बढ़ चढ़ के बात की थी। ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन एंड द नीड फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या है, इसका सीधा सीधा सा अर्थ है किसी भी एक स्टेट की वो एबिलिटी कि कैसे वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करेगा और अपनी प्रेफर्ड फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट करेगा। ये ध्यान से समझ लेना, स्ट्रेटेजिक तरीके से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का अर्थ होता है आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को कैसे परस्यू करोगे और आप किस तरीके से अपनी प्रेफर्ड फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट करोगे, जिसमें आपके जो दूसरे स्टेट्स हैं है ना उनके साथ किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रेन ना हो।
तो इंडिया और स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में हम लोगों ने बाइपोलर और मल्टीपोलर हर जगह पे काम किया है, ठीक है। हम कभी भी एब्सोल्यूट नहीं रहे, हमेशा रिलेटिव रहे थे। एब्सोल्यूट और रिलेटिव का डिफरेंस आपको जानने के लिए समझना पड़ेगा। एब्सोल्यूट इज समथिंग स्टैटिक, जो टिका हुआ है, जो बदलता नहीं है। रिलेटिव का मतलब है कि जो समय के साथ, ज़रूरत के हिसाब से बदलता रहता है। इसी के बेसिस के ऊपर इंडिया जो है उसने हमेशा से लेस स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस एक अप्रोच को फॉलो किया था। अब होते हैं दो इश्यूज़, कोर सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं और एक नॉन कोर सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं। इंडिया ने हमेशा से एक्सटर्नल प्रेशर को रेजिस्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है, न्यूक्लियर वेपन का जो मुद्दा है, इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल प्रेशर हमारे पर क्रिएट किया गया था, स्पेशली पाकिस्तान के द्वारा, टर्की के द्वारा। तो उन कंट्रीज़ को हम लोगों ने अपने कोर सिक्योरिटी इशू पर कोई भी प्रेशर को एग्जर्ट होने नहीं दिया। फिर कुछ नॉन कोर सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी होते हैं, जैसे इंडिया ने जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की एजेंसी थी उसके अंदर इंडिया ने ईरान के अगेंस्ट वोट किया था कि हमारे पर प्रेशर था यूएस का। तो हम लोगों ने क्या किया कि हमारे जो कोर इश्यूज़ थे वहाँ पर हम लोगों ने किसी दूसरे का प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने दिया, लेकिन जो नॉन कोर थे हमने वहाँ पर दूसरे के प्रेशर को अपने ऊपर आने दिया। हमने क्यों यूएस की बात को माना? क्योंकि हमें पता था कि यूएस के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी स्ट्रॉन्ग है और हमें यूएस की ज़्यादा ज़रूरत है इन कंपेरिजन टू ईरान। इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसके बारे में बहुत डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा इतना याद रखिएगा कि नॉन अलाइनमेंट से के साथ इसकी शुरुआत होती है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट 1961 में आया था और एक तरीके से वो थर्ड वर्ल्ड सॉलिडेरिटी का पीक बन गया था। थर्ड वर्ल्ड सॉलिडेरिटी क्यों था? एक साइड में था यूएसए, ठीक है, और एक साइड में था यूएसएसआर, रशिया। तो इन दोनों का आपस में चल रहा था सिविल वॉर, ठीक है, प्रॉक्सी वॉर कह दो, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के अंदर क्या होता है कि आप डायरेक्टली इन्रॉल नहीं होते हो, लेकिन आप बैकएंड में रह करके कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते रहते हो जो कि वॉर का फॉर्म ले लेते हैं। तो इसमें ये दो पोल ये हो गए थे, थर्ड पोल बन गया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये वो कंट्रीज़ थी बेसिक, एक तो पहली बात कि इन्होंने किसी, ना वो यूएसए की साइड है ना वो यूएसएसआर की साइड है। तो इंडिया ने कहीं ना कहीं इसमें बहुत बढ़ चढ़ के साथ दिया था इस चीज़ का। फिर सेकेंड फेज़ जो आता था उसमें डेकेड ऑफ रियलिज्म एंड रिकवरी की बात की थी। तो आपको सबको पता होगा कि हमारे 1962 में जब वॉर हुआ था तो हमको बहुत सारे चैलेंजेस थे, हमको यूएस से उस समय इतना सपोर्ट नहीं मिलता था और कहीं ना कहीं यूएस उस समय पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, ठीक है। तो इंडिया ने कहीं ना कहीं यूएसएसआर यानी कि रशिया की तरफ इंक्लाइन होना स्टार्ट कर दिया था स्ट्रेटेजिक तरीके से। ग्रेटर इंडियन रीजनल असर्शन, ये 1971 का फेस है जहाँ पर हम लोगों ने लिबरेशन वॉर किया था बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश को पाकिस्तान से हम लोगों ने जिताया था। फिर हम लोगों ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह भी किए थे। फोर्थ फेज में सेफगार्ड किया हमने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को। यहाँ पर आता है यूनिपोलर वर्ल्ड, इसको यूएसए लीड कर रहा था। क्यों? क्योंकि इनकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, इकोनॉमिक वर्ल्ड में यूएसए एक ग्लोबल लीडर की तरह निकल के आता है। तो यहाँ पर हमें एक ज़रूरत पड़ी थी न्यूक्लियर वेपन के टेस्टिंग की और उनको सिक्योर करने की भी। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ज़्यादा इंटेंसली एंगेज होने की ज़रूरत पड़ी यूएसए के साथ, इसराइल और एशियन कंट्रीज़ के साथ। फिफ्थ फेज़ में हम लोगों ने एक बैलेंसिंग पावर को क्रिएट करने की कोशिश की थी। इंडिया ने यूएस के साथ न्यूक्लियर डील साइन की थी, ये आप लोगों को पता होगा कि मनमोहन सिंह जी के टाइम पर हुआ था। और जो सिक्स फेज़ है यानी कि 2013 ऑनवर्ड जो कि जो एनडीए गवर्नमेंट का टाइम है, यहाँ पर हम लोगों के पास इंडिया की पॉलिसी तो है नॉन अलाइनमेंट की, यानी कि हम किसी एक कंट्री के साथ अलाइन नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने इसमें मल्टी अलाइनमेंट को भी देखा है। फिर हम लोगों ने अपना सागर इनिशिएटिव लेके आए थे, हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेके आए हैं, थिंक वेस्ट पॉलिसी लेके आए हैं। तो स्ट्रेटेजिक तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सारा डिटेल में याद करने की ज़रूरत नहीं, कहानी की तरह इसको याद कर सकते हो। नीड क्या थी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की? देखो, जियो स्ट्रेटजिक बैलेंसिंग, इंडिया के जो करंट डिप्लोमेटिक टाइज हैं ईरान के साथ, ठीक है, हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि हम लोगों को जियो, अब हम लोगों ने जियोग्राफी के तौर पर ईरान के साथ बैलेंस क्यों क्रिएट किया? ईरान से हम लोग ऑयल इम्पोर्ट करते हैं और मिडल ईस्ट में हमें कंट्रीज़ का सपोर्ट चाहिए है, क्योंकि वैसे भी एक इस्लामिक कंट्री है, सपोर्ट चाहिए उनका एनी वे। प्लस में हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है यूएस के साथ भी, ठीक है, सऊदी अरेबिया और इसराइल के साथ भी। तो देखने की ज़रूरत है यूएस, सऊदी अरेबिया, इसराइल, कहीं ना कहीं ये मिलते जुलते कंट्रीज़ हैं, इनकी आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बट ये सब ईरान से अगेंस्ट में है। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कौन सी कंट्री किसके अगेंस्ट में, किसके फेवर में है। आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस हो गया, यूके हो गया, ये सब पाकिस्तान के अगेंस्ट में है, राइट। और फ्रांस और यूके इंडिया को कहीं ना कहीं, जैसे यूके चाइना के अगेंस्ट होता, अभी इन्होंने चाइना का जो वो चैनल था उसको ब्लॉक किया था, फिर चाइना ने यूके का बीबीसी को ब्लॉक किया था। ये चीज़ आपको थोड़ी आइडिया होनी चाहिए। फ्रांस ने यूएसए में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की थी, पाकिस्तान ने फ्रांस में जाकर के वहाँ की एम्बेसी वगैरह के सामने बहुत इश्यूज़ क्रिएट किए थे, तो फ्रांस का और पाकिस्तान के रिलेशनशिप बिगड़ गए थे। सेकंड, हमारी नीड है मल्टी अलाइनमेंट की। आज के वर्ल्ड में हमारी कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस होती है, कुछ कंट्रीज़ होती हैं अपने जियो स्ट्रेटेजिक इशूज़ के ऊपर काम कर रही होती हैं, तो इंडियन पॉलिसी को ज़रूरत है कि स्ट्रेटेजिक हेजिंग होनी चाहिए, यानी कि हम लोगों को इस तरीके से काम करना, जैसे अगेन वही आपको ये समझने की ज़रूरत है, इंडिया का हम लोगों ने ऊपर देखा ना, इंडिया का यूएस के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अब S-400 की डील की इंडिया ने रशिया के साथ,
रशिया और यूएसए की बनती नहीं है, बट हम लोगों ने S-400 क्या है, ये एंटी मिसाइल सिस्टम है पूरा का पूरा, कि अगर कोई मिसाइल आपके पास आ रहा होता है इसमें से जो अटैक किया जाता है S-400 से आप उस मिसाइल को काउंटर कर सकते हो। अच्छा, S-400 का यूएस वर्जन क्या है, वो है थार्ड, THAAD। ये कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है, अभी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो जोन है ना, जो नो मैन जोन है, वहाँ पर साउथ कोरिया के साइड से यूएसए ने थार्ड इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो ये आपको पता होना, अभी इंडिया ने S-400 लिया रशिया से, ठीक है, मतलब अभी आया नहीं है प्रॉपरली, बट इसकी डील की है हम लोगों ने यहाँ से। और तो एक तरीके से मल्टी अलाइनमेंट हो गया कि हम लोग एक साइड यूएसए के साथ भी डील कर रहे हैं, एक साइड हम लोग रशिया से भी डील कर रहे हैं, वो दोनों आपस में दुश्मन है। पॉलिसी में रियलिज्म लाने की ज़रूरत है और प्रैग्मेटिज्म, यानी कि प्रैक्टिकल तरीके से सोचने की ज़रूरत है, पॉसिबल क्या हो सकता है, सिर्फ हमको हवा के ऊपर बातें नहीं करनी है। इंडिया ने पहले कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान की जो इंटेंशंस थी उनको मिसरीड किया था, इसके कारण गिलगित बल्तिस्तान और जो कश्मीर का जो बाकी पार्ट अक्साई चीन वगैरह, अब ये पाकिस्तान और चाइना के अंडर आ चुके हैं। तो हमको ज़रूरत है कि हम प्रैक्टिकल तरीके से सोचें कि कल को इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एग्जैक्टली अप्लाई होता है अभी तालिबान वाला जो इशू चल रहा है, इसमें हमको प्रैक्टिकल तरीके से सोचने की ज़रूरत है, कि क्योंकि तालिबान को सपोर्ट कौन कर रहा है, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ये सब सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान को, और हम इंडिया यहाँ पर इनके तीनों के बीच में आ जाते हैं, ठीक है। हम लोग कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि अफगान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए यहाँ पर, तो इंडिया को सोचने की ज़रूरत है कि जब ये तीनों कंट्रीज़ तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं तो कल को क्या होगा इंडिया का कनेक्शन इन सब के साथ। और अफगानिस्तान के थ्रू हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं वहाँ पर, हमने बहुत से बिलियन से डॉलर के हमारे प्रोजेक्ट्स थे वहाँ पर, उनमें प्रॉब्लम आ गई है। अब हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अगर चलाएंगे तो प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, चाइना का असर्शन रहेगा ही तो हमेशा से बात है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चाइना की बहुत सारी असर्टिव पॉलिसीज़ रही हैं, है ना। NSG के अंदर चाइना ने हमेशा इंडिया की मेंबरशिप को ब्लॉक करने की कोशिश की है। आप लोग P5 तो समझते होंगे, जो UNSC के अंदर परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, P5 UNSC में जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें कौन कौन है, US है, UK है, फ्रांस है, चाइना है और रशिया है। अब US सपोर्ट करता है इंडिया को, UK सपोर्ट करता है, फ्रांस सपोर्ट करता है, रशिया सपोर्ट करता है, लेकिन चाइना इंडिया को सपोर्ट नहीं करता। और चाइना के पास, हर एक कंट्री के पास में यहाँ पे वीटो पावर होती है। वीटो पावर का मतलब होता है कि आप ये नहीं कहो कि चार ने सपोर्ट कर दिया तो एक की हम वैलिडिटी नहीं मानी, यहाँ पर माइनॉरिटी मेजोरिटी का काम नहीं चलता। वीटो का मतलब सिंपल, चाइना ने अगर मना कर दिया तो डेट्स इट, वीटो पावर का यही अर्थ होता है। आपको वीटो पावर पॉलिटिक्स में पता भी होनी चाहिए, हमारे कंट्री में किस किस लीडर के पास, कौन से पोजीशन के पास वीटो पावर्स होती हैं। हमारे नेबर्स बहुत हॉस्टाइल हैं, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, चाइना इंडिया का बॉर्डर है, इतना हॉस्टाइल है, माउंटेनियस रीजन है, बहुत समय से डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो हमको ज़रूरत है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे काम करें। वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर हमारी डिपेंडेंस रही है ग्लोबल कोऑपरेशन में, इंटरनेशनल नेटवर्किंग में, और बहुत सारी ऐसी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है जो हमको वहाँ से बोरो करनी पड़ती है, प्रोक्योर करनी पड़ती है। अमेरिकन अनरिलायबिलिटी भी है, देखो एक चीज़ हमको देखनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं US सैंक्शंस लगाता है इंडिया के ऊपर भी और दूसरी कंट्रीज़ पर भी। अब हमारा जो NSTC था ईरान के साथ वो रुक गया था क्योंकि US ने वहाँ पर सैंक्शंस लगा दिए थे, है ना। और अभी अफगानिस्तान के थ्रू हमारा अगर कुछ कोई सीन बन सकता था ईरान के वहाँ से चाबार पोर्ट से, वो भी रुक जाएगा। तो हमको अमेरिका के ऊपर रिलायबल हमेशा नहीं रह सकते, अमेरिका कहीं पर भी किसी भी टाइम, अमेरिका के एक बहुत ही पुराने प्रेसिडेंट थे, उनका एक स्टेटमेंट था कि जो भी नेशनल डिप्लोमेसी होती है ना, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है उसमें हमेशा नेशनल इंटरेस्ट सबसे आगे आएगा। और वो एग्जैक्टली कोट मुझे याद नहीं, उन्होंने कहा था कि जो भी फ्रेंड्स और एनिमीज़ होते हैं वो सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट को देख के बनाए जाते हैं। तो रशिया, चाइना, पाकिस्तान का एक एक्सेस बनता जा रहा है, मैंने आपको बता दिया। अभी तालिबान को लेकर भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और रिसेंटली रशिया ने भी एक प्रॉमिस किया, $14 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा वो पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में। साउथ एशिया में चाइना का डोमिनेंस है, साउथ चाइना सी की बात कर लो, फिर बाकी जो एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर चाइना ने बहुत सारे रिलेशंस क्रिएट किए हैं, वहाँ चाइना उनको लोन देता है, ठीक है, चीप इंटरेस्ट के ऊपर, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, ताकि उनके ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखे। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, हम लोगों को इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करने की ज़रूरत है। अगर आपका सब्जेक्ट PSIR है तो आपको इस टॉपिक के बारे में एनीवे डिटेल में ज़्यादा मालूम होगा, नहीं है तो भी आपको इस टॉपिक के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए कि एक तो हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, और तालिबान का जो इशू चल रहा है इसको लेकर के अभी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में बहुत सारे अपडेट्स आएंगे। हमको जो भी अपने अलाइनमेंट्स करने चाहिए वो इशू के ऊपर बेस्ड होने चाहिए, ना कि हमारी आइडियोलॉजी को लेकर। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये समझने की ज़रूरत है। आइडियोलॉजी में क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे, कुछ कंट्रीज़ के साथ हमारी आइडियोलॉजी बिगड़ जाएंगी। इससे USA ये क्या करता है, USA यही करता है, ठीक है, उनकी एक कॉन्सेप्ट चलता है उनका कि भाई टेररिज्म के अगेंस्ट जो भी कंट्रीज में टेररिज्म है हम उनके साथ कोई अलाइनमेंट नहीं करेंगे, बट वी ऑल्सो नीड टू मेक श्योर कि हमारे जो ऑटोनॉमी होगी, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होगी, उसमें हमको इशूज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। कल को अगर हमें ज़रूरत पड़े चाइना के साथ अगर कुछ बॉन्ड करने की और हमारा इशू वहाँ से सॉल्व हो रहा हो तो हमें कर लेना चाहिए, ये सोच करके नहीं कि चाइना की आइडियोलॉजी थोड़ी कम्युनिस्ट वाली है तो हम लोगों को उनके साथ बॉन्ड नहीं करना चाहिए, दिस वी शुड नॉट डू। तो ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होगा हमारा। डिफेंस का इंडिजनाइजेशन करने की जरूरत है, देखो बहुत हद तक हम लोग रशिया पर, US पर, इसराइल पर, फ्रांस पर, UK पर डिपेंडेंट है,
डिफेंस के इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर करने के लिए। तो हमें ज़रूरत है कि अपने खुद का इंडिजनाइजेशन करें, अपने डेवलप करेंगे तो हमारे इनके ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। उसके दो बेनिफिट पड़ेंगे, पहली बात तो ये हमारे ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं लगा पाएंगे, सेकंड चीज़ हमारे कई बेनिफिट होंगे वैसे तो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा हमारी कंट्री का, ठीक है, और हमारा बहुत सारा पैसा बचेगा, हम उनको दूसरे कंट्रीज़ को बेचेंगे तो हमारी इकॉनमी बढ़ेगी भी, हमारा GDP बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ों पर हमें काम करने की ज़रूरत है। और सबका साथ सबका विकास, सबका विकास सबका विश्वास के बाद आ गया सबका प्रयास। ये आप लोगों ने 15 अगस्त को जो लेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर का जो स्पीच था उसमें सुना होगा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, इसमें प्रयास वर्ड उन्होंने नया ऐड किया है और इसका उन्होंने इसको रिलेट किया है जो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन था उससे, कि सबके प्रयास से हम लोग जीवन देश को आगे लेके जा सकते हैं। स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हो। इंटरनेशनल रिलेशंस का हमारा टॉपिक नंबर 2.2 है, इंडिया और नेपाल के बारे में। प्रिलिम्स में एक ऑप्शन में था इंडिया नेपाल के बारे में 2016 का क्वेश्चन, और मेंस में 2003, 4, 6 एंड 12 में इंडिया नेपाल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि हमारा इमीडिएट नेबर है तो मेंस में इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अभी फिर से न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुए थे नेपाल के अंदर उसके कारण दोबारा से इंडिया का क्या रिलेशन रहेगा, क्या रीजनल इंटरेस्ट रहेगा नेपाल में, उसको रीअसेस करने की ज़रूरत है। अगर हम बैकग्राउंड वगैरह देखें तो उससे पहले हम लोग को ये देख लेना चाहिए, ये मैप आपको ना इतना ड्रॉ करना आना चाहिए, क्योंकि कल को बांग्लादेश का क्वेश्चन आया, भूटान का आता है, नेपाल का आता है, इवन चाइना का भी आता है, तो ऊपर लद्दाख रीजन का, तो इतना मैप आपको पता होना चाहिए, ड्रॉ करना आना चाहिए। और ये वो रीजन है जहाँ पर नेपाल, इंडिया और चाइना, ये बेसिकली एक रीजन है, यहाँ पर लिपुलेख पास है, तो आप देख सकते हो नेपाल और चाइना के बॉर्डर के पास में है ये, और इंडिया और चाइना के बीच के रीजन में है ये लिम्पियाधुरा, और ये रीजन है काला पानी का। तो ये काला पानी वाला जो एरिया है पूरा इसी को लेकर के विवाद हुआ था पहले भी। बैकग्राउंड की अगर बात करें तो 2015 में नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, उससे पहले वहाँ पर मोनार्की थी, तो तब से वहाँ पर एक पॉलिटिकल टर्मोइल चलता आ रहा है। तो बहुत समय से वहाँ पर NCP जो कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है उसका कहीं ना कहीं रूलिंग रही है, पावर में रही है। तो जो नेपाल के सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने NCP के बारे में ध्यान रखना, ठीक है, ये नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बात की जा रही है। तो रिसेंटली जो नेपाल के सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने वहाँ पर एक ऑर्डर पास किया था और नेपाली कांग्रेस प्रेसिडेंट जो थे शेर बहादुर देवबा उनको प्राइम मिनिस्टर की तरह रीइंस्टेट किया था। तो इंडिया का एंट्रेंस्ड इंटरेस्ट कहाँ पर रहा था जिसके कारण इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप थोड़े से ख़राब हुए थे, आपको एक चीज़ याद रखनी है, 2015 में एक बॉर्डर ब्लॉकेड हुआ था। ये कहानी क्या थी कि नेपाल के अंदर जो अपने कुछ इंटरनल वो चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, इसको लेकर के इंडिया ने नेपाल के साथ जो देखो इंडिया और नेपाल के बीच में तकरीबन डेली 300 के आसपास के ना ऑयल ट्रक फ्यूल ट्रक्स पास होते हैं ऑन एन एवरेज। तो हमने इंडिया और नेपाल का ना ओपन बॉर्डर है, ठीक है, तो लाइक इतना ओपन है कि मैं नेपाल जा चुका हूँ, ठीक है, आई वेंट टू उत्तराखंड इन वन ऑफ माई फ्रेंड्स सिस्टर्स वेडिंग, और हम लोग एक दिन सुबह उठ कर कैसे सोचा कि चलो ठीक है थोड़ा पहाड़ी इलाका है घूम के आते हैं, और वहाँ से 15 मिनट का डिस्टेंस पता, इतना ओपन बॉर्डर था कि हम नेपाल में कदम रख के आ गए थे। तो हमारा ओपन बॉर्डर है, तो इंडिया ने नेपाल में जाने वाली जो सप्लाईज थी उनके ऊपर एक ब्लॉकेड लगा दिया था, उसका कुछ रीजन से पूरी अपनी एक कहानी है वो, तो उसमें डिटेल में आप जान सकते हो बाद में। तो वो भी बट आपको इतना याद रखना है कि 2015 का बॉर्डर ब्लॉकेड जो था उसके कारण कुछ प्रोटेस्ट किए थे वहाँ के मधेसीज़ लोगों ने, ठीक है, मधेसीज़ क्या है वो वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं ना नेपाल के, तराई ऑफ नेपाल में जो रहते हैं उनके बारे में। फिर कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर भी एक बॉर्डर डिस्प्यूट चलता रहता है। रिसेंटली नेपाल ने अपना मैप बनाया था न्यू, उसमें उन्होंने इन रीजन्स को अपने एरिया में शो किया था। तो ये दो कुछ मेजर रीजन्स रहे हैं इंडिया और नेपाल के बीच में। अब नेपाल जैसे एरिया में स्टेबिलिटी मेंटेन रहे ये इंडिया के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है हमें ये जानना ज़रूरी है। एक तो नेपाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, आपने देखा ना नेपाल जो है ये चाइना के साथ एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, काइंड ऑफ ट्राई जंक्शन शेयर करते हैं। फिर इंटरनल सिक्योरिटी की भी बात है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप, अलकायदा, तालिबान एट्सेट्रा, इन सब का एक नेक्सस बढ़ता जा रहा है माओइस्ट के साथ। तो अगर इनका माओइस्ट के साथ बढ़ता जाएगा तो नेपाल में ये नेपाल इज़ वन ऑफ द प्लेस जहाँ पर पता चलता है कि बहुत सारे सीक्रेट एजेंट्स भी पाए जाएंगे आपको नेपाल में, सबसे ज़्यादा एशियन रीजन के लिए। तो एक ट्रांजिट बेस बन सकता है बहुत सारे ऑपरेशंस के लिए इंडिया में नेपाल के थ्रू। फिर बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं, अब इंडिया ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में वहाँ पर पैसा लगाया हुआ है, कल को अगर नेपाल में कुछ प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, इश्यूज होते हैं, तो इंडिया का पैसा वहाँ पर रुक सकता है, एग्जैक्टली जैसा भी तालिबान के साथ हो रहा है अफगानिस्तान में। इंडिया ने वहाँ पर बहुत सारे बिलियन डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था,
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और तालिबान आ गया है, वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉल कर चुकी है, तो तालिबान ने ये तो बोल दिया कि इंडिया अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है। ऑब्वियसली बात है, तालिबान चाहेगा कि इंडिया वहाँ पे पैसा लगाए, लेकिन इंडिया को पता है कि कल को उन प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाएगा तो इंडिया को बाद में उसका यूज़ नहीं दिया जाएगा। फिर फ्लड वाटर मैनेजमेंट और हाइड्रो पावर को लेकर भी हमको पता है कि वहाँ से नेपाल से गंडक और कोसी जैसे रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, और कोसी को हम लोग सौर ऑफ बिहार भी बोलते हैं। तो इन रीजन्स ये जो ये पेरेनियल रिवर्स है, पेरेनियल का मतलब होता है कि साल भर इनमें से पानी फ्लो करता है, तो पेरेनियल रिवर्स का वहाँ से हम लोगों को हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए ज़रूरत है कि नेपाल के अंदर किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना हो, वहाँ पर पीस मेंटेन रहे, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। फिर हमारा पीपल टू पीपल कनेक्ट भी है, क्योंकि रोटी बेटी का रिश्ता बोलते हैं ना हम लोग नेपाल और इंडिया का, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि नेपाल के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो कहीं ना कहीं हमारे नेशनल इंटरेस्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करें। एम्पावरमेंट ऑफ मधेसीज, जो मधेसी का जो रीजन है ना वो बहुत ही एडजस्टेंट है इंडियन प्लेन्स के, यानी कि एग्जैक्टली जो बिहार का अपर रीजन की बात करते हो ना, टॉप नदन रीजन की, वो और मधेसी रीजन बहुत ओपन एरिया है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग नेपाल के साथ अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखें, प्लस में नेपाल में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। हम दोनों की इंडिया और नेपाल की जो रिलेशनशिप है उसमें दिक्कतें कहाँ कहाँ आती है, एक तो चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना ने वहाँ पर नेपाल में जो मैंड्रिन सिखाने वाले टीचर्स थे ना, मैंड्रिन चाइना की लैंग्वेज है और वर्ल्ड में मोस्टली स्पोकन लैंग्वेज मैंड्रिन है, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट है और वो हमारे इंडिया की तरह नहीं है वहाँ पर कि दो तीन तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हों, वहाँ पर एक कॉमन लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। इंडिया में तो मतलब कहते हैं ना हर 25 किलोमीटर पर एक लैंग्वेज चेंज रहती है, नेपाल का सीन ऐसा नहीं है, चाइना का सीन ऐसा नहीं है। तो चाइना ने क्या किया, नेपाल में जो मैंड्रिन सिखाने वाले टीचर्स थे ना, चाइना ने बोला कि इन टीचर्स को सैलरी चाइना खुद देगा, आप बस अपनी कंट्री में सिखाने दो उनको। तो ऐसा हो सकता है कि और उन्होंने इसको एक कंपल्सरी सब्जेक्ट बना दिया था, ठीक है, स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स में भी। फिर नेपाल का डिसकंटेंट भी रहा है ट्रेड में, इंडिया और नेपाल का जो ट्रेड डेफिसिट है ना उसमें चाइना कम तकरीबन आसपास 65% के आसपास नेपाल का टोटल ट्रेड जो है वो इंडिया की तरफ से होता है, तो नेपाल को हमेशा ट्रेड डेफिसिट फेस करना पड़ता है। तो नेपाल को हमेशा ये रहता है कि यार हम लोगों ने इंडिया से इतना सारा ट्रेड डेफिसिट क्रिएट किया हुआ है, तो नेपाल डिसकंटेंट मोड में रहता है। फिर ट्रस्ट का डेफिसिट भी है टुवर्ड्स इंडिया, 2015 का ब्लॉकेड हुआ था, उसके बाद ये जो अपना काला पानी वाला इशू रहा है, तो कहीं ना कहीं नेपाल की तरफ से एक ट्रस्ट का, एक भरोसे का एक कमी दिखाई देती है इंडिया की तरफ। तो नेपाल चाहता है कि इंडिया जो ट्रस्ट एंड पीस जो ट्रीटी थी पीस एंड फ्रेंडशिप की 1950 वाली उसको रिवाइव करके चले, लेकिन उसमें कंटेम्प्रेरी टाइम में बहुत सारे बायलेटरल टाइज में चेंजेस देखने को मिले हैं, इसी कारण थोड़ा सा रिलेशनशिप में बिटरनेस आई है। रिवर की ट्रीटीज़ को देखकर भी इंडिया की तरफ से एक डिसकंटेंटमेंट देखने को मिला था। नेपाल के बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि इंडिया जो इस जो कोसी और गंडक रिवर का जो इशू है इसको सेटिस्फैक्ट्री तरीके से हैंडल नहीं कर रहा है, जिसके कारण उन्होंने ये भी कहा था कि नेपाल में 2008 में जो फ्लडिंग हुई थी वो उसका रीज़न कहीं ना कहीं इंडिया को ठहराया था उन्होंने जिम्मेदार। अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है, मैंने कहा था कि नेपाल के साथ जो हमारा ओपन बॉर्डर है, तो हुआ क्या कि जब COVID-19 का लॉकडाउन लगा तो बहुत सारे नेपाली जो इंडिया में काम करते थे वो ओपन बॉर्डर था, तो वो बिना किसी वीज़ा वगैरह के रिक्वायरमेंट के, वो उनको कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो माइग्रेट कर गए थे, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का इशू क्रिएट हो गया था दोबारा से। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, हमारा 6th इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन था, है ना, उन्होंने एक बात की थी कि इस तरीके से हम लोग बहुत सारे एरियाज़ के अंदर नेपाल के साथ डिस्कशन कर सकते हैं ताकि वहाँ पर कोई किसी तरह का फर्दर कोई पॉलिटिकल टर्मोइल ना हो। प्लस में हमारा मेजर फोकस होना चाहिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, एयर, रोड, ट्रेन, वाटरवेज कनेक्टिविटी का, ताकि हमारे कमर्शियल व्हीकल्स यहाँ से इजीली फ्लो मूवमेंट मेंटेन रहे। पीपल टू पीपल थिंकिंग को लेवरेज, लेवरेज का मतलब होता है टू टेक बेनिफिट, हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है ताकि म्यूचुअली प्रोडक्टिव स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप हमारा मेंटेन हो सके। और बायलेटरल मैकेनिज्म को लेकर हमें ऑन नेगोशिएशंस के ऊपर और फर्दर डिस्कशंस करने की ज़रूरत है, जैसे हम लोगों ने इंडिया और बांग्लादेश ने किया था, उनको हम उसको एक मॉडल की तरह यूज़ करके नेपाल के साथ भी डील कर सकते हैं। प्लस में दोनों कंट्रीज़ के बहुत सारे मल्टीलेटरल फोरम्स के ऊपर इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, BBIN है जो बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल का है, उसके बाद बिम्स्टेक है, NAM है, SAARC है, इन सब में दोनों कंट्रीज़ के कॉमन इंटरेस्ट भी है, तो हमको इनको भी साथ में लेके चलने की ज़रूरत है। फिर इंडिया के बहुत सारे वाइटल इंटरेस्ट हैं जहाँ पर इंडिया चाहता है कि कम से कम इंटरफेरेंस हो नेपाल के साथ में, ठीक है, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में, और कुछ ना कुछ जैसे चाइना का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है तो इंडिया को यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल के ऊपर लीस्ट रहे और इंडिया का जो नेपाल के साथ रिलेशनशिप है ये स्ट्रॉन्ग रहे। तो इसमें एक्चुअली यहाँ पर स्टैटिक में कुछ आपको खास जानने की ज़रूरत थी नहीं, यहाँ पर आपको दो ही चीज़ें जाननी है कि नेपाल के अंदर स्टेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए और उस रिलेशनशिप में क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं। लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इंटरनेशनल रिलेशंस का, वो है न्यू ऑयल डील बाय ओपेक प्लस। अब आपको ये जानने के लिए पहले ओपेक के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन हम देख लेते हैं ओपेक और ओपेक प्लस की चीज़ों को।
तो मेंस 2004 में ओपेक को लेकर एक क्वेश्चन आया था। तो आफ्टर अ ब्रीफ इम्पासे बिटवीन यूएई एंड सऊदी अरेबिया, इम्पासे का मतलब होता है एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन जहाँ पर बहुत लंबे समय से कोई प्रोग्रेस नहीं की गई हो, जैसे कि इंडिया और चाइना का जो ये लद्दाख रीजन वाला जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये भी अभी तक इम्पासे में ही है, यहाँ पर कोई खास डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। तो एक एग्रीमेंट हुआ है जहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन लेवल्स जो हैं, किस तरह का ऑयल प्रोडक्शन लेवल रहेगा इन मेंबर नेशंस का। तो पहले हमें ये जानना होगा कि ये ओपेक और ओपेक प्लस क्या चीज़ है। तो ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग नेशन, वो सारे नेशंस जहाँ से पेट्रोलियम, पेट्रोल की बात नहीं हो रही, एक्चुअल में हम लोग पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, पेट्रोलियम से फिर बाकी सारे ऑयल्स, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन वगैरह निकाले जाते हैं। तो बगदाद यानी कि इराक की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1960 में, वहाँ पर उसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला, ये सब इसके फाउंडिंग नेशंस थे। ध्यान रखना इसमें वेनेजुएला इज़ नॉट फ्रॉम द मिडल ईस्ट, बाकी चारों जो ये कंट्रीज हैं मिडल ईस्ट की हैं, वेनेजुएला इज़ फ्रॉम द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। इसका सेक्रेटेरिएट 13 जो वियना में है, प्लस में इसके 13 करंट मेंबर्स हैं। ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि जो भी पेट्रोलियम पॉलिसीज़ हैं उनमें एक यूनिफिकेशन हो और प्राइस वगैरह ऑयल मार्केट को स्टेबल रखा जाए। अब यहाँ पर ऑयल प्लस भी आता है, ऑयल प्लस को हम वियना ग्रुप का नाम भी देते हैं, नाम ध्यान रखना। इसमें मैक्सिको, रशिया, ओमान और उज़्बेकिस्तान भी ओपेक के मेंबर्स हो जाते हैं। तो प्लस का मतलब 1, 2, 3, 4, ये चार मेंबर्स इसमें ऐड हो जाते हैं। ऑयल एक ग्लोबल कमोडिटी है, ग्लोबल कमोडिटी का मतलब, ग्लोबल मतलब विश्व के स्तर पर, कमोडिटी मतलब जिस चीज़ की कोई ऐसी कोई प्रोडक्ट वगैरह जिसको कमर्शलाइज किया जा सकता है। लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्क्यूड है, स्क्यूड यानी कि इसका रेशियो प्रॉपर नहीं है। 40% के आसपास जो ग्लोबल लेवल पर ऑयल का प्रोडक्शन होता है और 60% का जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसमें ओपेक जो है उसका सबसे ग्रेट इन्फ्लुएंस होता है। पेंडेमिक के कारण जो प्रोडक्शन में कट हुआ था और नए प्रोडक्शन के कुछ एग्रीमेंट्स साइन किए गए थे, आपको उनके बारे में बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना पता होगा कि 2020 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था ऑयल बेंचमार्क को लेकर। तो ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस था वो बहुत नीचे चला गया था, तो उसको लेकर के कुछ ऑयल के एग्रीमेंट्स हुए थे कि उसमें डेट को एक्सटेंड किया जाए। तो ऑयल के एग्रीमेंट्स में डेट का एक्सटेंशन की बात ये की गई थी कि अप्रैल 2020 का जो एग्रीमेंट था उसको 31 दिसंबर 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया था। अच्छा, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ऑयल के जो प्राइस नेगेटिव में चले गए थे, ये नेगेटिव प्राइस में जाने का मतलब क्या होता है? और अगर प्राइस नेगेटिव में जा रहे, नेगेटिव का अर्थ ही होता है कि जैसे आप शॉपकीपर के पास जाते हो तो आप जो पैसा देते हो, मान लीजिए आपने क्रिकेट का एक बैट परचेज़ किया, वो उसका प्राइस मान लीजिए 1000 रुपीज़ का है, तो ये पॉजिटिव प्राइस है। लेकिन आप शॉपकीपर के पास जाते हो, आप बोलते हो कि मुझे क्रिकेट का बैट चाहिए, तो शॉपकीपर आपको बोलेगा ये लो 500 रुपये और ये लो बैट, तो ये नेगेटिव प्राइस है, मतलब कि वो अपनी कमोडिटी को बाहर एक्सपोर्ट करना चाहता है किसी भी कंडीशन में। ऑयल के केस में नेगेटिव प्राइसेस क्यों चले गए थे, उसका सीधा सारा सा ये प्रोसेस है। कोविड के टाइम पेंडेमिक था, सारे ट्रांसपोर्ट वगैरह सब बंद हो गए थे, तो ऑयल का कंजम्पशन नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो रिफाइनरीज वगैरह थे ना, जहाँ से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था, उनका प्रोडक्शन बंद नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है ना, जो हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते, जो मशीनें लगी हुई थी, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। और अगर उस प्रोसेस को बंद कर दिया जाए तो वो जितना सेल करते हैं ना उससे ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया था कि जितने भी कंटेनर वगैरह थे उसको सबको फुलफिल कर लिया था और वो नेगेटिव प्राइस में चला गया था कुछ समय के लिए। तो वो कंपनीज़ क्या कर रही थी, ये बोल रही थी कि ऑयल भी लेके चले जाओ और पैसा भी ले जाओ, लेकिन इस ऑयल को लेके चले जाओ, अगर हम इसको स्टोर करेंगे, स्टोर हम कर नहीं सकते, हमारा ज़्यादा नुकसान होगा। ये हल्का सा आइडिया आपको रखना पड़ेगा। अब किसी भी तरीके से अगर ऑयल के प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है, उससे इंडिया को क्या इम्पैक्ट पड़ता है? पहले तो आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए, इंडिया वर्ल्ड का थर्ड बिगेस्ट ऑयल इम्पोर्टर भी है और कंज्यूमर भी है। और बाय 2040 तक ये IEA जो कि एनर्जी आउटलुक की बात करता है, उसमें एनर्जी आउटलुक की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वर्ल्ड में बिगेस्ट ऑयल इम्पोर्टर बन जाएंगे 2040 तक। ऑयल के इम्पोर्ट करने का बिल हमारा बढ़ता जा रहा है, 76% के आसपास जो हमारी ऑयल की नीड्स होती है वो इम्पोर्ट से पूरी होती हैं, 24% के आसपास जो होती है हम लोग अपने यहाँ से प्रोडक्शन के थ्रू फुलफिल करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी, मैक्रो इकोनॉमी मतलब नेशन के लेवल पर। आप लोग जब इकोनॉमी का सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो तो उसमें दो चीज़ें आप पढ़ते हो, माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी जनरली हमारा UPSC का इकोनॉमिक्स का सिलेबस होता है, माइक्रो इकोनॉमी के बारे में हम लोग इतना नहीं पढ़ते। तो माइक्रो इकोनॉमी हम लोग बहुत ही कम पढ़ते हैं, मैक्रो में पूरे नेशन के लेवल पर हम बात करते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट UPSC का प्रीलिम्स का बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है काफ़ी समय से। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, कंट्री में इन्फ्लेशन लेवल को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग ऑयल के प्राइसेस के फ्लक्चुएशंस को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करें और अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करते रहें।
पोर्टुगीज इंडिया की जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उससे भी बहुत हद तक ही कॉम्प्रोमाइज़ करता है। इसे आपको पता होगा कि रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने डिसाइड किया था कि वो अपना जो बिज़नेस वगैरह है वो यूएई के फ्री जोन से बंद कर देगा। ये फ्री जोन्स क्या होते हैं ना, हर एक कंट्री जो ऑयल प्रोड्यूस करती है ना उनमें कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पर ये लोगों के टैक्स रिजीम्स वगैरह जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो फ्री जोन्स होते हैं। ये स्पेशली ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का रूल होता है। प्लस में सऊदी अरेबिया ने ये भी अनाउंस किया था कि ऐसी कोई भी इंटरनेशनल कंपनी जिसका रीजनल हेडक्वार्टर नहीं होगा उनके किंगडम के अंदर बाय 2024 उनके साथ वो कोई भी बिज़नेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो भी ओपेक प्लस नेशंस हैं उन सबका कंट्रोल होता है सभी प्राइसेस के ऊपर एटलीस्ट अगले 10 साल तक, और बहुत ही स्लो रिएक्शन होगा इसमें वर्ल्ड व्यूज़ और इंटरेस्ट के बारे में। तो एक काइंड ऑफ नई डील जो है, एक टेम्प्रेरी रिलीफ है हाई प्राइसेस और इन्फ्लेशन को लेकर के, लेकिन इसको फ्यूचर में और मेंटेन करने के लिए हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी की ज़रूरत है ताकि फ्यूचर एनर्जी सिक्योरिटी पर हम अपनी पॉलिसीज़ को इंक्लाइन कर सकें। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, हमको अपने ऑयल के इम्पोर्ट्स कम करने चाहिए, हमको एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी चाहिए, है ना, हम लोग को डिमांड सब्स्टिट्यूशन पे काम करना चाहिए, बायोफ्यूल्स पे काम करें, अल्टरनेट फ्यूल्स के ऊपर, डोमेस्टिक प्रोडक्शन अपनी इंक्रीज़ करें ऑयल और गैस की, और रिफाइनरी के प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करें ताकि हमारा कंजम्पशन रिड्यूस हो सके। तो इसमें ये ऑयल फ्लक्चुएशन का जो पार्ट इंडिया के ऊपर होगा ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का है, मोर अबाउट आपको ओपेक ओपेक प्लस के बारे में और ऑयल के ये जो लेवल्स होते हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। काइंड ऑफ ही अपडेट है, इतना नेसेसरी नहीं रहेगा शायद ये।